हेलो हेलो एवरीवन गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून राम राम जय हिंद नमस्ते सत श्रीकाल सभी को नमस्ते भाई सभी को राम राम सभी को जय हिंद सभी को कैसे हैं आप सभी और एक बार वॉइस वीडियो जरूर चेक करके बताना वॉइस और वीडियो दोनों चीजें कैसे हैं सब कुछ ठीक ठाक है ना तो एक बार बता दो भाई सारा कुछ ओके है मामला बता दीजिए एक बार तब तक मैं आपको थोड़ी सी जानकारी जो है साथ के साथ दे देता हूँ देखो आज जो हम पढ़ेंगे वो एम एस वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं ठीक है ना एम एस वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट के अगर किसी भाई का किसी बहन का कोई एम एस ऑफिस से संबंधित कोई भी डाउट रह जाता है या एम एस ऑफिस जिन्होंने ही नहीं पढ़ा तो आपके लिए बता देता तो हूँ मैं अपने ही चैनल पर अपने ही चैनल पर ये एम एस ऑफिस की प्ले लिस्ट पड़ी है लाभ सिंह नैन यूट्यूब चैनल खोलोगे और एम एस ऑफिस की प्ले लिस्ट से सारी चीजें चेक करोगे अच्छे तरीके से सारी चीजें करवा रखें बहुत ही बेहतरीन तरीके से जी संदीप शर्मा जी स्वागत है भाई तो ठीक है ना बेहतरीन तरीके से करवा रखे वहां से आप ये चीजें देख सकते हो एक बुक के बारे में जानकारी दे देता हूँ ये जो बुक है ये येलो कलर वाली जो बुक है ये बहुत पहले हुआ करती थी ये जो येलो कलर वाली बुक है अपनी ये सबसे पहली बुक है अपनी कंप्यूटर की इसके बाद इसका अपडेटेड वर्जन आ गया था हिंदी में भी और इंग्लिश मीडियम में भी दोनों बुक अवेलेबल है मार्केट के अंदर भी ये फ्लिपकार्ट से है ये हिंदी मीडियम है ये वाली इंग्लिश मीडियम है अपडेटेड वर्जन है ठीक है ना

ओनली वन फोर्टी फाइव प्राइस दिखा रहा है यहाँ पर ये वाला जो कवर है इस बुक का ये कवर रहेगा ये आपकी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो बुक बनी है जो एस एस सी सी और टी या आ, के सभी के एग्ज़ाम के लिए रहेगी जो आपके हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल है अगर किसी भाई ने अभी तक नहीं ली है तो देख सकते हैं जो पुराने वाली बुक जिसने नहीं ली है पुराने वाली बुक जिसने ले रखी है वो अच्छी बात है वो बहुत ही अच्छी बुक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एम भी शामिल है ठीक है ना तो ये जो बुक होगी ये अपनी इंग्लिश मीडियम बुक होगी भाई तो ये बुक के बारे में जानकारी थी प्ले लिस्ट के बारे में जानकारी थी चलिए करते हैं शुरू अपना काम भाई आज का काम अपना शुरू करते हैं आज की जो प्लेलिस्ट आज की जो क्लास रहेगी आपकी वो क्लास रहेगी आपकी एमएस वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट के एमसीक्यू सी क्यू की एमएस वर्ल्ड के एक्सेल के और पावर पॉइंट के सारे ही क्वेश्चन का जो है झंझट ही खत्म हो जाएगा अपना ठीक है ना सारे ही क्वेश्चन का ही झंझट जो है वो खत्म हो जाएगा भाई ठीक है ना क्लियर है बात सभी को चलिए भाई आ जाओ भाई चलिए देखिए यही बुक ये यह वाली बुक जो है इसी बुक की मैं बात कर रहा हूँ ये वाली जो बुक है अभी बुधवार को जो है ये बुक आपकी मार्केट में आ जाएगी भाई ठीक है ना ये टी सी एस 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 सी 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 एल सी एच एस एल यू पी पी सी एल एन टी एच पी एस सी एच एस एस सी सीई टी मेन्स ग्रुप सी वगैरह के लिए सबके लिए अवेलेबल है भाई ठीक है ना क्लियर है बात सभी को हाँ जी सभी कर सकते हो भाई कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अब इस क्वेश्चन के लिए जय श्री राम बोल करके और शुरू हो जाइए भाई हाँ जी आप भी कर सकते हो आप भी पढ़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है क्या दिक्कत है सभी पढ़ सकते हैं भाई कोई इश्यू नहीं है ठीक है ना सभी पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है भाई आ जाओ आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आज का आपका पहला क्वेश्चन है भाई ये क्लास लंबी होने वाली है मैराथन क्लास होने वाली है सारे ही क्वेश्चन लगभग हम आज निपटा देंगे इसके ठीक है ना देखो भाई आ जाओ भाई सारे क्वेश्चन देखना आप लोग सभी क्वेश्चन देखना भाई शुरू से लेकर के लास्ट तक सारे क्वेश्चन देख लेना कौन सा क्वेश्चन आपको आता है कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता है भाई ठीक है ना तो देखिए भाई करे कि इनमें से वर्ड प्रोसेसर भाई वर्ड प्रोसेसर क्या होता है वर्ड प्रोसेसर आपके जैसे कि एम वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसर है एम वर्ड, वर्ड क्या है आपका वर्ड प्रोसेसर है भाई वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप लेटर लिख सकते हो लंबे लंबे लेटर लिख सकते हो या फिर जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्री लिख सकते हो या फिर जिसके अंदर ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी बायोग्राफी आप लिख सकते हो वो वर्ड प्रोसेसर होता है क्या होता है वर्ड प्रोसेसर होता है ये कह रहा है कि सबसे पहला कौन सा आया तो सबसे पहला कौन सा आया था मेरे भाई वर्ड स्टार आया था सबसे पहला कौन सा आया था वर्ड स्टार जो है सबसे पहले आया था इससे पहले 1976 सेवेंटी सिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक पेंसिल भी आया था लेकिन वो इतना नहीं चला था ये फेमस था आपका जो वर्ड स्टार है सबसे पहले आया था ठीक है ना ये एम एस वर्ड इसलिए एग्जाम्पल दिया क्योंकि ये फेमस है अलग अलग कंपनी के वर्ड प्रोसेसर हैं भाई अलग अलग कंपनी के वर्ड प्रोसेसर हैं, जैसे कि एम एस वर्ड भी एक वर्ड प्रोसेसर है वर्ड परफेक्ट भी एक वर्ड प्रोसेसर है इसका राइट आंसर आपका वर्ड स्टार हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका वर्ड स्टार हो जाएगा ओपन ऑफिस का जो वर्ड प्रोसेसर है उसका क्या नाम है कमेंट करके बताओ भाई ओपन ऑफिस का जो वर्ड प्रोसेसर है उसका क्या नाम है वो बताओ कमेंट करके ओपन ऑफिस से संबंधित भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं ठीक है ना जैसे ऑफिस है ये किस चीज़ का क्वेश्चन है ये ऑफिस का क्वेश्चन है और कौन से ऑफिस का क्वेश्चन है एम एस ऑफिस का क्वेश्चन है भाई एम एस ऑफिस के पार्ट कौन से कौन से हैं जिसे आप वर्ड कहते हो जिसे आप एक्सेल कहते हो जिसे आप पावर पॉइंट कहते हो ये इसी के तो ऑप्शन है ये इसी के तो क्या है ऑप्शन है मेरे भाई तो ऐसे ही एक ऑप्शन है ऐसे ही एक ऑफिस है ओपन ऑफिस कौन सा ऑफिस है ऐसे ही एक मेरे भाई ओपन ऑफिस है एक ऐसे ही तो ये ओपन ऑफिस का जो वर्ड होता है उसे क्या कहा जाता है बताए नहीं किसी ने कमेंट करके तो उसे राइटर कहा जाता है मेरे भाई क्या कहा जाता है उसे राइटर कहा जाता है जो ओपन ऑफिस वालों का वर्ड प्रोसेसर है उसे हम राइटर कहते हैं भाई भाई क्या कहते हैं राइटर कहते हैं ठीक है ना चलिए भाई आगे बढ़ते हैं चलिए देखिए भाई बताइए फटाफट आ जाओ फटाफट आंसर जल्दी जल्दी आने दो मिनटों में काम सेकेंडे में कर देंगे बस देखो मेरे भाई क्या होगा ध्यान रखना और ये चीजें जो नई बताऊं मैं कोई भी चीजें वो आप नोट करते चलना भाई वो उन चीजों को आप नोट करते चलना भाई तो कह रहा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है भाई पावर पॉइंट जो है वो क्या है पावर पॉइंट भाई पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट जो है आपका वो कैसा सॉफ्टवेयर है भाई वेरी गुड आफ्टरनून भाई सभी को स्प्रेडशीट तो एक्सेल होती है स्प्रेडशीट क्या होती है आपकी वो तो एक्सेल होती है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है पावर पॉइंट आपका कैसा है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम डेटा कौन सा है एम का एम एस एक्सेस जो है वो डेटा है भाई एम एस एक्सेस डेटा बेस है भाई ठीक है ना एम एस एक्सेस जो है वो डेटा बेस है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है ये पावर पॉइंट है भाई प्रेजेंटेशन क्या है पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशन का दूसरा नाम क्या है इंप्रेस है भाई इंप्रेस भी इसी को कहा जाता है की नोट भी इसी को कहा जाता है एमएस पावर पॉइंट को नहीं कहा जाता प्रेजेंटेशन को कहा जाता है प्रेजेंटेशन के अलग अलग नाम हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलग अलग नाम थे ऐसे ही प्रेजेंटेशन के ये अलग अलग नाम है इम्प्रेस भी प्रेजेंटेशन है सॉफ्टवेयर है की नोट भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और एम एस पावर पॉइंट भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और ऐसे ही ये एम एस एक्सेस जो है ये डेटा बेस है और एक बेस है बेस अकेला बेस ओपन ऑफिस वालों का ये भी क्या है आपका डेटा बेस प्रोग्राम है ये भी क्या है आपका डेटा बेस प्रोग्राम है स्प्रेडशीट का दूसरा कोई नाम स्प्रेडशीट है एक जी न्यूमेरिक के नाम से जी न्यूमेरिक के नाम से भी एक स्प्रेडशीट होती है लोटस के नाम से भी एक स्प्रेडशीट होती है भाई लोटस वन टू थ्री के नाम से भी क्या है एक स्प्रेडशीट होती है विजी कैल्क के नाम से भी एक स्प्रेडशीट होती है किस नाम से विजी कैल्क के नाम से भी एक स्प्रेडशीट होती है अगर ये ऑप्शन में देकर के आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है तो बता देना कि ये सारे के सारे हैं भाई ये तो सारे के सारे हैं भाई क्लियर है बात सभी को चलिए भाई अगला क्वेश्चन ले लो भाई बताइए भाई अगला क्वेश्चन क्या होगा जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबा देना भाई बताए भाई हाँ भाई बिल्कुल कनिश बहुत बढ़िया भाई बहुत अच्छे भाई बताओ भाई कह है कि विच ऑफ लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर शूट प्रोग्राम लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर शूट प्रोग्राम इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है कौन सा नहीं है ये पूछा है ठीक है ना तो ये लिब्रा ऑफिस जो है ओपन ऑफिस है इसके अंदर राइटर होता है बिल्कुल सही बात है इसके अंदर कैल्क होता है जो कि एक्सेल होती है और इसके अंदर इम्प्रेस होता है जो मैंने अभी बात की है जो मैंने अभी बात की है ठीक है ना तो इसके अंदर एक्सेल नहीं होता एक्सेल किसका है एक्सेल एम एस वालों का है मेरे भाई एक्सेल किसका है एम एस वालों का है एक्सेल एम एस होता है ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है एक्सेल ठीक है ना माइक्रोसॉफ्ट वालों का ही तो है एक्सेल भाई क्लियर है ना भी को चलिए भाई अगला क्वेश्चन ले लेते हैं ये कुछ क्वेश्चन जो हैं Uh, कल परसों वाली जो मैराथन क्लास थी इससे पहले वाली मैराथन क्लास उसके चार पांच क्वेश्चन जो हैं ये शेष बचे हुए थे जिनमें मैंने आपको एक दो चीज़ें बतानी थी वो क्वेश्चन साथ के साथ लिए हैं और ये एम एस एक्सेल पावर पॉइंट के क्वेश्चन नहीं है पांच सात क्वेश्चन है ये ठीक है ना इनको भी लपेट देंगे भाई ठीक है ना कह रहा है कि बिट रेट पूछा है क्या पूछा है बिट रेट अवेलेबल जो होती है कंज्यूम जो होती है इन्फॉर्मेशन कैपेसिटी के लिए जो एक्सप्रेस की जाती है टिपिकली इन मैट्रिक्स मल्टीपल ऑफ बिट्स पर सेकंड में तो वो बैंडविड्थ होती है भाई क्या होती है बैंडविड्थ होती है और इसको बोर्ड रेट भी कहा जाता है क्या कहा जाता है बोर्ड रेट भी कहा जाता है ठीक है ना बैंडविड्थ जो होती है वो बिट से संबंधित होती है और बोर्ड रेट जो होती है वो सिग्नल से संबंधित होती है किस चीज से संबंधित होती है वो आपकी सिग्नल से संबंधित होती है ठीक है ना बैंडविड्थ होता है बिट पर सेकेंड बिट पर सेकेंड और बोर्ड रेट होता है सिग्नल पर सेकेंड सिग्नल जो होते हैं उसके पर सेकेंड होते हैं ठीक है चलिए भाई ये बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है भाई सभी आंसर किया करो जो आंसर करेंगे देखो जो जो चीज आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में वो चीज फिर आपको याद रहेगी गलत होगी तो भी याद रहेगी सही होगी तो भी याद रहेगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें ठीक है ना चलिए भाई बताइए राइट आंसर इसका क्या होने वाला है बताओ भाई आ जाओ विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मैग्नेटिक स्टोरेज इनमें से कौन सा एक मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है भाई यहां मार मत खा जाना भाई मार मत खा जाना यहां पर बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर बता दीजिए आप लोग मार खा गए भाई इसमें इसमें जो है आप लोग मार खा गए एक दो का ही सही उत्तर है भाई संदीप नैन का बिल्कुल सही उत्तर है दीपक कुमार का बिल्कुल सही उत्तर है अभिजीत आपका गलत हो गया है भाई ठीक है ना आपने क्वेश्चन का अब समझो देखो मैग्नेटिक स्टोरेज पूछा है क्या पूछा है मैग्नेटिक स्टोरेज पूछा है जो नहीं है जो नहीं है मेमोरी कार्ड क्या होता है फ्लैश मेमोरी होती है सीधी सी बात है मेमोरी कार्ड क्या होती है फ्लैश मेमोरी होती है भाई क्या होती है मेमोरी कार्ड आपकी फ्लैश मेमोरी होती है तो सीधी सी बात है ये आपका नहीं है ये नहीं है मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक नहीं है ठीक है ना फ्लॉपी ड्राइव मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक होती है विंचिस्टर डिस्क जो कि डिस्क के ही पार्ट हैं किसके पार्ट हैं डिस्क के तीन भाग जो मैंने आपको बताए थे उन्हीं में से शामिल है कौन से कौन से बताए थे जिप डिस्क जिसको बर्नोली डिस्क भी कहा जाता है और एक आपका बताया था मैंने डिस्क पैक क्या बताया था डिस्क पैक बताया था और एक आपको विंचेस्टर डिस्क, डिस्क बताया था क्या बताया था विंचेस्टर डिस्क बताया था भाई तो ये तीनों जो होते हैं इसके भाग होते हैं ये मैग्नेटिक डिस्क जो होती है ये मैग्नेटिक होती है क्या होती है मैग्नेटिक होती है भाई क्लियर है ना बात सभी को चलिए भाई राइट आंसर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं क्रिप्टोलोकर इज ए फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ये कुछ स्टूडेंट के डाउट भी थे भाई ये कुछ स्टूडेंट के जो है डाउट भी थे भाई तो वो डाउट की भी साथ के साथ मतलब शुरुआत में पांच चार क्वेश्चन है ये पांच से सात क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से डाउट वगैरह के लिए भी ले लिए है मैंने तो बताइए भाई इनमें से कौन सा क्रिप्टो क्रिप्टोलॉकर की फॉर्म है भाई क्रिप्टो क्रिप्टोलॉकर इज द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग भाई तो देखो ये एडवेयर जो है स्पाइवेयर जो है ये और वॉर्म जो है ये मेलवेयर है भाई ये क्या है आपके मेलवेयर है भाई ठीक है ना ये आपकी जानकारी को या सिस्टम को हानि पहुंचाते हैं ठीक है ना और ये क्या करता है रैनसम बेयर ये क्या काम करता है ये लॉक कर देता है आपके सिस्टम को हानि नहीं पहुंचाता लेकिन लॉक कर देता है क्या कर देता है लॉक और क्या मांगता है फिर फिरौती मांगता है क्या मांगता है फिरौती मांगता है जानकारी को हानि नहीं पहुंचाई ना ही सिस्टम को हानि नहीं पहुँचाई सीधा क्या किया लॉक कर दिया सिस्टम को और क्या मांगेगा पैसे मांगेगा कि पैसे दे दो खोल देंगे भाई नहीं पैसे दोगे तो लॉक पड़ा है

बताइए भाई कौन सी शॉर्टकट की होगी भाई तो रो को सेलेक्ट करने के लिए होती है सिफ्ट प्लस स्पेस बार कौन सी होती है रो को सिलेक्ट करने के लिए होती है सिफ्ट प्लस स्पेस बार कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए होती है कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्या होती है कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए होती है कंट्रोल प्लस स्पेस बार और पूरी सीट को सिलेक्ट करने के लिए होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार जो होती है पूरी सीट को सिलेक्ट करने के लिए होती है भाई पूरी सीट को ही सेलेक्ट कर देंगे भाई क्लियर है बात सभी को ओके है मामला चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इसका राइट right आंसर क्या होगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार जो है इसका राइट आंसर होगा भाई चलिए भाई अगला बताइए भाई क्या राइट आंसर होगा भाई क्वेश्चन पढ़िए और बताइए भाई देखिए भाई कह रहा कि वॉज फर्स्ट ब्राउजर पहला ब्राउजर है टू तो डिस्प्ले इमेज इन लाइन विद टेक्स्ट इन स्टीड ऑफ डिस्प्लेंग इमेज, इमेज इन सेपरेट विंडो कह रहा कि अलग विंडो में इमेज दिखाने के बजाय उसी विंडो के अंदर जो है इमेज को दिखाता था वो कौन सा ब्राउजर है भाई वो आपका कौन सा पहला ब्राउजर है भाई जो आपका ऐसा काम करता था तो एक तो ब्राउज़र था इरवाइज जो पहला ग्राफिक ब्राउज़र था उसमें यही कमी थी कि जब भी इमेज को दिखाता था वो अलग से ब्राउजर ओपन करता था टैब ओपन करता था जिसमें दिखता था तो ये जो है ग्राफिक के लिए सबसे पहला ब्राउजर आया मोसेक वेब ब्राउज़र जो है सबसे पहला ब्राउजर आया ये एन ए के द्वारा आया भाई एन सी एस ए नेशनल कंप्यूटिंग फॉर नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एजेंसी भाई नेशनल सेंटर सुपर कंप्यूटिंग एजेंसी भाई फॉर सुपर कंप्यूटिंग एजेंसी के लिए आया भाई ठीक है ना एजेंसी ने बनाया भाई मोजिला फायरफॉक्स जो है ये क्या है आपका ये आपका ओपन सोर्स है मेरे भाई क्या है ये आपका ये आपका ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है मोसीला फ़ायरफ़ॉक्स लिनक्स भी वेब ब्राउजर है ओपेरा भी वेब ब्राउज़र है ये दोनों भी क्या है वेब ब्राउजर है मेरे भाई ठीक है ना क्लियर है बात सभी को चलिए भाई फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट एप्लीकेशन भाई पावर पॉइंट एप्लीकेशन की फाइल एक्सटेंशन क्या होगी भाई बताएँ भाई क्या होगी फाइल पावर पॉइंट की एक्सटेंशन भाई बताइए ज़रा पावर पॉइंट की एक्सटेंशन जो है वो क्या होगी देखो डोट जेपी जी जेपी जी क्या होता है जॉइंट जॉइंट फोटोग्राफी 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 ग्रुप 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 ठीक है ना फोटोग्राफिक ग्रुप भाई ठीक है ना ई आ जाए तो एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगा भाई एच टी एम एल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है क्या होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है भाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है एस टी एम एल भाई डोक्स क्या होता है डोक्स होता है डोकोमेंट भाई क्या होता है डॉक्यूमेंट होता है भाई और ये डोकोमेंट की शॉर्टकट सॉरी डोकोमेंट की एक्सटेंशन है डॉट डी ओ सी क्या है डॉट डी ओ सी जो है डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन होती है लेटेस्ट की हो चुकी है डोट डी ओ सी एक्स ऐसे ही ये पी जो है पुराने वाली है नए वाली की एक्सटेंशन हो चुकी है PPTX नए वाली प्रेजेंटेशन की जो एक्सटेंशन हो चुकी है वो हो चुकी है PPTX पी भाई ठीक है ना बात समझ आ रही सभी को चलिए मेरे भाई इन में से कौन सा बटन जो है वो प्रेजेंट होता है क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर भाई बाय डिफॉल्ट MS ऑफिस 2010 के अंदर क्या करना है एम एस ऑफिस दो के अंदर पावर पॉइंट के अंदर इनमें से कौन सा पावर पॉइंट में नहीं वर्ड में इनमें से कौन सा क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर होता है भाई तो क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है वो कहाँ होता है क्विक एक्सेस टूल बार मेरे भाई टाइटल बार पर होता है कहाँ होता है ये जो टाइटल बार होता है इस टाइटल बार पर क्विक एक्सेस टूल बार लेफ्ट साइड में होता है कौन सी साइड में होता है लेफ्ट साइड में होता है टाइटल बार पर होता है ठीक है ना तो उसमें कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट कौन सी कौन सी कमांडे होती हैं क्विक एक्सेस टूल बार का एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विक एक्सेस टूल बार इससे नीचे रिबन होता है क्या होता है इससे नीचे रिबन होता है एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विक एक्सेस टूल बार जो यहाँ पर है क्या हम उसको रिबन के नीचे ला सकते हैं तो बिल्कुल ला सकते हैं भाई एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर सेव अंडू और रीडू पहले से ही कमांड होती हैं जब हम ओपन करते हैं तो क्या इनके अलावा और भी कमांड ऐड कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हम और भी कमांडें ऐड कर सकते हैं मेरे भाई ठीक है ना क्विक एक्सेस का मतलब होता है जल्दी से पहुंच जाना वहां तक जल्दी से पहुंच जाना यानी कि कोई अंडू करना है रीडू करना है सेव करना है तो वहां पर जल्दी से पहुंचना क्विक एक्सेस टूल बार पर ये कमांडे होती हैं भाई क्लियर है बात सभी को चलिए भाई बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आ जाओ भाई कह रहा कि कुछ कुकी जो होती हैं ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड होती हैं आफ्टर यूज़र हैज़ डिलीटेड देम यूज़र उनको डिलीट करते फिर भी दीज आर आल्सो कॉल्ड कुकीज़ ये कौन सी कुकीज़ कहलाती हैं भाई जिन्होंने एसएससी सीजीएल का अपना एसएससी सीजीएल का पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया है वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और जितने भी बैच हैं सभी में मैंने एसएससी सीजीएल का एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से डाल रखा है और एक नई बात जो बुक है अपनी उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन ऐसे ऐसे क्वेश्चनों की डिटेल एक्सप्लेनेशन डाली है जो नई बुक आने वाली है बुधवार को उसमें ठीक है ना तो यहाँ क्या कहा जाता है कुकीज क्या होता है कुकीज कमेंट करके बताओ भाई कुकीज होता क्या है कुकीज होता है स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है भाई यानी कि जानकारी का छोटा सा भाग होता है जो कहाँ सेव होती हैं जो आपके वेब ब्राउजर में सेव होती हैं भाई कहाँ सेव होती हैं जो कि आपकी कुकीज आपके वेब ब्राउजर में सेव होती हैं भाई ठीक है ना कुकीज़ कहाँ सेव होती हैं आपके वेब ब्राउजर के अंदर सेव होती हैं कौन सी कौन सी कुकीज होती हैं कितने कितने प्रकार की होती हैं भाई एक तो होती हैं आपकी फर्स्ट पार्टी कुकीज़ क्या होती है फर्स्ट पार्टी कुकीज होती है भाई ठीक है ना एक होती है आपकी थर्ड पार्टी कुकीज़ कौन सी होती है मेरे भाई थर्ड पार्टी होती है एक आपकी फर्स्ट पार्टी होती है एक थर्ड पार्टी होती है और एक होती है आपकी सुपर कुकीज क्या होती है आपकी एक सुपर कुकीज होती है भाई तो ये सुपर कुकीज आ गया यहाँ पर तो ये कह रहा है जोम्बी ये कह रहा है जोम्बी इसका राइट आंसर होगा जोम्बी भाई जो अपने आप डिलीट हो करके रिक्रिएट हो जाए यूजर उन्हें डिलीट कर दे फिर से रिक्रिएट हो जाए वो होती हैं जोम्बी क्या होती हैं जोम्बी होती हैं भाई तो इसमें तो जोम्बी नहीं आया ये जोम्बी जो है कौन से प्रकार की कुकीज़ है बताओ जरा कमेंट करके ये ज़ोंबी जो है वो कौन से प्रकार की कुकीज है फिर इसमें तो आया ही नहीं ये। तो जोम्बी जो है अपनी कौन से प्रकार की कुकीज है सुपर कुकीज को ही जोम्बी कहा जाता है सुपर कुकीज को ही क्या कहा जाता है जोम्बी कहा जाता है बिल्कुल सही उत्तर है भाई बिल्कुल सही जवाब है चलिए भाई अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई ये जो कर रहे थे ना बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी हरियाणा में स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट जो है सर डाउनलोडिंग का टॉपिक सर डाउनलोडिंग का टॉपिक सर अपलोडिंग का टॉपिक क्या है डाउनलोडिंग अपलोडिंग का टॉपिक नहीं करवाया सर एक सेकंड में डाउनलोडिंग अपलोडिंग हो जाता है आ, दूसरे कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में डेटा लेना डाउनलोडिंग है अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा देना अपलोडिंग है या सर्वर पर डेटा अपलोड करना अपलोडिंग है तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी भाई ठीक है ना आप लोगों के लिए तो एक अलग से लिख दिया तो इसका मतलब ये पूरा टॉपिक है और इस पर लगेंगे घंटों डाउनलोडिंग और अपलोडिंग पे भाई ये डाउनलोडिंग और अपलोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है भाई लो आ जाओ अब डाउनलोडिंग और अपलोडिंग बता दो तो कौन सा सही है कौन सा गलत है भाई बताओ कौन सा सही और कौन सा गलत है भाई कह रहा है कि इनके बाद इन में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है तो बताओ जरा देखते हैं कौन से कौन से का सही मिलेगा किस किस का सही आंसर मिलेगा भाई इन में से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी गलत है गलत है एक स्टेटमेंट तो वो कौन सी है भाई बताओ पहला कह रहा है कि मेमोरी की ज़रूरत होती है वेब सर्वर पे। जब हम डाउनलोड करते हैं कोई भी चीज़ तो वेब सर्वर में डाउनलोडिंग करते समय मेमोरी की आवश्यकता होती है दूसरा कह रहा है कि अपलोडिंग एक प्रोसीजर होता है जो कॉपी करता है डेटा को फ्रॉम द डिवाइस टू द वेब सर्वर डिवाइस से वेब सर्वर की तरफ डेटा को कॉपी करता है वो अपलोडिंग होता है तीसरा है कि डेटा ट्रैवल करता है यूज़र की डिवाइस से वेब सर्वर की तरफ अपलोडिंग में चौथा है डाउनलोडिंग जो एक ऐसा प्रोसीजर है कॉपी करता है फ्रॉम द वेब सर्वर टू द मशीन वेब सर्वर से मशीन में तो अब बताओ भाई, कौन सा राइट आंसर होगा अब बताइए कौन सा सही उत्तर होगा क्या हुआ यहाँ पर बफरिंग होना शुरू हो गई है क्या अरे बफरिंग तो नहीं है क्वेश्चन के आगे तो नहीं हूं आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही नेटवर्क तो अच्छा होगा ना तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है भाई देखो देखो मेरे भाई नीचे से देख लो डाउनलोडिंग क्या होता है एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहाँ कॉपी करते हैं फाइल फ्रॉम वेब सर्वर टू मशीन कोई भी वेब सर्वर है वेब सर्वर वेब सर्वर से अपनी मशीन में डेटा को कॉपी करना क्या कहलाता है डाउनलोडिंग कहलाता है मेरे भाई क्या कहलाता है डाउनलोडिंग कहलाता है ये बात बिल्कुल सही है ये बात जो है बिल्कुल सही है भाई ठीक है ना ये कह रहा है कि डेटा ट्रैवल करता है फ्रॉम यूज़र्स डिवाइस टू वेब सर्वर यूज़र के डिवाइस से वेब सर्वर पर डेटा ट्रैवल करता है उसे अपलोडिंग कहा जाता है ये बात बिल्कुल सत्य है अपलोडिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पर कॉपी होता है डेटा फ्रॉम द डिवाइस टू द वेब सर्वर इसी बात को दूसरे तरीके से लिख दिया बात सही है तो ये तीनों बात तो सही है तो गलत कौन सी है ये कह रहा है कि मेमोरी की जरूरत होती है वेब सर्वर में डाउनलोडिंग करने के लिए वेब सर्वर में डाउनलोडिंग करने के लिए जरूरत नहीं होती अपनी डिवाइस में डाउनलोडिंग करने के लिए मेमोरी की जरूरत होती है जहां हम डाउनलोड करेंगे अपनी डिवाइस के अंदर वहां पे मेमोरी की आवश्यकता होगी भाई ठीक है ना वहां पर मेमोरी की आवश्यकता होगी भाई वन इज राइट आंसर भाई क्या होगा वन जो है वो राइट right आंसर हो जाएगा अब आपका डाउनलोडिंग अपलोडिंग क्लियर है ना अब आपका डाउनलोडिंग और अपलोडिंग जो है वो क्लियर है ना चलिए भाई आ जाओ भाई राइट आंसर चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बताइए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर बताइए इसमें बताइए रूपेश क्या क्या बताएं भाई किम जोंग भी आगे भाई चलो अच्छी बात है आ जाओ फटाफट जो आते रहे वो वीडियो को लाइक जरूर करते रहना भाई। वेब ब्राउजर के अंदर ऐसा कौन सा रिस्पॉन्सिबल है जो वेब पेज को दिखाता है भाई वेब पेज को दिखाने के लिए उत्तरदायी कौन है भाई तो वो है रेंडरिंग इंजन भाई कौन है रेंडरिंग इंजन है देखो वेब पेज जो बनाए जाते हैं जो वेब सर्वर के अंदर वेब पेज जो बनाए जाते हैं जो सेव रहते हैं वेब पेज आपके एचटीएमएल भाषा से तैयार किए जाते हैं एचटीएमएल भाषा से तैयार किए जाते हैं जो तैयार तो हो गए लेकिन उसको एक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्मेट में लेकर आता है वो आपका रेंडरिंग इंजन होता है जो आपको सामने लेकर के आता है एक स्टाइल एक डिजाइन एक लेआउट तैयार करके लेकर आता है वो होता है रेंडरिंग इंजन भी कहा जाता है भाई जिसे क्या कहा जाता है इसे ही ब्राउजर इंजन भी कहा जाता है मेरे भाई ठीक है ना इसे क्या कहा जाता है ब्राउजर इंजन भी इसे हम कह सकते हैं बात समझ में आ रही सभी को क्लियर है ना मामला हाँ जी ये शायद आपका डाउट था चलिए भाई अगला क्वेश्चन और ये भी किसी ने किसी का डाउट था भाई बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा आर्मी वालों की राम 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 भाई संदीप राम राम जय हिंद सभी को तबीयत कैसे गुरु जी अब सुधार है संदीप कुछ तो सुधार है थोड़ा कुछ चीज़ों पे कंट्रोल किया है इसी करके क्लासे जो है वो थोड़ी कम हो पा रही हैं आप देख रहे होंगे देखिए भाई इन केस ऑफ लिंकर द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइल्स आर रेफर्ड टू एज ऑब्जेक्ट फाइल्स जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं भाई इन केस ऑफ लिंकर लिंकर में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइल्स आर रेफर्ड टू एज ऑब्जेक्ट की जो प्रोग्राम की फाइलें होती हैं वो क्या कहलाती हैं वो मॉड्यूल कहलाती हैं भाई क्या कहलाती हैं मॉड्यूल कहलाती हैं और लिंकर जब लिंक करता है तो बहुत सारे मॉड्यूल को फंक्शन को लिंक करता है फंक्शन नंबर एक फंक्शन नंबर दो फंक्शन नंबर तीन चार इनको लिंक करके ही एक ऑब्जेक्ट फाइल तैयार करता है भाई, ना और उस फाइल को फिर वो लोडर का का करेगा? करेगा भाई यानी कि लोड करेगा लोडर load जो व्यक्ति है और लिंक link करेगा लिंकर जो लिंकर है भाई लिंकर एक प्रोग्राम होता है ठीक है ना वो लिंक करेगा फाइलों को अलग अलग मॉड्यूल को लिंक करेगा और लोडर जो है फिर उसको मेमोरी में लोड करेगा भाई ठीक है ना यही क्वेश्चन था शायद आपका चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई ये भी आसान क्वेश्चन है आई थिंक ये सीजीएल का क्वेश्चन है भाई ये जो क्वेश्चन है आपका ये सीजीएल का क्वेश्चन है भाई आ जाओ फटाफट बताओ भाई क्या राइट आंसर होगा भाई इन्फॉर्मेशन जो ट्रेवल करती है बिटवीन कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड थ्रू इन्फॉर्मेशन जो ट्रैवल करती है किसके माध्यम से ट्रैवल करती है भाई मदरबोर्ड पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किन किन के माध्यम से ट्रैवल करती है जल्दी जल्दी कमेंट करो आज फास्ट थोड़ा स्पीड बढ़ाओ आज क्योंकि क्वेश्चन अपने पास आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन है आज अपने पास ठीक है ना तो स्पीड बढ़ाओ थोड़ी एक घंटे में टारगेट है कि 400 क्वेश्चन में आपको करवा सॉरी एक घंटे में 40 क्वेश्चन में आपको करवा ऐसा टारगेट है एक घंटे में जनरली हम क्वेश्चन करते हैं ठीक है चलिए भाई तो बस इज इस इसका राइट आंसर होगा भाई क्या होगा राइट आंसर होगा जिनके माध्यम से डेटा ट्रेवल करता है वो बस होती हैं जो कि ग्रुप ऑफ वायर्स होती हैं भाई क्या होती हैं जो कि आपकी ग्रुप ऑफ वायर्स होती हैं भाई इसको ट्रांसमिशन पाथ भी कहते हैं भाई क्या कहते हैं ट्रांसमिशन पाथ भी इसी को ही कहते हैं किसको बस को कहते हैं मेरे भाई पेरीफेरल डिवाइस कौन सी होती हैं जो आपकी या तो इनपुट डिवाइस होती हैं या तो आउटपुट डिवाइस होती हैं वो आपकी पेरीफेरल डिवाइस होती हैं भाई सीमोस की फुल फॉर्म क्या है कमेंट करके बताओ फ्लैश मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है एक तो मेमोरी कार्ड होता है सॉरी फ्लैश मेमोरी आपकी एक तो ड्राइव होती है क्या हुआ भाई एक तो आपकी पेन ड्राइव होती है ड्राइव और एक मेमोरी कार्ड होता है भाई क्या होता है एक आपका मेमोरी कार्ड होता है भाई मेमोरी कार्ड होता है ठीक है ना मेमोरी कार्ड भाई क्लियर है बात सभी को सी की की फॉर्म सभी ने कमेंट कर दी बहुत अच्छी बात है भाई कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर भाई कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर भाई इसमें क्या क्या सेव होता है ये भी कमेंट कर दो ये भी कमेंट कर दो क्या क्या सेव होता है इस मेमोरी के अंदर इस मेमोरी के अंदर क्या क्या सेव होता है बता दो जल्दी से कमेंट करके सी मोस के अंदर क्या क्या चीजें सेव होती हैं नंबर एक हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन नंबर दो डेट एंड टाइम नंबर तीन मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन कह लीजिए ठीक है ना क्या सेव नहीं होता ये हरियाणा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या सेव नहीं होता प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं होती है ठीक है ना बात समझ में आ रही सभी को चलिए भाई आगे बढ़ते हैं ये आसान क्वेश्चन है आई थिंक दिखने में बड़ा लग रहा है वैसे आसान क्वेश्चन है भाई बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा जो लेट जुड़े हैं लास्ट में जुड़े हैं वीडियो को लाइक करते रहना भाई लगातार ठीक है ना शेयर भी करते रहना हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में मित्र प्यारों के साथ बड़ा ही जबरदस्त टाइम लगा है आपकी ये क्लास तैयार करने में और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं लगभग 250 के लगभग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ वो सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करके जाऊँगा चाहे सात बज जाए और चाहे एक घंटे में डिस्कस हो जाए वो सारे क्वेश्चन मैं आपके डिस्कस करूँगा भाई ठीक है वेरी गुड आफ्टरनून भाई सभी को गुड आफ्टरनून अर्जुन सिंह शेयर करके आ सभी को बता करके इंफॉर्मेशन दे करके आ सभी को ठीक है देखो भाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट छोटे से बड़ी यूनिट है भाई छोटे से बड़ी है तो छोटी तो किलोबाइट है इनमें किलोबाइट ये वाली तो है नहीं दो तो ऑप्शन कट गया दो ऑप्शन तो आपके हट गए चार क्यों कह रहे हो दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गए आपके किलो सबसे छोटा होता है समॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बोला है समोलेस्ट टू लार्जेस्ट बोला है दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गए आपके क्यों कह रहे हो डी ऑप्शन आप तो किलो के बाद मैगा आता है किल्लो के बाद मैगा है किल्लो के बाद मैगा यहाँ तक तो ऑप्शन तीनों सही है भाई मैगा के बाद गीगा आता है मैगा के बाद क्या आता है गीगा आता है तो ये वाला ऑप्शन हट गया ठीक है ना ये वाला ऑप्शन सही है अभी तक तो की किलो के बाद मेगा मेगा के बाद गीगा गीगा तक सही है भाई ये ऑप्शन गीगा के बाद आता है टेरा ये ऑप्शन बच गया ये कट गया ऑप्शन ऑप्शन बच गया फोर ऑप्शन क्या बच गया भाई फोर ऑप्शन जो है ये बच गया भाई ठीक है ना फोर ऑप्शन जो ब... अच्छा इसमें पांच ऑप्शन थे अच्छा इसमें पांच ऑप्शन थे आप फोर इसलिए कह रहे थे बहुत अच्छी बात है भाई बड़ी अच्छी बात है बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया ठीक है ना बहुत अच्छे भाई चार राइट आंसर हो जाए किलो मेगा गीगा टा पैटा राइमिंग स्कीम बना करके इसको याद कर लेना किलो मेगा गीगा मैगा टा पैटा एग्जाजा ब्रटो है ना? बात सभी को चलिए भाई आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई बताओ भाई ठीक है, है भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई चलिए भाई चलिए आ जाओ फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई हाँ मैंने सोचा ये भी थ्री है मैंने भी यही सोचा कि ये थ्री है चलिए भाई बताइए फटाफट आ जाओ वट इज द मीनिंग ऑफ हाइबरनेट हाइबरनेट का क्या मीनिंग होता है विंडो एक्सपी के अंदर विंडोज़ सेवन के अंदर एक ऑप्शन होता था हाइबरनेट भाई तो इसका क्या मतलब होता है हाइबरनेट वैसे अंदाजा लगा करके कमेंट कर दिया करो ठीक है ना जो क्वेश्चन नहीं आता मैंने आपको वैसे भी एक चीज बता रखी है जो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है वो भी अंदाजा लगा लिया करो आप ठीक है ना <laughs> चलिए भाई सट डाउन करना बिना बंद किए क्लोजिंग विदाउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशन भाई रनिंग एप्लीकेशन को क्लोज किए बिना शट डाउन करना यानी कि सेविंग करना पावर सेविंग करना ये आपका होता है हाइबर नेट के अंदर होता है शट डाउन करना किस में होता है हाइबर नेट के अंदर होता है फिर भी राइट आंसर है ये मतलब आ, आपने ये कहा कि जिसका कोई नहीं होता उसका ये होता है तो ये होता है भाई ठीक है चलिए भाई अगला क्वेश्चन भाई डैश इज लोकेशन ऑफ ए फाइल ये कल परसों वाले जो क्लास के क्वेश्चन है पांच सात क्वेश्चन वही बचे हुए हैं ये तो अभी तो शुरू होंगे एम एस वर्ड के शुरू क्वेश्चन जो है वो भी आपके शुरू होंगे भाई तो बताइए जरा डैश इज द लोकेशन ऑफ द फाइल फाइल के लोकेशन जो होता है वो क्या होता है पाथ होता है फ़ाइल की लोकेशन भाई ध्यान रखना फ़ाइल की लोकेशन क्या होती है पाथ होती है भाई और पाथ हमें मिलता कहाँ से है प्रॉपर्टी से मिलता है फाइल की किस चीज़ से मिलता है प्रोपर्टीज से मिलता है प्रॉपर्टीज़ कैसे निकाली जाती है फाइल को सिलेक्ट करो और आल्ट प्लस एंटर दबा दो फाइल को सिलेक्ट करो और आल्ट प्लस से एंटर दबा दो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आप उस फाइल का पाथ देख सकते हो कि वो फाइल कहां से कैसे बनी हुई है भाई ठीक है ना चलिए भाई अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई आ जाओ फटाफट आ जाओ भाई चलिए भाई आ जाओ फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट आने दो फटाफट अब फटा इतना समय नहीं है कह रहा है कि एक टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया होता है जहां पर फाइल आपके फोल्डर आपके स्टोर किए जाते हैं कॉपी करने के बाद नई लोकेशन पर ले जाने से पहले आपके कॉपी किए जाते हैं तो वो कौन सा एरिया होता है भाई तो वो कौन सा एरिया आपका होता है बताओ भाई वो क्या एरिया होता है आपका क्लिप बोर्ड एरिया होता है मेरे भाई कौन सा एरिया होता है वो आपका क्लिप बोर्ड एरिया होता है ठीक है ना बात समझ में आ रही सभी को क्लिप बोर्ड क्या होता है जहाँ पर टेम्परेरी फाइल स्टोर होती है जब भी हम कॉपी करते हैं टेम्प्रेरी रूप में फ़ाइल जो है वहाँ पर स्टोर होती है तो वो एरिया कौन सा होता है क्लिप बोर्ड होता है टेम्पोरेरी फाइल स्टोर होती है भाई टेम्पोरेरी फाइल जो है स्टोर होती है भाई ठीक है ना कहाँ पर स्टोर होती है क्लिप बोर्ड पर स्टोर होती है और यहाँ पर टोटल फाइल जो है वो चौबीस सेव हो सकती हैं कितनी फाइल चौबीस फाइल सेव हो सकते हैं यहाँ पर बात समझ में सभी को हां जी बहुत बढ़िया भाई चलिए भाई अगला क्वेश्चन ले लेते हैं चलिए अगला क्वेश्चन भाई आ जाओ फटाफट करो शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ फटाफट अगला क्वेश्चन जो है ये क्या रहने वाला है भाई बताइए भाई बहुत बढ़िया भाई बहुत अच्छे जो लेट जुड़े हैं लास्ट में जुड़े हैं वीडियो को लाइक करते रहना जुड़ते रहना और जोड़ते रहना भाई ठीक है ना आज क्लास लंबी चलेगी एम एस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का खात्मा ही कर देंगे क्वेश्चन का आपका ठीक है ना कह रहा कि ब्लिंकिंग सिंबल जो होता है ब्लिंकिंग सिंबल ये वाला जो होता है इंडिकेट करता है नेक्स्ट कैरेक्टर की नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर लिखा जाना है वो किस प्लेस पर लिखा जाना वो कहलाता है आपका कर्सर कहलाता है भाई क्या कहलाता है कर्सर कहलाता है और ये क्या कहलाता है तीर का निशान आपका ये पॉइंटर कहलाता है भाई क्या कहलाता है ये आपका पॉइंटर होता है ये आपका कर्सर होता है जो ब्लिंकिंग लाइन होती है वो आपका कर्सर होता है भाई बात समझ में आ रही सभी को क्लियर है चलिए भाई अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं रिटर्न की कौन सी होती है कमेंट करके बताएं देखते हैं किस किस को पता है रिटर्न की कौन सी की होती है एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कंफर्म करें तो आपको मुझे पता चलेगा कि यार रिटर्न की आपको कितनों को पता है कि रिटर्न की कौन सी होती है कीबोर्ड पर कीबोर्ड पर रिटर्न की कौन सी होती है भाई बताइए जरा भाई सभी का आंसर आना चाहिए जितने जुड़े हैं एक एक का आंसर आना चाहिए रिटर्न की कौन सी होती है बताओ जरा कौन सी होती है रिटर्न की भाई किसे कहा जाता है कीबोर्ड पर रिटर्न की बताओ भाई जिनका गलत हो जाए वो पीछे जाकर के हाथ ऊपर कर लेना भाई ठीक है ना बताओ रिटर्न की जो होती है वो एंटर होती है मेरे भाई क्या होती है एंटर होती है जिसका ये निशान होता है रिटर्न की क्या होती है एंटर की होती है रिटर्न की जिसका ये वाला निशान होता है बात समझ में रही सभी को जिसका ये वाला निशान होता है वो होती है आपकी रिटर्न की भाई समझ आई बात सभी को ओके है मामला चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वो है दो ठीक है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन ले लेते हैं ठीक ही है मतलब ना ठंडा ना करो चलिए भाई बताओ फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भाई टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ़ ए फोल्डर इन विंडो एक्सप्लोरर कि डिस्प्ले करने के लिए कंटेंट को विंडो एक्सप्लोरर के कंटेंट को आपको क्या करना पड़ेगा भाई क्या करना पड़ेगा आपको बताओ भाई क्या कर, क्या करोगे भाई क्या करोगे आप विंडो एक्सप्लोर में कंटेंट को शो करने के लिए आप क्या करोगे भाई देखो तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे क्या करेंगे उसको <coughs> सॉरी करेंगे करेंगे? करेंगे। क्लिक करेंगे भाई उसके ऊपर हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे तभी जाकर के तो बात बनेगी हम उस पर क्लिक करेंगे मेरा भाई ठीक है ना क्लियर है बात सभी को चलिए भाई टू शरिंग के विंडो टू एन आइकन विंडो को एक आइकन पर लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे भाई विंडो को हम एक आइकन पर लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे भाई बताइए भाई क्या करेंगे विंडो को एक आइकन पर लेकर आने के लिए हम विंडो को मिनिमाइज़ कर देंगे क्या कर देंगे मिनिमाइज कर देंगे जैसे ये विंडो मिनिमाइज होगी यहाँ पर एक आइकन बन जाएगा भाई यहाँ पर क्या बन जाएगा एक आइकन बन जाएगा छोटा सा ठीक है ना छोटे से आइकन के रूप में ये विंडो हो जाएगी भाई क्लियर है बात सभी को चलिए भाई अगला क्वेश्चन बताते हैं भाई देखते हैं भाई ये क्वेश्चन कल वाली क्लास के अंदर भी अगर किसी ने लगातार जो क्लास अटेंड करता है या किसी ने देखा हो तो कल भी ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था लेकिन थोड़ा सा अलग था फॉर्मेट आज ये क्वेश्चन फिर से आ गया है आपके सामने तो इसका राइट right आंसर क्या होगा भाई बताइए भाई तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम गिवन टू दोज एप्लीकेशन दैट कंबाइन टेक्स्ट साउंड ग्राफिक मोशन वीडियो एनिमेशन सब कुछ जो मिक्स कर दें वो क्या नाम है भाई उसका क्या नाम है उसका नाम है, है मल्टी मीडिया मेरे भाई जिस जिसमें सभी चीज़ें मिक्स हो जाएं चाहे वो फोटो हो चाहे वो वीडियो हो चाहे वो टेक्स्ट हो सब चीज़ें मिक्स हो जाएं उसके अंदर वो आपका मल्टी मीडिया बन जाता है क्या बनता बन जाता है मेरे भाई वो आपका मल्टी मीडिया बन जाता है भाई क्लियर है ना सभी को मल्टी मीडिया कहलाता है भाई चलिए भाई अगला क्वेश्चन भाई एक ऐसी पावरफुल की है जो आपको एग्जिट कर देती है प्रोग्राम में जब भी आप उसको दबाते हो एक ऐसी पावरफुल की है आपको एग्ज़िट ही कर देगी प्रोग्राम से जब भी आप उसको दबाओगे तो ऐसी पावरफुल की कौन सी है मेरे भाई तो ऐसी पावरफुल की है आपकी एस्केप की कौन सी की है मेरे भाई एस्केप की जो है आपकी पावरफुल की है पावरफुल की है जो प्रोग्राम से आपको बाहर मारेगी फेंक करके ठीक है ना आपको प्रोग्राम से एकदम बाहर कर देगी मेरे भाई चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं कह रहा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब आप फाइल और फोल्डर को डिलीट कर देते हो तो एक्चुअल में डिलीट की गई फाइलें जो होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं भाई और इससे संबंधित मैं तीन क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो एच के द्वारा पूछे जा चुके हैं एच के द्वारा पूछा जा चुका है कि जो आपका रिसाइकल बिन होता है ये कितना स्पेस लेता है हार्ड डिस्क का तो टेन परसेंट लेता है वैसे तो स्पेस लेकिन शायद एच एस एस सी ने इसका उत्तर पाँच परसेंट माना है भाई ठीक है ना रिसाइकल बिन जो हार्ड डिस्क में स्टोर होने के लिए स्पेस लेता है वो टेन परसेंट का स्पेस लेता है भाई लेकिन आंसर शायद एच एस एस सी ने पाँच परसेंट माना है आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट ठीक है ना तो रिसाइकल बिन इसका सही उत्तर होगा भाई क्या सही उत्तर होगा रिसाइकल बिन सही उत्तर होगा किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए हम कौन सी की दबाते हैं कीबोर्ड से कमेंट करें जरा किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए हम कीबोर्ड से कौन सी की दबाते हैं भाई तो आप कहोगे सर डिलीट की दबाते हैं कौन सी की दबाते हैं डिलीट की दबाते हैं अगर फाइल को मैंने रिसाइकल बीन में ही नहीं भेजना है परमानेंटली डिलीट करनी है तो हम कौन सी की दबाएंगे भाई बताओ भाई कौन सी की दबाएंगे फाइल को मैं बिना रिसाइकल बिन में भेजे ही सिस्टम से बाहर कर देना चाहता हूं तो फिर कौन सी की दबाएंगे भाई फिर आप शिफ्ट प्लस डिलीट की दबाओगे भाई फिर क्या दबाओगे शिफ्ट प्लस डिलीट की दबाओगे परमानेंटली फाइल को डिलीट करने के लिए क्या करने के लिए मेरे भाई परमानेंटली फाइल को डिलीट करने के लिए भाई परमानेंटली डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट की दबा देना एकदम से बाहर हो जाएगी सिस्टम से बाहर हो जाएगी भाई क्लियर है बात सभी को चलिए भाई कह रहा कि एक ऐसी सेटिंग है जो ऑटोमेटिक होती है और स्टैंडर्ड होती है वो कौन सी सेटिंग होती है भाई बताओ फटाफट तो एक ऐसी सेटिंग है जो ऑटोमेटिक होती है स्टैंडर्ड होती है फेरी तो इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है यूज़र फ्रेंडली आपका इंटरेक्टिव होता है डिफॉल्टर तो डिफॉल्टर नाउन है सेटिंग पूछा है तो डिफॉल्ट सेटिंग होती है मेरे भाई कौन सी सेटिंग होती है डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है जो ऑटोमेटिक होती है और स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग होती है आप सभी पूछते थे कई बार कि सर डिफॉल्ट क्या होता है डिफॉल्ट क्या होता है युद्धवीर नैन कौन सा भाई आपका वो डाउट उससे अगली वाली क्लास के अंदर ले लिया है आपने देखी ही नहीं शायद है ना चलिए भाई डिफॉल्ट राइट आंसर भाई तो ये बुक की बात थी ये बुक फिर से आगे अपने सामने एस एस सी सी जी एल के लिए सी एच एस एल के लिए सी टी मेन्स के लिए इत्यादि इत्यादि ये बुक अपनी बुधवार को मार्केट में कूच करने वाली है भाई ठीक है ना और इसकी एडवांस बुकिंग अपना बुक ठेला डॉट कॉम पर शुरू हो चुकी है चलिए भाई अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन आपका है भाई, 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 बताइए आ जाओ अगला क्वेश्चन आपका डिफॉल्ट के बारे में बताओ डिफॉल्ट था, डिफॉल्ट का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट अपनी सेटिंग जो ऑटोमेटिक सेटिंग होती हैं, यानी कि स्टैंडर्ड सेटिंग जो होती हैं, जो क्वेश्चन में लिखा था आप लोगों ने पूछा था कि सर डिफॉल्ट क्या होता है डिफॉल्ट क्या होता है डिफॉल्ट क्या होता है तो डिफॉल्ट होता है यानी कि बिना मतलब टोके कोई भी अपने ऑटोमेटिक जो तो सेटिंग होती है उसको डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट सेटिंग कहते हैं भाई तो वर्ड प्रोसेसर ही तो पूछा है मैंने कहा था वर्ड प्रोसेसर आपका एम वर्ड होता है राइटर होता है राइटर भी आपका वर्ड प्रोसेसर ही होता है भाई ठीक है ना क्लियर है बात सभी को चलिए भाई अगला क्वेश्चन है भाई कह रहा कि एच टी एम एल एडिटर था जो 2003 तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट था 2003 तक तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट था उसके बाद ये बाहर हो गया भाई तो ऐसा कौन सा एच टी एम एल एडिटर है भाई एच टी एम एल एडिटर ऐसा कौन सा है जो 2003 तक एच टी एम एल इसका ऑफिस का पार्ट था भाई ऑफिस शूट का पार्ट था तो वो है आपका फ्रंट पेज भाई वो क्या है हाँ आपका फ्रंट पेज जो है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई क्लियर है बात सभी को फ्रंट पेज जो है राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन भाई अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये बार बार पूछा जा चुका है एम वर्ड का क्वेश्चन है भाई तो बताइए भाई कह है कि ऐसा कौन सा फीचर है जो सेलेक्ट किए गए सेंटेंस को या तो सभी को कैपिटल लेटर बना देगा या तो सभी को स्मॉल लेटर बना देगा भाई चेंज लेटर है चेंज सेंटेंस है चेंज केस है या चेंज वर्ड है तो कौन सा राइट आंसर होगा भाई बताइए भाई कौन सा राइट आंसर होगा या तो सभी को कैपिटल लेटर या सभी को समोल लेटर में कन्वर्ट कर देगा भाई तो वो क्या होता है आपका चेंज केस होता है मेरे भाई क्या होता है वो आपका चेंज केस होता है जिसमें केस चेंज होते हैं ठीक है ना केस जिसमें क्या होते हैं वो चेंज होते हैं मेरे भाई और इस चेंज केस को कहाँ पाया जाता है इस चेंज केस को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब के अंदर पाया जाता है कहाँ पाया जाता है होम टैब के अंदर फोट ग्रुप के अंदर आपसे पूछेगा कौन से ग्रुप में पाया जाता है तो फोट ग्रुप में पाया जाता है टैब कौन सा है होम टैब है कौन से कौन से आपसे ये भी पूछेगा इनमें से कौन सा केस नहीं होता तो सेंटेंस केस होता है लोअर केस होता है अपर केस होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है और टोगल केस होता है सेंटेंस केस में पूरे सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा केस में सारे के सारे अक्षर स्मॉल लेटर अपर केस में सारे के सारे अक्षर बड़े कैपिटलाइज ईच वर्ड में जितने भी लाइन में शब्द हैं हर शब्द का पहला कैरेक्टर बड़ा टोगल केस में जो बड़े हैं वो छोटे जो छोटे हैं वो बड़े हो जाएंगे और इसकी शॉर्टकट की कमेंट करके बता दो इसकी शॉर्टकट की कमेंट करके बता दो भाई इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो आपकी शिफ्ट प्लस एफ थ्री होती है भाई क्या होती है Shift plus F3 जो है इसकी शॉर्टकट की होती है भाई क्लियर है बात सभी किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई बताओ भाई किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई क्या यूज़ करेंगे? हम यूज करेंगे बुकमार्क भाई क्या यूज करेंगे बुकमार्क यूज करेंगे भाई किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंचना है हम बुक में मार्क लगा लेंगे जैसे बुक में पेज मोड लेते हैं पेज मोड़ लेते हैं पेज फोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम यहाँ पर आए हुए हैं या फिर जल्दी से पहुँचना हो तो वहाँ पर निशान सा लगा लेते हैं हम पेन के साथ कि यहाँ पर क्विकली एक्सेस करना हो तो, तो वो बुक में मार्क लगा लेना बुक मार्क होता है और मैक्रो क्या होता है मैक्रो होता है सीरीज ऑफ कमांड भाई मैक्रो क्या होता है आपका सीरीज ऑफ कमांड होता है मैक्रो भाई सीरीज ऑफ कमांड क्या होता है आपका मैक्रो होता है भाई समझ में आ रही बात सभी को क्लियर है बात सभी को हाँ जी चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ये आपका पाया कहाँ जाता है बुकमार्क बुकमार्क आपका इंसर्ट मेन्यू के अंदर इंसर्ट मेन्यू के अंदर बुकमार्क पाया जाता है यहाँ पर बुकमार्क ये वाला भाई ठीक है ना बुकमार्क इंसर्ट मेन्यू के अंदर पाया जाता है भाई चलिए भाई आगे बढ़ते हैं चलिए बताइए भाई क्या राइट आंसर होगा इसका बताओ 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 इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होने वाला है कह रहा कि सुपर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रो ये क्या है फोट के फेस है फोट के स्टाइल है फोट के इफेक्ट है फोट का फॉर्मेट है ये है क्या बताओ भाई कौन कम्बक स्टाइल कह रहा था इन्हें तो स्टाइल कौन से कौन से फ़ॉन्ट फेस तो नेम होते हैं जैसे कैलिबरी है क्या है मेरे भाई कैलिबरी है या टाइम्स न्यू रोमन है स्टाइल कौन से कौन से हैं जैसे कि बोल्ड है जैसे कि इटालिक है जैसे कि आपका रेगुलर है क्या है रेगुलर है ये आपके फोट के स्टाइल हैं फोट के इफेक्ट क्या होते हैं आपके जो ऊपर लिखा है सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रो ये फोट के इफेक्ट हैं और फोट फॉर्मेट क्या होता है ये सारे की सारी चीज़ें फोर्ट की फॉर्मेटिंग के अंदर शामिल हैं भाई ये सारी की सारी चीज़ें फोट की फॉर्मेटिंग में शामिल हैं भाई बात समझ में आ रही सभी को क्लियर है ना मामला चलिए भाई आगे बढ़ते हैं भाई ये फोन के इफ़ेक्ट हैं देख लो यहाँ से ध्यान से आप चीज़ों को ये क्या है आपका फोट का स्टाइल है जो फोट डायलॉग बॉक्स में पाया जाता है फोन डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट की क्या है फोन डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट की क्या है भाई बताओ भाई आप पता चल जाएगा ना उन्हें फोट डायलॉग बॉक्स के अंदर शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस डी होती है फोट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की और ये फोट के इफेक्ट हैं स्ट्राइक थ्रो डबल स्ट्राइक थ्रो सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट शेडो आउटलाइन एम्बोस एंग्रेव Small caps, all caps, hidden. इनको नोट करना बड़ा जरूरी है इनसे संबंधित दो तीन बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं बहुत बार कह लीजिए कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है भाई चलिए भाई आगे बढ़ते हैं एम एस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में आप क्या टाइप करोगे भाई एम एस वर्ड अगर स्टार्ट करना हो तो रन डायलॉग बॉक्स में आप क्या स्टार्ट करोगे भाई बिल्कुल सही है भाई बिल्कुल सही ठीक है ना बिल्कुल सही बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया पहले घंटे में आपने 100 से ऊपर लाइक पहुंचा दिए हैं उम्मीद करता हूं अगले आने वाले घंटे में 200 से ऊपर लाइक देखूंगा मैं ठीक है ना चलिए भाई आ जाओ फटाफट तो रन डायलॉग बॉक्स के अंदर हम लिखते हैं विन वर्ड क्या लिखते हैं विन वर्ड डॉट ई एक्सी लिखते हैं अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है तो अगर हमें क्या ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है तो विन वर्ड डॉट ई एक्सी हम इसके अंदर लिखते हैं भाई क्लियर है ना सभी को चलिए भाई अगला क्वेश्चन ले लेते हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए हम क्या दबाएंगे भाई तो ये तो आसान क्वेश्चन आई थिंक स्पेलिंग चेक करने के लिए हम क्या दबाएंगे तो बताओ क्या दबाओगे भाई स्पेलिंग चेक करने के लिए तो स्पेलिंग अगर चेक करनी है रिसर्च दबाओगे वर्ड काउंट दबाओगे सेट लैंग्वेज दबाओगे या आप स्पेलिंग एंड ग्रामर दबाओगे भाई तो बताइए भाई क्या दबाओगे और स्पेलिंग एंड ग्रामर आपको मिलेगा कहाँ कहाँ मिलेगा आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर भाई बताइए जरा स्पेलिंग एंड ग्रामर आपको कौन से ऑप्शन में मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर भाई आपको कौन से ऑप्शन के अंदर मिलने वाला है बताओ भाई कौन से ऑप्शन ओह मेरे फोन में भी चल पड़ा तो स्पेलिंग ग्रामर जो है वो कौन से ऑप्शन के अंदर आपको मिलने वाला है साफ नहीं दिख रहा ऐसा कैसे हो सकता है स्पेलिंग एंड ग्रामर राइट आंसर है ये स्पेलिंग एंड ग्रामर स्पेलिंग एंड ग्रामर से चेक करेंगे और ये प्रूफिंग के अंदर मिलेगा भाई किसके अंदर मिलेगा प्रूफिंग के अंदर मिलेगा और प्रूफिंग जो है कहाँ मिलेगा प्रूफिंग आपको रिव्यू ऑप्शन के अंदर मिलेगा कौन से ऑप्शन के अंदर मिलेगा रिव्यू रिव्यू यानी कि दोबारा से देखना चाहते हैं स्पेलिंग वगैरह गलत तो नहीं हो गई तो रिव्यू ऑप्शन के अंदर मिलेगा भाई ठीक है ना और रिव्यू ऑप्शन के अंदर ये एफ़ सेवन स्पेलिंग चेक करने के लिए एफ़ सेवन है और आपका थीजर्स के लिए थीजर्स के लिए कह लीजिए थीजार्स के लिए यानी कि आपके किस चीज़ के लिए सिनोनिम्स के लिए पर्यायवाची शब्द के लिए शिफ्ट प्लस एफ़ सेवन दबाओगे क्या दबाओगे शिफ्ट प्लस एफ़ सेवन दबाओगे राइट आंसर चलिए भाई आगे बढ़ते हैं तो ये रिव्यू के अंदर आप देख सकते हो ये रिव्यू टैब है आपका रिव्यू टैब के अंदर ये प्रूफिंग ऑप्शन है प्रूफिंग प्रूफिंग ग्रुप है प्रूफिंग क्या है एक ग्रुप है उसके अंदर स्पेलिंग ग्रामर रिसर्च थीजर्स ट्रांसलेट सेट लैंग्वेज वर्ड काउंट ट्रांसलेशन ये इसी के अंदर होती है भाई प्रूफिंग वाले ऑप्शन के अंदर ही होती है भाई क्लियर है ना बात सभी को चलिए भाई आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आ जाओ भाई, भाई। चलिए देखिए भाई इसका राइट right आंसर क्या होगा हम बोर्डर अप्लाई कर सकते हैं किस चीज को अप्लाई कर सकते हैं भाई हम बोर्डर बताओ भाई हम बोर्डर अप्लाई किस चीज को कर सकते हैं भाई बताइए भाई सरकारी ऑप्शन हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं सेल को पैराग्राफ को टेबल को या सभी को तो बिल्कुल सही जवाब है सभी को जो है हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर जो है वो दे सकते हैं भाई सभी को जो है हम बॉर्डर लगा सकते हैं बॉर्डर मिलता कहाँ है जो आपको बॉर्डर मिलता है तो बॉर्डर कहाँ मिलता है मेरे भाई

आ जाओ भाई बताओ फटाफट अगर हमने क्या करना है ओपन डायलॉग बॉक्स है वही ओपन करना है तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए क्या होती है एफ बारह होती है क्या होती है एफ बारह होती है ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए क्या होगी कंट्रोल प्लस एफ बारह होगी क्या होगी कंट्रोल प्लस एफ बारह होगी भाई कंट्रोल प्लस एफ वन किस लिए होगी कंट्रोल प्लस एफ टू किस लिए होगी बताएं जरा भाई ये दोनों भी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई कंट्रोल प्लस एफ़ वन कंट्रोल प्लस एफ टू किस लिए होगी भाई उत्तम सिंह जुड़े हैं उत्तम सिंह बताएंगे भाई उत्तम सिंह जो है उन्होंने इसका इजाद किया है उन्होंने व्हाट्सअप पे ये चीज़ भेजी कि सर देखो बड़ा मज़ा आया मुझे भी मज़ा आया कई तो नई चीज़ मिलती है ठीक है ना कंट्रोल प्लस एफ़ वन कंट्रोल प्लस एफ़ टू जो है वो किस लिए यूज़ की जाती है भाई कंट्रोल प्लस एफ़ टू जो है प्रिंट का प्रीव्यू निकालते समय यूज़ की जाती है भाई प्रीव्यू प्रिंट का प्रीव्यू देखेंगे प्रीव्यू मतलब परी मैंने पहले व्यू मैंने देखना प्रिंट निकालने से पहले देखना है तो ये देखेंगे भाई हम ठीक है ना क्लियर है बात सभी कहीं देखो तो कंट्रोल प्लस एफ वन हाइड और अनहाइड रिबन बार हाइड और अनहाइड रिबन रिबन बार भाई रिबन बार को हाइड करने के लिए और अनहाइड करने के लिए हम ये चीज करेंगे भाई क्लियर है ना बात सभी को चलिए भाई आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं ये आपका क्या है ओपन डायलॉग बॉक्स है भाई ये आपका क्या है ओपन डायलॉग बॉक्स है ऐसा ऐसा होता है एक डायलॉग बॉक्स जो डायलॉग करता है आपके साथ चलिए भाई अगला क्वेश्चन ले लो भाई अगला क्वेश्चन ले लो भाई बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा भाई बताओ आ जाओ फटाफट आ जाओ फटाफट छेती, फटा। मैं भी भेज रखे सर क्वेश्चन देख लियो अभी भेजे होंगे आज भेजे होंगे आज, आज वाले तो शाम को देखेंगे भाई देखो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो फूटर होता है वो कहाँ होता है सभी पेजों पर होता है बाय डिफॉल्ट जब भी आप फूटर लगाओगे तो वो सभी पेज पर आ जाएगा भाई कहाँ आ जाएगा सभी पेज पर आ जाएगा और कई बार पूछा आता है हेडर से फूटर में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है पेज डाउन हेडर से फूटर में जाने के लिए जो शॉर्टकट की रहेगी डायरेक्टली जाने के लिए वो पेज डाउन जो है वो रहेगी भाई क्या रहेगी पेज डाउन शॉर्टकट की रहेगी क्लियर है बात सभी को चलिए भाई आगे बढ़ते हैं द ऑप्शन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कम्स अंडर पोर्ट से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो ऑप्शन है वो किसके अंतर्गत आते हैं भाई किस चीज़ के अंतर्गत आते हैं सरकारी ऑप्शन नहीं रहेगा सरकारी पेजेस अच्छा सरकारी पेजेस सरकारी ऑप्शन कह रहे हो कहीं तो बताओ भाई राइट आंसर क्या होने वाला है दो पोर्ट सॉरी जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते हैं वो पेज के ओरिएंटेशन होते हैं भाई क्या होते हैं पेज के ओरिएंटेशन जो कि पेज लेआउट के अंडर आते हैं और पेज लेआउट में आपके पेज सेटअप के अंदर आते हैं पेज सेटअप ग्रुप के अंदर आते हैं भाई पेज सेटअप में पेज लेआउट में पेज ओरिएंटेशन कमांड आती है भाई ठीक है ना जिसमें आपके क्या है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पोर्ट्रेट क्या होता है पोर्ट्रेट होता है जिसमें पेज की हाइट ज़्यादा हो विड्थ कम हो हाइट ज़्यादा हो वर्थ कम हो लैंडस्केप क्या होता है जिसमें वर्थ ज़्यादा हो हाइट कम हो जिसमें हाइट कम है और क्या है व्रथ ज़्यादा है भाई वो होता है आपका लैंडस्केप क्या होता है लैंडस्केप होता है भाई और जिसमें इस तरीके से हो हाइट ज़्यादा हो वर्थ कम हो वो होता है आपका पोर्ट्रेट क्या होता है पोर्ट्रेट होता है और बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है पोर्ट्रेट ही होता है भाई बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है मेरे भाई बाई डिफ़ॉल्ट आपका पोर्ट्रेट ही तो होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है वो पोर्ट्रेट ही होता है भाई ठीक है ना क्लियर है ना बच्ची को चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो ये आ गया भाई देखो ये इसी के अंदर यही चीज है देखो पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप के अंदर और ओरिएंटेशन के अंदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यहाँ से आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा भाई क्लियर है ना बच्ची को ओके है ना मामला चलिए भाई तो जैसा हमने सोचा था वैसा ही चल रहा है एक घंटे के अंदर हमने पैतालीस क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं यानी कि पांच क्वेश्चन एक्स्ट्रा डिस्कस कर लिए हैं एक घंटे में चार चालीस क्वेश्चन डिस्कस करने का टारगेट था एक घंटे में पैंतालीस क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं चलिए भाई इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए लगे रहिए आ जाओ भाई कह रहा कि इनमें से कौन सी शॉर्टकट की है जो इटैलिक करने के लिए होती है भाई कौन सी शॉर्टकट की है इनमें जो इटैलिक करने के लिए होती है भाई कंट्रोल प्लस आई जो होता है वो कंट्रोल प्लस आई जो होता है वो इटैलिक करने के लिए होता है आई जो होता है वो किस लिए होता है इटैलिक करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस ए जो होता है ये किस लिए होता है सेलेक्ट ओल करने के लिए होता है सेलेक्ट ओल एस जो होता है वो किस लिए होता है कंट्रोल एस सेव के लिए होता है वी जो होता है वो किस लिए होता है पेस्ट के लिए होता है वी किस लिए होता है पेस्ट के लिए होता है एम एस एक्सएल में इटैलिक के लिए एक शॉर्टकट की ओर है वो क्या है कंट्रोल प्लस अगर आप टू दबा देते हो कंट्रोल प्लस टू दबा देते हो तो इससे बोल्ड हो जाता है कंट्रोल प्लस वन दबा देते हो सॉरी कंट्रोल प्लस थ्री दबा देते हो तो इससे इटैलिक हो जाता है इटैलिक हो जाता है और कंट्रोल प्लस फोर दबा देते हो तो इससे अंडरलाइन हो जाता है क्या हो जाता है अंडरलाइन हो जाता है मेरे भाई क्या हो जाता है इससे अंडरलाइन हो जाता है फिर क्लियर बात टू थ्री फोर याद रखना टू थ्री फोर अंडरलाइन टू थ्री फोर ठीक है ना राइट right आंसर क्या होगा कंट्रोल प्लस आई होगा भाई चलिए भाई अगला क्वेश्चन ले लो फटाफट अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई हाँ कंट्रोल प्लस तो रहेगा तो रहे ही प्लस तो रहेगा ही रहेगा भाई बिल्कुल चलो आ जाओ फटाफट अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई मैं कितने लाइक पहुंचा दिया आप लोगों ने यहां से लाइक तो दिख नहीं रहे MS Word में होता है वो एमएस वर्ड में होता है कुछ भी कुछ भी जो आप पूछ रहे हो ना वो एम एस वर्ड में होता है जो आप पूछ रहे हो मैं एक्सेल की बताया था विच की कम्बिनेशन कौन सा कम्बिनेशन जो है इंसर्ट कर देगा लाइन ब्रेक तो मैं सारे ब्रेक लिख दू ठीक है ना कौन से कौन से ब्रेक होते हैं लाइन ब्रेक पे पैराग्राफ ब्रेक पेज नहीं पहले तो पैराग्राफ ब्रेक पेज ब्रेक टेबल ब्रेक जिसको स्प्लिट टेबल कहते हैं जिसको स्प्लिट टेबल कहते हैं आने दो इनकी सभी की शॉर्टकट की लाइक एक ही बार होता है युद्धवीर सिंह भाई एक ही बार है दो बार में तो फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे थे है ना लाइन ब्रेक के लिए क्या होता है सिफ्ट प्लस एंटर क्या होता है मेरे भाई सिफ्ट प्लस एंटर होता है पैराग्राफ ब्रेक के लिए होता है अकेला एंटर पेज ब्रेक के लिए होता है कंट्रोल प्लस एंटर कंट्रोल प्लस एंटर टेबल ब्रेक के लिए होता है कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस एंटर कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस एंटर ठीक है क्लियर है बात सभी को याद रखना अभी ये बात सभी सिफ्ट प्लस एंटर लाइन ब्रेक के लिए होगा भाई सिफ्ट प्लस एंटर किस लिए होगा लाइन ब्रेक के लिए होगा भाई क्लियर है बात सभी को हाँ, पेज के चलिए भाई? भाई।, भाई आगे बढ़ते हैं टू शो फोट डायलॉग बॉक्स तो है ना पी की शॉर्टकट की बता दो चलो पी जो शॉर्टकट की है वो किसकी है पी है प्रिंट की शॉर्टकट की डी का तो डायलॉग बॉक्स हो गया डी का क्या हो गया डायलॉग बॉक्स हो गया बी फॉर बोल्ड है बी फॉर क्या है

तो बुक है ही लो बताए भी देना सभी को, है भाई बीच-बीच में ऐड आ है ना चलिए ये टेलीग्राम चैनल है भाई अपना टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है कुछ पीडीएफ इसके अंदर आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे कंप्यूटर विद लाभ सिंह नैन नहीं है अब इसका नाम लाभ सिंह नैन अकेला एल ए पी एच एस आई एन जी एस ये पुराने वाला पोस्टर है लाभ सिंह नैन अकेला इसका नाम है और यहाँ पर अपने चैनल का लोगो जो है इस तरीके का लोगो जो है दिखाई देगा आपको ये टेलीग्राम चैनल आप जो है ज्वाइन कर सकते हो भाई चलिए भाई वर्ड गेट्स सिलेक्टेड क्लिकिंग इट बताओ भाई अब ये तीनों चीज सेलेक्ट करने की बताऊंगा मैं तीनों चीज सेलेक्ट करने की बताऊंगा मैं आपको वर्ड सेलेक्ट करना सेंटेंस सेलेक्ट करना पैराग्राफ सेलेक्ट करना और सारा कुछ सेलेक्ट करना सारा कुछ सेलेक्ट करना बस बताओ आ जाओ शॉर्टकट के बताओ फटाफट वर्ड सिलेक्ट करना सेंटेंस सिलेक्ट करना पैराग्राफ सेलेक्ट करना और सारा कुछ सेलेक्ट करना भाई तो वर्ड सेलेक्ट करने के लिए क्या करोगे डबल क्लिक सेंटेंस सिलेक्ट करने के लिए क्या करोगे कंट्रोल प्लस क्लिक पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए क्या करोगे ट्रिपल क्लिक सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए क्या करोगे कंट्रोल प्लस ए और ये क्लिक लेफ्ट वाला क्लिक होता है ये क्लिक कौन सा होता है लेफ्ट वाला क्लिक होता है ध्यान रखना लेफ्ट वाला क्लिक राइट क्लिक नहीं शामिल होता है इसमें जब सिंपल क्लिक लिख रहे हैं तो इट मीन लेफ्ट वाला क्लिक है ये ठीक है ना समझ आ रही बात सभी को तो इसका राइट आंसर क्या होगा ट्वाइस यानी कि दो बार सेलेक्ट करेंगे दो बार दबाएंगे तो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा दो बार दबाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा भाई चलिए भाई इनमें से कौन सा ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में नहीं होता ध्यान देना अच्छा क्वेश्चन है कौन सा बटन कौन सा कमांड जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले बटन में कमांड नहीं होती तो कौन सी कमांड है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले बटन के अंदर नहीं होती भाई मी तारण दो चश्मा चलो भाई बताओ भाई ऑफिस बटन के अंदर कौन सी कमांड नहीं होती तो एम एस ऑफिस एम एस ऑफिस का जो बटन आया था पहले 2007 में ये वाला ऑफिस बटन हुआ करता था ये सेम एज इट इज था जैसे फाइल मैन्यू है आज का जैसे आज का क्या है फाइल मैन्यू है ऐसे ही हुआ करता था भाई ऐसे ही हुआ करता था ये जैसे फाइल मेन्यू है आज का तो इसमें क्या क्या होता है न्यू नई फाइल फाइल पे जो ऑपरेशन लग सकते हैं वो सारे फाइल मेन्यू के अंदर होते हैं फाइल के अंदर क्या क्या ऑपरेशन लग सकते हैं नई फाइल लेनी हो पुरानी फाइल खोलनी हो फाइल को सेव करना हो फाइल को सेव एज करना हो फाइल को प्रिंट निकालना हो फाइल को शेयर करना हो फाइल को सेंड करना हो फाइल को पब्लिश करना हो और फाइल को क्लोज करना हो ये सारे फ़ाइल मेन्यू में होते हैं यानी कि ऑफिस बटन के अंदर होते हैं किसके अंदर होते हैं ऑफिस बटन के अंदर होते हैं और फॉर्मेटिंग वाला इस पर नहीं होता फॉर्मेटिंग जो करनी है वो इस पर नहीं होती तो बोल्ड फॉर्मेटिंग का पार्ट है बोल्ड किस चीज़ का पार्ट है फॉर्मेटिंग का पार्ट है बोल्ड इसमें शामिल नहीं होता भाई हाँ जी पटवारी साहब जी नमस्ते इतना बड़ा नाम है नाम लेंगे तो क्लास ही खत्म हो जाएगी अपनी इतनी तो मैराथन भी नहीं है अपनी चलिए भाई राइट आंसर ये देख लो यहाँ पर है ये ये यह यहाँ पर है इसको मैं बीच में ले आऊँ अगर हो सके तो पॉसिबल हुआ तो यहाँ पॉसिबल हो गया भाई तो ये देखो यहाँ पर ये जो है आपका ये जो मामला है आपका नए नई फाइल लेना ऑफिस बटन में आज के लिए फाइल मेनू में है ध्यान रखना फाइल के अंदर भी ये सेम चीज़ है ओपन सेव सेव एज प्रिंट प्रिपेयर सेंड पब्लिश क्लोज यहीं से सारा ऑप्शन जो है फाइल पे जो ऑपरेशन लगाना है वो यहीं पे ऑपरेशन होते हैं सारे के सारे क्लियर है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई आ जाओ फटाफट अगला क्वेश्चन भाई जाओ फटाफट आ जाओ अगला क्वेश्चन कहता है चेंज द वे रैप अराउंड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसके राउंड को टेक्स्ट आ जाना ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जैसे फोटो लगा दी भाई आपने यहां फोटो लगा दी दीपिका पादुकोण की ठीक है ना ये दीपिका पादुकोण तो नहीं है वैसे मतलब और इसके चारों ओर टेक्स्ट लिखना चाहते हो आप तो आप क्या कौन सा ऑप्शन चूज करोगे तो आप करोगे टेक्स्ट रैपिंग क्या करोगे टेक्स्ट रैपिंग करोगे मेरे भाई जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लेते हो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद एक नया ऑप्शन खुल जाता है और जिसको जिसमें जा करके आप इसको टेक्स्ट रैपिंग को सिलेक्ट कर सकते हो क्लियर है बात सभी को देखो ये टेक्स्ट रैपिंग आपका ओपन हो जाता है टेक्स्ट रैपिंग में ये सारे ऑप्शन आते हैं इन लाइन विद टेक्स लिखना हो स्क्र में लिखना हो टाइट में लिखना बिहाइंड टेक्सट लिखना हो टेक्सट के सामने फोटो लगानी हो टॉप और बॉटम में लिखना हो थ्रो में लिखना हो, हो यह सारे ऑप्शन आ जाते हैं भाई ठीक है ना क्लियर है बात रैपिंग कहते हैं भाई भाई चलिए अगला क्वेश्चन है देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई कह रहा है कि इन द डैश वी कैन चेंज द व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड सेट द जूम ऑप्शन भाई हम जूम ऑप्शन कहां से लेकर के आ सकते हैं भाई हम जो है जूम ऑप्शन कहाँ से लेकर के आ सकते हैं बताओ जरा जूम ऑप्शन कहाँ से लेकर के आ सकते हैं वो जूम नहीं जो हरियाणा में होती है वो वाली जूम नहीं है ये ठीक है ना वो वाली जूम नहीं है जो हरियाणा में होती है ध्यान रखना ये जूम ऑप्शन की बात कर रहा है भाई मेरे जूम ऑप्शन की बात कर रहा है ठीक है ना तो जिसे हम इस तरीके से जूम करके देखते हैं ना जैसे आप प्रोफाइल पिक्चर देखते हो अनजान मैसेज आ जाए तो प्रोफाइल फोटो खोली जूम कर करके देखेंगे जिसे साइबर क्राइम कहते हैं ऑप्शन होता है आपका व्यू ऑप्शन के अंदर होता है भाई व्यू 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 मैंने मैंने देखना मैंने देखना और देखना तुम देखना क्या क्या देखना मतलब कितना सारा देखना होता है तुम देखना ठीक है ना व्यू नॉर्मल व्यू में देखना पेज को प्रिंट लेआउट व्यू में देखना पेज को फुल स्क्रीन व्यू में देखना पेज को वेब लेआउट व्यू में देखना पेज को जूम करना मैक्सिमम 500 सौ परसेंट कम से कम आपका दस परसेंट जूम करना भाई ठीक है ना क्लियर है बात सभी को तो व्यू ऑप्शन के अंदर होता है चलिए भाई ये है जूम भाई ये है आपका जूम वाला ऑप्शन व्यू के अंदर अवेलेबल है ये व्यू के अंदर व्यू के अंदर रूलर भी अवेलेबल होता है कई बार पूछा आता है रूलर को कहाँ से हटा सकते हैं कहाँ से लगा सकते हैं ये रूलर है आपका ये क्या है रूलर है आपका ठीक है ना जो आपको दिखाई दे रहा है क्लियर होगी बात सभी को और व्यू के अंदर ही ये व्यू है इसके क्या है व्यू हैं प्रिंट लेआउट व्यू फुल स्क्रीन व्यू वेब लेआउट व्यू आउटलाइन व्यू ड्राफ्ट व्यू ये व्यू हैं इसके डॉक्यूमेंट के जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं किसमें होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होते हैं भाई क्लियर है बात सभी को चलिए भाई ये आसान क्वेश्चन है कह रहा है कि सेंटर करने के लिए सिलेक्टेड टेक्स्ट को शॉर्टकट की क्या अपनाओगे किसी टेक्स्ट को आपने सेंटर करना है तो शॉर्टकट की क्या अपनाओगे भाई हाँ देखो ये मोलर जो है ना मोलर ये सारी क्लासें अटेंड करता है और बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर गया मतलब हर क्लास जहां भी मैं क्लास देता हूँ या जब भी क्लास होती है चाहे किसी भी टॉपिक पर हो ये क्लास नहीं छोड़ता अपनी और मुझे इसमें बहुत सारा सुधार दिखाई दे रहा है क्योंकि ये हर रोज जुड़ता है क्लास में सुधार की बात करता हूँ वैसे बहुत सारे स्टूडेंट हर रोज जुड़ते हैं जिसमें सुधार की बात कर रहा हूँ मैं मतलब बहुत सारा सुधार जो अपनी क्लासें देख देख करके इतना सुधार कर गया और इन्होंने मतलब कोर्स तो इन्होंने ले रखा है लेकिन मतलब यूट्यूब पे पेड वगैरह नहीं देखा कोर्स ले रखा है इन्होंने मतलब अपना जो कोर्स है एल एस एन ऐप पर उस कोर्स के अंदर ये पढ़ता है ई सेंटर सेलेक्टेड टेक्स्ट भाई सेंटर जो है सेलेक्टेड टेक्स्ट का वो कौन सा है भाई कंट्रोल प्लस ई जो है इससे सेंटर होता है सी से क्या होता है सी से होता है कॉपी सी से क्या होता है कॉपी यू से क्या होता है अंडरलाइन यू से क्या होता है मेरे भाई अंडरलाइन होता है ओ से क्या होता है ओ से होता है आपका ओपन ओ से क्या होता है कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन होता है कोई भी डॉक्यूमेंट क्या होता है ओपन होता है भाई क्लियर है ना बात सभी को अरे स्वैग हरी है ना ऐसी बात नहीं है मतलब इंप्रूवमेंट की बात है मतलब स्टार्टिंग में क्या थे और अब क्या है ठीक है ना आप में तो ऑलरेडी सुधार है जो ऑलरेडी बहुत दिनों से काफी सारे दिनों से क्लासे अटेंड करते हैं ये तो यूट्यूब पे अभी अभी आया है पूछ लो इनसे चलो बताओ भाई कोर्स तो फिर क्या रह गया सर एम सी क्यू रह जाते है सारे। है सर, so भाई। आप सभी लोगों का प्रेम प्यार है बस लगे रहते हैं मेहनत करने देखो पैराग्राफ मार्क आपने देखना है क्लिक करोगे कहाँ पर कौन से टैब में क्लिक करोगे पैराग्राफ ग्रुप में कौन से टैब पर क्लिक करोगे जहां पर शोर हाइड होगा ये पैराग्राफ दिया है। और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर शो एंड हाइड बटन है इसने ही दिया ऑलरेडी बता दिया तो पैराग्राफ ग्रुप कहाँ होता है होम टैब के अंदर कहा होता है होम टैब के अंदर जिसमें पैराग्राफ सेटिंग है जिसमें क्या है पैराग्राफ सेटिंग है जिसके अंदर बात समझ में सभी को पैराग्राफ सेटिंग है जिसके अंदर ठीक है ना चलो भाई आगे बढ़ते हैं ये देखो ये पैराग्राफ ग्रुप है ये क्या आपका? है, भाई, ये है, भाई ये है भाई आपका पैराग्राफ ग्रुप है ना इस पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये वाला निशान है जो ये वाला निशान होता है कुछ इस तरीके का ऐसा ऐसा निशान होता है ऐसा ऐसा ये पैराग्राफ मार्क होता है और यहीं से ये शो होता है यहीं से हाइड होता है यहीं से क्या होता है शो होता है यहीं से क्या होता है ये हाइड होता है भाई ठीक है ना लेआउट में नहीं होता मेरे भाई ऑल फैक्ट यहाँ पैराग्राफ ग्रुप के अंदर होता है होम टैब के अंदर होम टैब के अंदर होता है ठीक है ना चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई बताओ भाई अगले क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा कह रहा कि सुपोज करो एक टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है वो बोल्ड है रेड है कलर में ग्रीन है बैकग्राउंड और हम अप्लाई करना चाहते हैं ये सारी फॉर्मेटिंग दूसरे पैराग्राफ में एक बार में तो कौन से ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये प्रीवियस क्वेश्चन है जिसको हो कौन से पेपर में था बता सकते हैं कौन से पेपर में था बता दो बताओ भाई ये एच एस एस सी प्रीवियर क्वेश्चन है आप बता सकते हैं कौन से पेपर के अंदर था तो किस में था फॉर्मेट पेंटर के अंदर था मेरे भाई किस में था ये फॉर्मेट पेंटर के अंदर था भाई समझ में आ रही बात किस में था फॉर्मेट पेंटर के अंदर होता है और फॉर्मेट पेंटर कौन से टैब में कौन से ग्रुप में होता है बताए जरा इसके बारे में बड़ा पूछा आता है फॉर्मेट पेंटर कौन से टैब में होता है और कौन से ग्रुप में होता है बताओ जरा बताइए फॉर्मेट प्रिंटर आपके कौन से टैब में और कौन से ग्रुप में होता है फॉर्मेट प्रिंटर जो होता है आपका होम टैब के अंदर होता है होम टैब में और क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर होता है किस चीज के अंदर होता है क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर होता है होम टैब के अंदर ठीक है ना समझ आ रही बात सभी होम टैब के अंदर क्लिप बोर्ड ग्रुप है उसके अंदर होता है ये ठीक ना? है ना क्लियर है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं ये देख लो होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप है और क्लिपबोर्ड के अंदर फॉर्मेट पेंटर है और फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की भी साथ के साथ दे रखी है कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस सी कॉपी करने की है और कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस वी पेस्ट करने की है फॉर्मेट को कॉपी करना है कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस सी फॉर्मेट को पेस्ट करना है कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस वी पेस्ट करना है तो समझदारी बात सभी को क्लियर है बात सभी को ओके सर पैराग्राफ वाला समझ नहीं है पैराग्राफ वाला क्या नहीं समझ में आया पैराग्राफ मार्क होता है वो निशान होता है एक पैराग्राफ जहां पे खत्म होता है वो निशान लग जाता है वहां वहां पर पर वो निशान वहां पर लग जाता है जहां पैराग्राफ खत्म होता है उस निशान को हटाने के लिए और लगाने के लिए पैराग्राफ मार्क पे जाना पड़ता है वो पैराग्राफ मार्क आपका पैराग्राफ ग्रुप के अंदर होता है जो कि होम ग्रुप होम टैब के अंदर होता है ठीक है ना चलिए भाई आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ गटर मार्जिन बता दो गटर मार्जिन किस लिए होता है भाई हाँ पाई की तरह एक निशान सा होता है गटर गटर मार्जिन मार्जिन क्या होता है भाई? गटर होता है है भाई बाइंडिंग साइड पर स्पेस ऐड करने के लिए बाइंडिंग साइड पर गटर मार्जिन होता है छल्ले डलवाने के लिए दिल में छल्ले नहीं डलवाने भाई जिसको हार्ट अटैक आ जाता है उसको भी तो छल्ले डलते हैं वो वाले छल्ले नहीं है ये. और ये गाड़ी वाले छल्ले भी नहीं है जो ओडी गाड़ी के होते हैं छल्ले का सपना तो बड़ा होगा सभी का देखो यहाँ लेफ्ट साइड में छल्ले डल सकते हैं और टॉप साइड में यानी कि जो आप स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हो उसी को कहते हैं हम गटर मार्जिन क्या कहते हैं गटर मार्जिन कहते हैं और ये गटर मार्जिन की पोजिशन लेफ्ट और टॉप दो हो सकती है या तो लेफ्ट साइड में हो सकता है या तो टॉप साइड में हो सकता है क्लियर है चलिए भाई आ जाओ

पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर पेज कहा जाता है स्लाइड को स्लाइड को क्या कहा जाता है पेज यानी कि पेज को स्लाइड कहा जाता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर जितने भी पेज लेते हैं यानी कि उनको स्लाइड कहा जाता है और पहली स्लाइड को टाइटल स्लाइड कहा जाता है पहली स्लाइड को क्या कहा जाता है पहली स्लाइड को टाइटल स्लाइड कहा जाता है जो आपकी पहली स्लाइड होगी उसे टाइटल स्लाइड कहा जाएगा भाई ठीक है ना और स्लाइड को ऐड करने की शॉर्टकट की क्या होगी स्लाइड को ऐड करने की शॉर्टकट की जो होगी स्लाइड को ऐड करने की वो होगी कंट्रोल प्लस एम भाई क्या होगी कंट्रोल प्लस एम और जो पूरी प्रेजेंटेशन को ऐड करने की शॉर्टकट की होगी पूरी प्रेजेंटेशन को ऐड करने की शॉर्टकट की होगी वो होगी कंट्रोल प्लस एन भाई क्या होगी कंट्रोल प्लस एन होगी और कंट्रोल प्लस डी जो होगी वो डुप्लीकेट स्लाइड को ऐड करने के लिए होगी किस लिए ऐड होगी डुप्लीकेट स्लाइड को ऐड करने के लिए होगी भाई क्लियर है बात सभी को चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इन में से वैलिड फॉन्ट स्टाइल कौन सा है है पूछा है कौन सा है वैलिड फॉन्ट स्टाइल इन में से तो बताओ भाई कौन सा है वैलिड फॉन्ट स्टाइल इसमें से बताइए जल्दी हम सिक्सटी क्वेश्चन पे आ चुके हैं दो घंटे में 80 क्वेश्चन करने का टारगेट है हर घंटे चालीस क्वेश्चन पढ़ने का टारगेट है ठीक है चालीस से पैंतालीस क्वेश्चन भाई

कंट्रोल प्लस सिर्फ प्लस इक्वल होती है और इसके लिए जो होती है वो छोटी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल होती है भाई कंट्रोल प्लस इक्वल जो है इसके लिए शॉर्टकट की होती है क्लियर चलिए भाई विच फाइल आर कंटेंट्स रेडीमेड स्टाइल दैट कैन बी यूज फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट भाई रेडीमेड स्टाइल हैं कंटेंट के अंदर जो वर्ड डॉक्यूमेंट में हम यूज करेंगे तो उनको क्या कहा जाता है रेडीमेड स्टाइल को क्या कहा जाता है भाई बताओ फटाफट वेरी गुड आफ्टरनून भाई वेरी गुड आफ्टरनून सभी को भाई जो रेडीमेड स्टाइल है उन्हें क्या कहा जाता है भाई तो उन्हें क्या कहा जाता है रेडीमेड स्टाइल को टेम्पलेट्स कहा जाता है भाई टेम्पलेट्स क्या होते हैं प्री फॉर्मेटेड डिजाइन क्या होते हैं आपके प्री फॉर्मेटेड डिजाइन होते हैं यानी कि पहले से तैयार किए गए डिजाइन टेम्पलेट्स होते हैं क्या होते हैं टेम्पलेट्स होते हैं भाई समझ में आ रही बात सभी को टेम्पलेट्स होते हैं पहले से बनाए गए डिजाइन भाई प्रणाम भाई प्रणाम सभी को चलिए भाई आगे बढ़ते हैं डिलीट करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को हम क्या दबाएंगे इससे आसान तो क्या ही होगा यार इसका भी क्वेश्चन देखते हैं जितने जुड़े हैं उसमें से कौन कौन कर पाता है इसको भी बताने की जरूरत पड़ेगी क्या देखो डिलीट करने के लिए डिलीट दबाएंगे डिलीट करने के लिए क्या दबाएंगे डिलीट ही दबाएंगे भाई ठीक है ना क्लियर है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इनमें से कौन सा जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट करने के लिए है राइट और लेफ्ट दोनों से मार्जिन को सेट करने के लिए इनमें से कौन सा है भाई तो बताओ भाई क्या होगा बताओ जस्टिफाई होगा भाई कौन सा अलाइनमेंट होगा जस्टिफाई और इसकी शॉर्टकट की बताओ जस्टिफाई की जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होगी भाई एक तो होता है राइट right अलाइनमेंट एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट एक होता है सेंटर अलाइनमेंट एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट भाई तो राइट right अलाइनमेंट की होती है कंट्रोल प्लस आर भाई लेफ्ट अलाइनमेंट की होती है कंट्रोल प्लस एल भाई सेंट सेंट्रल अलाइनमेंट की होती है कंट्रोल प्लस ई e भाई, जे जस्टिफाई के लिए होती है कंट्रोल प्लस जे भाई, कंट्रोल प्लस जे। अलाइनमेंट होता क्या है? अलाइनमेंट होती है दिशा। क्या होती है? अलाइनमेंट होती है दिशा मेरे भाई, ठीक है ना? यानी कि इधर से इधर लिखना चाहते हो या इधर से इधर लिखना चाहते हो या बीच से दोनों साइड लिखना चाहते हो या ऐसा लिखना चाहते हो कि हर लाइन में पांच वर्ड छह वर्ड मतलब फिक्स वर्ड आए हर लाइन के अंदर तो वो होती है जस्टिफिकेशन क्या होती है जस्टिफिकेशन होती है चलिए भाई इंक्लूड करता है सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द इंडेक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट भाई कह रहे कि डॉक्यूमेंट के इंडेक्स में इंक्लूड कर लेता है जितना भी सिलेक्ट किया टेक्स्ट आपने इनमें से कौन कर लेता है मार्क एंट्री करता है इंडेंट करता है टेबल करता है या कैप्शन करता है भाई इनमें से कौन सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट को इंडेक्स में ऐड कर लेगा भाई किस में ऐड कर लेगा इंडेक्स के अंदर एड कर लेगा तो वो कौन सा है भाई बताइए भाई अब आप सभी ने यही तरकीब अपना ली कि जिसका कोई नहीं सी होता है ए होता है मार्क एंट्री होता है इंडेक्स में एंट्री करने के लिए यानी कि स्टार्टिंग में जो इंडेक्स होता है कि ये चीज इस पेज पर है ये चीज इस पेज पर है वो से वो उसको कंटेंट्स कहा जाता है तो ये इंडेक्स मार्क एंट्री कहां होता है रेफरेंस के अंदर होता है कौन से टैग के अंदर कौन से टैब के अंदर होता है रेफरेंस टैब के अंदर और इंडेक्स के अंदर होता है इंडेक्स के अंदर मार्क एंट्री इंडेक्स के अंदर क्या होता है मार्क एंट्री होता है भाई क्या होता है? होता है है मार्क एंट्री क्लियर है याद रखना इस बात को चलिए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की भाई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की जो है वो क्या होगी कंट्रोल प्लस पी अल्ट प्लस पी टैप्ल ये तो आसान क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस पी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस पी नहीं होती टैप प्लस पी नहीं होती शॉर्टकट की कोई भी शॉर्टकट की ही नहीं होती आल्ट से तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आल्ट से शुरू होने वाली शॉर्टकट की पॉइंट वन परसेंट है कितने परसेंट है पॉइंट वन परसेंट है और जो अल्ट से शुरू कर रखी हुई वो, वो कंट्रोल से भी शुरू होती है यानी कि अल्ट और कंट्रोल दे रखा है तो इसका मतलब वो कंट्रोल अल्ट भी दबा सकते हैं और अल्ट कंट्रोल भी दबा सकते हैं बात एक ही है वो ठीक है ना चलिए भाई आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट को देखने के लिए प्रिंट आउट लेने से पहले तो हम क्या करेंगे कौन सी कमांड में जाएंगे भाई कौन सी कमांड यूज़ करेंगे बताओ भाई हम प्रिंट प्रव्यू यूज़ करेंगे फॉर्मेट प्रिंटर यूज़ करेंगे कट यूज़ करेंगे पेस्ट यूज़ करेंगे क्या यूज़ करेंगे मेरे भाई प्रिंट प्रिव्यू यूज़ करेंगे क्या यूज़ करेंगे प्रिंट प्रिव्यू यानी कि प्रीव्यू प्रीव्यू मतलब पहले देखना प्रिंट निकालने से पहले हम देखना चाहते हैं कि कैसा प्रिंट आएगा कि कैसा प्रिंट आएगा भाई क्लियर है बच्ची को चलिए भाई टेशन ऑफ पावर पॉइंट स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड आर नोन स्पेशल इफेक्ट लगाए जाते हैं पावर पॉइंट के अंदर भाई, वो क्या हैं भाई? बताओ भाई क्या कहा जाता है उदय इनिशिएटिव थैंक यू सो मच भाई थैंक यू सो मच बताओ भाई कुछ स्पेशल इफेक्ट लगाए जाते हैं स्लाइड के अंदर भाई स्लाइड में इंट्रोड्यूस करने के लिए तो जो स्लाइड पर लगाए जाते हैं उनको ट्रांजिशन कहा जाता है जो स्लाइड पर लगाए जाते हैं उनको ट्रांजिशन कहा जाता है जो ऑब्जेक्ट पर लगाए जाते हैं उन्हें एनिमेशन कहा जाता है जो किस पर लगाए जाते हैं ऑब्जेक्ट पर लगाए जाते हैं उन्हें एनिमेशन कहा जाता है भाई उन्हें क्या कहा जाता है एनिमेशन कहा जाता है जो ऑब्जेक्ट पर लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है एनिमेशन कहा जाता है मेरे भाई क्लियर हुई बात सभी को चलिए भाई आगे बढ़ते हैं टू सेव ए डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑप्शन इज यूज्ड पहली बार किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हो तो आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा भाई पहली बार आप किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हो तो आपको ऑप्शन कौन सा मिलेगा भाई बताओ भाई पहली बार ऑप्शन सेव uh, कर रहे हो आप डॉक्यूमेंट को तो कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा या तो अकेला सेव मिलेगा या तो क्या मिलेगा अकेला सेव मिलेगा या पहली बार सेव करोगे तो भी सेव एज मिलेगा सेव फर्स्ट ऑप्शन नहीं है सेव ऑन ऑप्शन नहीं है कॉपी से तो कॉपी होगी या तो अकेला सेव होता वो राइट right आंसर होता अगर अकेला सेव नहीं है तो सेव एज से भी हम पहली बार में भी कॉपी को फाइल को सेव कर सकते हैं भाई फाइल को सेव कर सकते हैं या फिर अकेला सेव होता या फिर अकेला क्या होता सेव होता भाई क्लियर है सभी को चलिए भाई आगे बढ़ते हैं

ठीक है तो लेफ्ट साइड के करेक्टर से लेफ्ट साइड ये वाली है राइट साइड ये वाली है तो लेफ्ट साइड में बैक जाना है तो बैक स्पेस बैक जाना है तो क्या करेंगे बैक स्पेस यूज है भाई ठीक है तो ना सर जी कुछ काम है लेकिन क्लास छोड़कर जाने का मन नहीं करता भाई आप लोगों का प्रेम प्यार है ये तो देखो ठीक है ना चलिए भाई राइट आंसर अगला क्वेश्चन भाई इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्प्रेडशीट इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट का पार्ट नहीं है स्प्रेडशीट का पार्ट कौन सा नहीं है भाई बताओ भाई स्प्रेडशीट का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा है तो दो घंटे से पहले आप 200 हंड्रेड करी दोगे मुझे लग रहा है दो घंटे से पहले 200 हंड्रेड लाइक ठोक दोगे नजदीक ही लगा रखी है आपने कहानी राइट right के लिए डिलीट होती है राइट right साइड से कर्सर के राइट right साइड से डिलीट करने के लिए डिलीट की होती है लेफ्ट साइड से डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की होती है ठीक है ना इसका राइट right आंसर क्या होगा देखता हूं किस किसने सही उत्तर दिया है उत्तम सिंह गलत है इंग्लिश स्किल गलत है युद्धवीर सिंह गलत है संदीप नैन ठीक है सुनील गुरन भी ठीक है रिया गलत है वीरेंद्र सिंह गलत हो गया गलत हो गया सबका मालिक एक ठीक हो गया आपका भी ठीक है <laughs> कॉलम का नंबर नहीं होता कॉलम का तो लेटर होता है कॉलम का क्या होता है लेटर होता है वो ए हो सकता है वो बी हो सकता है वो सी डी ई हो सकता है तो कॉलम का नंबर नहीं होता ठीक है ना कॉलम का नंबर नहीं होता भाई ठीक है ना सर आपसे पढ़ना शुरू किया तो कंप्यूटर तो में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ तो इंटरेस्ट ही मेन है भाई इंटरेस्ट बनेगा गया तो आपको आ गया समझो बस सीधी सी बात है तो कॉलम कहाँ से कहां होते हैं ए से लेकर के कहां तक होते हैं भाई एक्स एफ डी तक होते हैं पहले कहां तक होते थे ए से लेकर के आई बी तक होते थे कितनी संख्या होती थी पहले पहले दो सौ छप्पन संख्या होती थी अब कितनी होती है सोलह तीन सौ चौरासी संख्या होती है कितनी होती है सोलह तीन सौ चौरासी रो पहले कितनी होती थी रो पहले होती थी आपकी पैंसठ पाँच सौ छत्तीस कितनी होती थी पैंसठ पाँच सौ छत्तीस अब कितनी होती है दस अड़तालीस पाँच सौ दस अड़तालीस पाँच सौ तिहत्तर होती है क्या क्या पाँच सौ छिहत्तर होती है दस अड़तालीस पाँच सौ छिहत्तर देख लेना भाई कितनी होती है बताना जरा कमेंट करके अरे अब कितनी होती हैं? दस अड़तालीस पांच सौ छिहत्तर ठीक है 10, 4, 5, 6, ना चलिए भाई राइट आंसर कॉलम नंबर राइट आंसर चलिए भाई अगला क्वेश्चन ले लो लाइन स्पेसिंग के लिए हम कौन से टैब में जाएं भाई लाइन स्पेसिंग करने के लिए हम कौन से टैब के अंदर चले जाएं भाई अरे वाह क्या बात है क्लैपिंग आप सभी लोगों के लिए दो घंटे से पहले आपने दो से ऊपर मार दिया आंकड़ा तो बताओ लाइन स्पेसिंग के लिए कहा जाए हम लाइन स्पेसिंग के लिए हम जाएंगे भाई होम टैब के अंदर कौन से टैब के अंदर होम टैब के अंदर जाएंगे और लाइन स्पेसिंग आपकी 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, आपकी सिंगल डबल मल्टीपल एग्जैक्टली

होम ग्रुप में कौन से ग्रुप का पार्ट है लाइन स्पेसिंग भाई तो बताइए कौन से ग्रुप का पार्ट है बिल्कुल सही संदीप पैराग्राफ ग्रुप का पार्ट है किस ग्रुप का पार्ट है पैराग्राफ ग्रुप का पार्ट है भाई चलिए भाई अगला क्वेश्चन ये तो आ चुका ना बटन जो रिड्यूस कर देता है विंडो को एक आइकन की तरह वो क्या कहलाता है वर्ड स्टिल रिमेन एक्टिव वो मिनिमाइज कहलाता है क्या कहलाता है मिनिमाइज यानी कि हम उसको क्या कर देते हैं मेरे भाई मिनिमाइज कर देते हैं एक आइकन बना देते हैं मिनिमाइज इज राइट आंसर चलिए भाई विच टर्म इज नॉट रिलेटेड विद फॉन्ट इनमें से फॉन्ट से रिलेटेड कौन सी चीज नहीं है बताइए और जो फॉन्ट का साइज है पॉन्ट का साइज आठ से बहत्तर तो कंप्यूटर में होता है और एक से लेकर के सोलह सौ अठतीस हम कर सकते हैं कई बार पूछा था बहत्तर पॉइंट जो है वो कितने इंच के बराबर होता है तो बहत्तर पॉइंट एक इंच के बराबर होता है कितने इंच के बराबर होता है एक इंच के बराबर होता है बहत्तर पॉइंट कितने इंच के बराबर एक इंच के बराबर तो छत्तीस पॉइंट कितने इंच के बराबर हुआ छत्तीस पॉइंट जो हुआ आधा इंच के बराबर हुआ भाई कितने इंच के बराबर हुआ आधा इंच के बराबर हुआ ठीक है समझ रहे हो बात तो राइट आंसर क्या होगा इसमें क्या राइट आंसर होगा फोंट की ग्रामर नहीं होता ए राइट आंसर रहेगा भाई ठीक है ना सर सी टी मेन्स में चौबीस या पच्चीस को होंगे एग्जाम उसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव बुक अवेलेबल है क्या आपने जो बुक अवेलेबल है भाई उसमें बारह सो प्लस एमसीक्यू है भाई वो बुक देख सकते हो अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है ना ये वाली बुक है ये इंग्लिश मीडियम है ये हिंदी मीडियम है इसमें 1200 प्लस एम सी क्यू है जिसमें प्रीवियस ईयर एमसी क्यू भी शामिल हैं ठीक है ना चलिए भाई आ जाओ आगे राइट आंसर चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इन ए प्रेजेंटेशन यू कैन इंक्लूड इन्फॉर्मेशन सच एज कंपनी नेम नेम ऑफ डिपार्टमेंट कहाँ ऐड कर सकते हो कंपनी नेम नेम ऑफ डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह आप ये कहाँ ऐड कर सकते हो बताओ होना करोगे एड भाई स्लाइड में तो टाइटल में ऐड करें। करेंगे स्लाइड में कहाँ ऐड करेंगे टाइटल के अंदर ऐड करेंगे भाई ठीक है ना स्लाइड में कहाँ ऐड करेंगे हम इसे टाइटल में ऐड करेंगे मेरे भाई क्लियर है ना भी को स्लाइड के अंदर हम इसे टाइटल में ऐड करेंगे चलिए भाई अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जैसी उम्मीद थी उससे थोड़ी सी ज्यादा स्पीड से हम ये अपनी ट्रेन चल रही है उम्मीद थी कि तीन बजकर बीस मिनट तक तीन बजकर पच्चीस मिनट तक हम अस्सी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और तीन बजे से पहले पहले तीन बजे तक हमने अस्सी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं ठीक है तो उम्मीद है कि हम जल्द ही दो क्वेश्चन पार कर जाएंगे भाई जल्द ही। तो आ जाइए फटाफट आ जाइए बटन ब्रिंग्स विंडो वर्ड विंडो टू मैक्सिमाइज ओरिजिनल साइज मैक्सिमम ओरिजिनल साइज कौन सा है जो ओरिजिनल साइज तक ले लेता है रिस्टोर जो है ये ओरिजिनल साइज तक ले आता है एक मैक्सिमाइज होता है एक रिस्टोर होता है एक मैक्सिमाइज होता है एक क्या होता है रिस्टोर होता है रिस्टोर होता है फुल साइज में लेके आना भाई विंडो को फुल साइज में लेके आना रिस्टोर होता है चलिए स्प्रेडशीट कैन नॉट स्प्रेडशीट में ये नहीं कर सकते क्या नहीं कर सकते स्प्रेडशीट के अंदर भाई डू कैलकुलेशन प्लोट ग्राफ प्लोट चार्ट क्रिएट ग्राफिक्स क्या नहीं बना सकते स्प्रेडशीट के अंदर हम ग्राफिक नहीं बना सकते मेरे भाई ग्राफिक नहीं बना सकते भाई पोस्टर वगैरह थोड़े ना थंबनेल वगैरह थोड़े ना बना लोगे आप इसके अंदर थंबनेल पोस्टर वगैरह थोड़े ना बना लोगे क्लियर है ना बात सभी को चलिए भाई ट इज द स्मोलेस्ट ऑफ़ ए कॉलम एक कॉलम की विथ सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है भाई कॉलम की width, width भाई ये वर्ड में, में भी हो सकती है एक्सल में भी हो सकती है दोनों में वर्ड में पूछ लिए मान लीजिए वर्ड में पूछ लिया स्मोलेस्ट वर्थ कितनी होती है बाई डिफोल्ट होती है तीन पॉइंट छब्बीस भाई बाई डिफॉल्ट कितनी होती है तीन पॉइंट छब्बीस होती है वर्ल्ड के अंदर वर्ड के अंदर बाई डिफॉल्ट तीन पॉइंट छब्बीस होती है और एक्सेल के अंदर होती है आठ पॉइंट तरतालीस एक्सएल के अंदर कितनी होती है आठ पॉइंट तरतालीस होती है भाई ठीक है ना और स्मॉलेस्ट होती हो सकती, हो, सकती हो, सकती हो सकती है जीरो इसमें स्मॉलेस्ट जीरो जीरो हो सकती है क्लियर है ना बात सभी को ओके है मामला चले आगे ओके चलिए भाई एरियल कैम्ब्रिया वरदाना टाइम्स न्यू रोमन ये क्या है ये क्या है भाई क्या है बताओ भाई अलाइनमेंट है फोर्ट का फेस है टेक्स्ट है हाईलाइट है क्या है ये सर छुट्टी कितनी देर में होगी पांच मिनट के बाद पांच मिनट का ब्रेक ले लेंगे नब्बे क्वेश्चन कर लें उसके बाद पांच मिनट का ब्रेक ले लेंगे ठीक है ना तो एरियल है कम्बरिया है ये आपके फोंट के फेस हैं ये आपके क्या है फोंट के फेस हैं अलाइनमेंट का कोई नाम थोड़ा ना होता है अलाइनमेंट तो राइट अलाइनमेंट लेफ लेफ्ट अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट ये होता है ना फोंट के फेस है फोंट के नाम है कैलिब्री है जैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है कैलिब्री ठीक है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं टू मेक द सिलेक्टेड टेस्ट बोल्ड बोल्ड करने के लिए क्या दबाओगे भाई कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करने के लिए क्या दबाओगे कंट्रोल प्लस बी बी फॉर बोल्ड बी फॉर बोल्ड सी फॉर कॉपी डी फॉर डायलॉग बॉक्स ई फॉर सेंटर एफ फॉर फाइंड जी फॉर गो टू एच फॉर रिप्लेस कंट्रोल प्लस एच फॉर रिप्लेस आई फॉर इटैलिक जे फॉर जस्टिफाई के फॉर लिंक एल फोर लेफ्ट अलाइनमेंट एम फॉर इंडेंट एन फॉर नई फाइल ओ फॉर ओपन पी फॉर प्रिंट क्यू फॉर क्लियर फॉरमेंटिंग आर फॉर राइट अलाइनमेंट एस फॉर सेव टी फॉर नेक्स्ट लाइन एंडेंट यू फॉर एंडरलाइन वी फॉर पेस्ट डब्ल्यू फोर क्लोज ऑल एक्स फोर कट वाई फॉर रीडू जेड फॉर इंडू ओके मामला चलिए डैश इन क्रिएटिंग यू थ्रो प्रेजेंटेशन तैयार हो जाती है कुछ लेकर वो क्या होती है कंट्रोल प्लस क्यू होती है फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग उसमें अपने आप हो जाती है क्योंकि फॉर्मेटिंग क्लियर होगी तो लाइन स्पेसिंग अपने आप बाई डिफॉल्ट हो जाएगी याद रखना ठीक है ना तो क्या होगा ऑटो कंटेंट विजार्ड होता था ये पहले होता था पहले क्या होता था? Auto content wizard होता था? था। कुछ बेसिक से स्टेप, 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 होगी, wizard स्टेप, स्टेप होता है ये ध्यान रखना बस। जो होता है, वो स्टेप स्टेप होता वो है। तो बोलते है ना राकेश यादव सर को मैथ विजर्ड जो स्टेप बाय स्टेप खोल रख दे सारी चीजों को मैथ विजर्ड ठीक है ना ऑटो कंटेंट विजर्ड जो राइट right आंसर है फॉर्मेट कैन नॉट बी एडिटू ए वर्ड डॉक्यूमेंट कौन सी फाइल वर्ड डॉक्यूमेंट में एड नहीं की जा सकती बताइए भाई कौन सी फाइल एड नहीं की जा सकती है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फुल फॉर्म लिख दो भाई पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक राइट आंसर जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप एक्सपर्ट ग्रुप अब तो लिखा ही जो मत फूसठाई दिया मैंने जी आई एफ ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट जी आई एफ तो राइट आंसर के पी जे केपीजे पता नहीं क्या है ये पीजे ये नहीं हो सकती ऐड क्या नहीं हो सकती नहीं ऐड हो सकती भाई ठीक है ना चलिए भाई डैश रेफर टू द फॉरवर्ड डैश रेफर टू फॉरवर्ड द ऑब्जेक्ट वन लेवल और टू द फ्रंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट भाई कह रहे कि ऑब्जेक्ट के सामने ले आएगा कौन सा भाई कंप्यूटर विजर्ड ओके ओके थैंक यू सो मच भाई थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू देखिए भाई सो क्वेश्चन करने के बाद पांच मिनट का ब्रेक लेंगे सो क्वेश्चन करने के बाद नब्बे सो क्वेश्चन करने के बाद पांच मिनट का ब्रेक लेंगे भाई सेहत पे डिपेंड है भाई अमनदीप सेहत सही रही तो मैं तो हर रोज क्लास ले लूं मैं तो दो क्लास ले लूं अगर सेहत में कुछ गड़बड़ रहती है तो क्लास कम कर पाते हैं भाई दो दिन में एक क्लास कर पाते हैं चलिए देखिए भाई कह रहा कि कमांड है ऑब्जेक्ट के सामने टेक्स्ट को ले आएगी या टेक्स्ट के सामने ऑब्जेक्ट को ले आएगी ब्रिंग टू फ्रंट कमांड है ब्रिंग टू फ्रंट सामने लेकर आना ब्रिंग टू फ्रंट क्या है सामने लेकर के आना भाई चलिए भाई नाइनटी वन स्लाइड ऑप्शन इन क्लिप बोर्ड इसमें कौन सा ऑप्शन क्लिप बोर्ड में नहीं है भाई आसान है ये तो क्वेश्चन इनमें से कौन सा ऑप्शन क्लिप बोर्ड में नहीं है भाई क्लिप बोर्ड में ऑप्शन नहीं है कौन सा नहीं है मैं चाय बोल देता हूँ तब तो तक आप सभी के लिए बोलनी है क्या बताओ चाय आप सभी के लिए बोलनी है क्या हाँ क्लिप बोर्ड में कट होता है कॉपी होता है पेस्ट होता है फॉर्मेट प्रिंटर भी होता है पेस्ट स्पेशल भी होता है क्या क्या होता है कट होता, होता है पेस्ट होता है पेस्ट स्पेशल भी होता है लेकिन पेज सेटअप नहीं होता मा चाय थोड़ी चाय बनाइए चाय भेजियो थोड़ी हाँ चलिए ठीक है ना पेज सेटअप राइट आंसर है भाई पेज सेटअप क्या है राइट आंसर है भाई क्लियर है बात सभी को ओके है मामला चलिए भाई इफ यू वॉन्ट टू प्रिंट लोगो ऑफ योर ऑफिस अपने ऑफिस का लोगो प्रिंट करना चाहते हो हर स्लाइड पर सेम पोजिशन पर प्रेजेंटेशन में क्या इंसर्ट वो अपने लोगो को कहा इंसर्ट करोगे बताओ भाई अपने लोगो को कहा इंसर्ट करोगे भाई बताओ भाई <laughs> बिस्कुट नमकीन और मुंगोल सही बात <laughs> बताओ भाई फटाफट आ जाओ चलो जो नहीं पीता उनको दूध मुबारक मास्टर स्लाइड क्या राइट आंसर होगा मास्टर स्लाइड में ऐसा काम होता है ध्यान रखना बहुत बार बता चुका हूँ मैं मास्टर स्लाइड एक ऐसी स्लाइड है उसमें ऐड करो सारी चीजें अपने आप ऐड हो जाएंगी अरे ये मास्टर स्लाइड में तो लगा रखे है लाभ सिंह नॉन यू इधर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो बुक के लिए ये ले लो ये ले लो फान ले लो दिखो ये सब मास्टर स्लाइड का काम है किसका काम है ये मास्टर स्लाइड का काम है एक बार ऐड किया सारी स्लाइडों में अपने आप चिपक गए ठीक है ना चलिए भाई आ जाओ भाई चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस चेंज करना क्या कहलाता है भाई बताओ भाई फोर्थ क्या फिफ्थ टाइम पता नहीं कितने टर्न बार करवा लिया क्वेश्चन तो मैंने चेंजिंग द ऑफ़ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग भाई? भाई क्या कहलाता है फॉर्मेटिंग कहलाता है भाई क्या कहलाता है फॉर्मेटिंग कहलाता है अपियरेंस चेंज करना डॉक्यूमेंट का क्या कहलाएगा फॉर्मेटिंग कहलाएगा भाई चलिए भाई वट इज द रेंज ऑफ फोन साइज अवेलेबल इन फोन साइज ड्रॉप डाउन टूल बार ये तो अभी बताया था मैंने ये तो अभी बताया मैंने ये तो बताई दोगे ये तो आसान क्वेश्चन है अभी बताया था मैंने फोन का साइज कितने से कितना तक का हो सकता है तो फोन का साइज बता दो कितने से कितने तक का हो सकता है अभी भी गलत करोगे अभी भी गलत करोगे गलत करोगे 8 से बहत्तर का साइज अभी तो बताया था कम से कम आठ का साइज ज्यादा से ज्यादा बहत्तर का साइज मैनुअली डाले तो कम से कम एक का साइज और ज्यादा से ज्यादा सोलह का साइज ज्यादा से ज्यादा कितना सोलह का साइज हो सकता है ज्यादा से ज्यादा क्लियर चलिए भाई विच फॉलोइंग यू कैन यूज टू एड टाइम्स टू द स्लाइड इन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन में टाइम ऐड करने के लिए क्या करोगे प्रेजेंटेशन में टाइम ऐड करने के लिए क्या क्या चूज करोगे बताओ भाई बताओ भाई अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आगे ना मतलब ये वाले क्वेश्चन आगे खा जाओगे आप इन क्वेश्चनों को तो गिर के बताओ है ना स्वेगर रिहर्स टाइमिंग रिहर्स टाइमिंग बटन ऐड करोगे रिहर्स टाइमिंग बटन से क्या लगा दोगे आप स्लाइड में टाइम लगा सकते हो रिहर्स टाइमिंग बटन कौन से मेन्यू में होता है कौन से टैब में होता है स्लाइड शो मेन्यू के अंदर होता है स्लाइड शो के अंदर होता है स्लाइड शो टैब में होता है रिहर्स टाइमिंग किस में होता है स्लाइड शो टैब के अंदर होता है ठीक है ना हाँ चलिए भाई गटर मार्जिन जो होता है वो सेट किया जा सकता है कहाँ कहाँ चार क्वेश्चन रहेगा भाई उसके बाद ब्रेक होगा पांच मिनट का चार क्वेश्चन भाई देखो नैन मॉनिटर कह रहे हैं मैं जय कंप्यूटर वाले बाबा की <laughs> देखो गटर मार्जिन जो हो सकता है या तो आपका टॉप हो सकता है लेफ्ट हो सकता है लेफ्ट हो सकता है या फिर टॉप हो सकता है भाई गटर मार्जिन की दो पोजीशन हो सकती है गटर मार्जिन आपका बाइंडिंग स्पेस के लिए होता है बाइंडिंग मतलब स्पाइरल बाइंडिंग स्पाइरल बाइंडिंग मतलब छल्ले डलवाने के लिए किताब के अंदर ठीक है ना चलिए भाई स्तानवे स्लाइड है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन स्टाइल इनमें से स्टाइल में क्या चीज शामिल नहीं करते हम बताओ भाई बताओ इनमें से स्टाइल में हम क्या चीज शामिल नहीं करते पैराग्राफ नंबरिंग या टेबल टेबल शामिल नहीं करते भाई क्या चीज शामिल नहीं करते टेबल को शामिल नहीं करते स्टाइल के अंदर right भाई वेरी गुड भाई विच ऑफ नॉट ए फॉर्मेटिंग इनमें से पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कौन सी नहीं है अठारवे में चुके 98th question, लगभग पचानवे में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम आप लोग साइड से गुब्बारे से भी उड़ा रहे हो ये चलो अच्छी बात है भाई वेच ऑफ द इज नॉट ए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इनमें से कौन सी नहीं है अंडरलाइन स्टाइल ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होती है क्या होती है ये आपके अंडरलाइन स्टाइल जो होती है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं होती है चलिए वेच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट ए कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इनमें से कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कौन सी नहीं है तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इनमें से उसमें से पूछा था पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है इसमें पूछा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कौन से नहीं है तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कौन से नहीं है अलाइनमेंट जो है ये कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग नहीं होती ये पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग होती है किसकी फॉर्मेटिंग होती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है भाई ठीक है और ये लो आज की क्लास का हाफ टाइम से पहले का लास्ट क्वेश्चन अभी हाफ टाइम होगा पाँच मिनट का ब्रेक होगा चाय वगैरह पी लेंगे उसमें अच्छे से बैठ करके आराम से पांच मिनट नेट पांच मिनट पांच मिनट के बाद तुरंत क्लास शुरू हो जाएगी कोई पहुंचे ना पहुंचे टू increase द स्पेस टू द लेफ्ट फॉर जस्ट वन पैराग्राफ इन पे इन ए पेज यू कैन एडजस्ट इनक्रीज करने के लिए स्पेस लेफ्ट साइड में एक पैराग्राफ के लिए सिर्फ ध्यान दो सिर्फ एक पैराग्राफ के लिए सभी पैराग्राफ के लिए नहीं सिर्फ एक पैराग्राफ के लिए सिर्फ एक पैराग्राफ के लिए अरे लेफ्ट इंडेंट सभी पैराग्राफ पे लगा देगा फॉर्मेटिंग लेफ्ट इंडेंट सभी पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग लगा देगा करेंगे सिर्फ एक पैराग्राफ पे इंडेंट करने के लिए टैब का प्रयोग करेंगे किस चीज का प्रयोग करेंगे टैब का प्रयोग करेंगे भाई सभी पर लगाना है तो लेफ्ट इंडेंट का प्रयोग कर लेंगे सभी पर लगाना है तो लेफ्ट इंडेंट का प्रयोग कर लेंगे क्लियर है बात सभी को समझ में आई बात सभी को तो चलिए अगला क्वेश्चन ये है और इसी क्वेश्चन पर पांच मिनट का ब्रेक है भाई पांच मिनट का क्या है ब्रेक है भाई ब्रेक ठीक है भाई आराम से चाय पी लो उसके बाद मिलते हैं क्लास बंद नहीं होगी चलती रहेगी क्लास ठीक है मैं आपके कमेंट भी देख रहा हूँ साथ के साथ हाँ जी चाय आ चुकी है चलिए भाई खीर खा लो सर थैंक यू सो मच जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पूछने के लिए हो चावल खा लो जी माता जी को प्रणाम जी 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 फोन तो आता हो गया जी बिस्किट नहीं आए जी है भाई बिस्किट नहीं आए हेलो जी आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सभी करते हैं शुरू राम राम सभी को ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास में आज जो हम पढ़ रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट वर्ड के एमसीक्यू पढ़ रहे हैं जो कि मैराथन क्लास है और इस मैराथन क्लास में हम जो है लगभग टू हंड्रेड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं जिसमें से हंड्रेड क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है ना जिसमें से हम ऑलरेडी हंड्रेड क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो बाकी हंड्रेड क्वेश्चन बचते हैं वो अगले दो घंटे में हम देखने वाले हैं ठीक है ना उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है चीज़ें आपको अच्छे तरीके से दिखाई दी हैं अच्छे तरीके से आवाज़ अच्छे तरीके से सारी चीजें चल रही हैं है ना तो करें शुरू भाई एक बार बता दें सभी करें शुरू बताओ भाई बताओ 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 आवाज आ रही सभी को अरे आवाज आ रही सभी बिको चलिए भाई आ जाओ करते हैं शुरू ओके रिपोर्ट है जी ओके चलिए भाई पांच मिनट का ब्रेक जो है खत्म हुआ कहानी शुरू हुई इसका राइट आंसर क्या होगा करे कि कौन सा फॉर्मेटिंग को हटाता है सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को कौन हटाता है इनमें से भाई बताओ भाई सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को क्लियर फॉर्मेटिंग हटाता है कौन हटाता भाई क्लियर फॉर्मेटिंग जो है सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटा देता है क्लियर फॉर्मेटिंग कौन हटा देता है क्लियर फॉर्मेटिंग हटा देता है भाई ठीक है ना क्लियर हुई बात सभी को चलिए भाई दस्तावेज़ में हाइड्रोफूटर डालने का मूल उद्देश्य क्या होता है भाई दस्तावेज के अंदर हैड्रोफूटर डालने का मूल उद्देश्य जो है वो क्या होता है भाई यानी कि डॉक्यूमेंट में हम जो हैड्रोफूट लगाते हैं तो वो किस लिए लगाते हैं भाई डॉक्यूमेंट के अंदर हैड्रोफूटर डालते हैं तो वो किस लिए डालते हैं मार्क द बिगिनिंग एंड ऑफ द पेज नहीं भाई टू मेक लार्ज डॉक्यूमेंट मोर रीडेबल नहीं भाई लार्ज डॉक्यूमेंट मोर रीडेबल के लिए बनाते हैं पेज और फुटर टू अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड जब प्रिंट हो जाए तब इसलिए तो डालते ही हैं टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस जो है वो सुधर जाए इसलिए हम इसको डालते हैं भाई डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस सुधर जाए इसलिए डालते हैं भाई क्लियर नहीं है सर जी क्या नहीं है क्लियर हेलो साफ तो दिखाई दे रहा है ना भाई बता देना चलिए भाई कह कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आर यूज टू इंसर्ट इफेक्ट इफेक्ट ऐड करने के लिए यूज की जाती है बिटवीन स्लाइड्स दे आर यूज टू इंडिकेट ए न्यू सेक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन और टू एम्फोसाइज ए सर्टेन क्या चीज़ भाई बताओ भाई इंसर्ट करते हैं इफेक्ट स्लाइडों के अंदर ताकि हम एक नया सेक्शन ये दिखा सकें कि एक नया सेक्शन यहाँ से ऐड किया है और अच्छे तरीके से एम्फेसाइज करने के लिए स्लाइड को तो वो क्या होता है भाई स्लाइड के ट्रांजिशन इफेक्ट होते हैं जिनको हम लगाते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट भाई क्या लगाते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट लगाते हैं स्लाइड के ऊपर भाई हम क्लियर है बात सभी को थोड़ा सा फैन तेज कर लूं मैं परेशान कर दिया सर जी क्लियर नहीं दिख रही स्क्रीन ऐसा कैसे हो सकता है स्क्रीन तो क्लियर है भाई बिल्कुल एक बार सभी बताना स्क्रीन तो क्लियर है आप एक बार देख लेना हाँ क्लियर है स्क्रीन तो भाई चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वर्ड 2010 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है रिबन जो है रिबन के अंदर मतलब क्या चीज ऐड होती है जिनकी श्रृंखला से वो बनता है भाई रिबन बनता है कहाँ है ब्लर यार मेरे सामने तो ठीक चल रही है मैं ही तो चला रहा हूँ साथ के साथ साथ के साथ मैं भी तो चला रहा हूँ तो क्या बनता है जैसे कि होम टैब है ना बहुत सारे टैब था था। सारे से मिलकर मिलाकर के क्या बनता है आपका रिबन बनता है भाई क्या बनता है रिबन बनता है क्लियर से भी चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं

आधा स्पेस बचा है सिर्फ तो, तो अगले तीसरे घंटे में थ्री हंड्रेड लाइक्स आप ठोक सकते हो ठीक <थीके> है ना बताओ भाई तो क्या होगा कह रहा है कि पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्रिंट लेआउट व्यू में जाना पड़ेगा और प्रिंट लेआउट व्यू में पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाना पड़ेगा कहाँ जाना पड़ेगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में आपको जाना पड़ेगा भाई कहा जाना पड़ेगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर भाई

जो लगाए हैं प्रिंटिंग करने से पहले आपको कौन सा व्यू दिखाता है भाई प्रिंट करने से पहले भाई तो बताइए भाई बताइए कौन सा व्यू दिखाता है भाई तो कौन सा व्यू दिखाता है प्रिंट लेआउट व्यू जो है आपको प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट लेआउट व्यू जो है आपको दिखाता है टेक्स्ट और ग्राफिक सारी चीजें व्यू दिखाता है भाई क्लियर है बात सभी ओके है मामला चलिए भाई आगे बढ़ते हैं तो बुक की फिर से ऐड आ गई ये बुक की अपनी ये जो बुक है अपनी जो बुधवार को आ रही है ठीक है ना सभी एग्जाम के लिए जिसके अंदर जो है टॉपिक वाइज एम भी दिए हैं टॉपिक को अच्छे तरीके से डिटेल में बताया भी गया है जिसके टॉपिक आपको बता दूं एक यूनिट बनी है इसमें चार यूनिट है कंप्यूटर की बेसिक यूनिट अलग है सॉफ्टवेयर की यूनिट अलग है कंप्यूटर की नेटवर्क यूनिट अलग है और इंटरनेट की यूनिट अलग है इसके अंदर ठीक है ना चलिए भाई आगे बढ़ते हैं द एंटर न्यू पैराग्राफ टू एंटर न्यू पैराग्राफ इन डॉक्यूमेंट प्रेस द एक डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ नए पैराग्राफ में एंट्री करने के लिए हम क्या दबाएंगे भाई बताओ एक पैराग्राफ में नए डुक, एक डॉक्यूमेंट में नए पैराग्राफ में एंट्री करने के लिए हम क्या दबाएंगे भाई तो अभी तो बताया था इसको कितना बार घुमा फिर फिरा पूछ लो पूछ लो कि पैराग्राफ ब्रेक के लिए शॉर्टकट की कौन सी है पूछ लो कि पैराग्राफ नया शुरू करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है पूछ लो कि एंटर से क्या होता है ठीक है ना जैसे मर्जी घुमा फिर के पूछ लो ये होता है भाई क्लियर है बात सभी चलिए भाई पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होता है कौन से टैब के अंदर होता है भाई पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन कौन से टैब के अंदर होता है भाई शुभ शुभ पंवर जी आपको अगर स्पीड से ही देखनी है तो कल देख लेना क्लास भाई कोई दिक्कत ही नहीं है और भी स्पीड करके देख लेना अब आप अकेले की वजह से सभी का थोड़ा ना ऐसे ही पिटेंगे ऐसे ही कचरा कर देंगे भाई ये उत्तर इसका ये लिख लो चलो आगे ये लिख लो इसका ये उत्तर चलो आगे ऐसे थोड़ा होता है यार आपको ऐसी ऐसी क्लासें देखनी होती हैं तो भाई या तो स्पीड से देख लिया करो ठीक है ना पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन जो होता है अवेलेबल होता है कहा पेज लेआउट के अंदर होता है भाई कहा होता है पेज लेआउट के अंदर होता है क्लियर है बात सभी पेज लेआउट के अंदर अवेलेबल होता है पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन जिसके अंदर पेज ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते हैं भाई ठीक है ना चलिए भाई व्हाट इज टाइम्स न्यू रोमन टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है भाई टाइम्स न्यू रोमन जो होता है वो क्या होता है हाँ रेफरेंस होता है फुट नोट में भाई रेफरेंस कहाँ होता है फुट नोट के अंदर होता है भाई टाइम्स न्यू रोमन में क्या होता है भाई मैं थोड़ा सा दरवाजा ऊपर कर दूँ थोड़ी सी गर्मी जो है वो बढ़ गई है टाइम्स न्यू रोमन जो होता है वो क्या होता है फोट होता है पेज लेआउट होता है प्रिंटिंग होता है क्या होता है फोट होता है भाई टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है आपका फोट होता है भाई क्या होता है फोट होता है क्लियर है मामला चलिए भाई उस समय ले अब राइट साइड पूछा है बता दो फटाफट फट। उस समय क्या पूछा था लेफ्ट साइड पूछा था अब की बार क्या पूछा है राइट साइड पूछा है तो बता सकते हो क्या होगा भाई अब की बार राइट साइड पूछा है तो बता दो क्या होगा? राइट right right साइड right का कैरेक्टर डिलीट कर सकते हैं और बैक स्पेस बटन से लेफ्ट साइड का कैरेक्टर हम डिलीट कर सकते हैं भाई क्लियर है बात सभी को चलिए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट को ताकि हम

तो ए क्यों कह रहे हो पोर्ट्रेट क्या कह रहे हो पोर्ट्रेट में तो हाइट होती है हाइट इज मोर देन इट्स विड्थ वो पोर्ट्रेट होता है तो यहाँ क्या होगा लैंडस्केप होगा भाई क्या होगा लैंडस्केप मोड होगा भाई पोर्ट्रेट बाय डिफॉल्ट होता है पोर्ट्रेट क्या होता है बाय डिफॉल्ट होता है एग्जैक्टली exactly. चलिए भाई व्हाट ऑप्शन शुड बी शुड बी यूज टू गो टू चेंज द वर्ड बुक्स टू द वर्ड कॉपीज बुक को कॉपीज से बदलना है तो कौन सी कमांड यूज करें भाई हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हर जगह बुक 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 लिखा हुआ है लेकिन हमने उस बुक को कॉपीज में बदलना है तो कौन सी कमांड यूज करें भाई बुक को हमने किस में बदलना है कॉपीज में बदलना है तो कौन सी कमांड यूज करेंगे फाइंड एंड ढूंढ ढूंढ के मारेंगे ढूंढ ढूंढ के मारेंगे भाई ठीक है ना पहले उसको ढूंढेंगे फिर उसका कत्ल करेंगे ठीक है ना यानी कि पहले बुक ढूंढेंगे फिर उसको बुक को कॉपीज में बदल देंगे फिर उसको बुक में किस बदल देंगे कॉपीज में बदल देंगे ये कमांड किसने यूज की थी आमिर खान ने थ्री इडियट मूवी के अंदर यूज की थी पर्टिकुलर वर्डो को बदल गया था एकदम से कंट्रोल प्लस एफ करके कौन सी कमांड यूज करके कंट्रोल प्लस एच करके एच होता है रिप्लेस करना हो गया भाई कोई ना दोबारा से चल पड़ा काफी देर हो गई ना चले हुए दोबारा से चल पड़ा एक बार चेक करना अब चल पड़ा ना इनसे बचने के लिए ट्रैक चेंज क्या होता है मेरे भाई ट्रैक चेंज होता है इनसे बचने के लिए क्या होता है ट्रैक चेंज होता है इनसे बचने के लिए ट्रैक चेंजेस ट्रैक कर लेगा चेंजेस को जो चेंज हुए उनको ट्रैक कर लेगा ठीक है ना क्लियर हुई बात सभी को चलिए भाई आगे बढ़ते हैं विच ऑप्शन शुड बी शुड बी यूज टू टाइप एच टू टू गेट टू एट इट्स प्रॉपर प्लेस एच के बाद जो ये टू लिखा है इसके लिए क्या करना पड़ेगा ये पूछ रहा सीधी सी बात है एच के बाद टू लिखा है इसके लिए क्या करना पड़ेगा क्या बताए फिर से उससे बचने के लिए के ट्रैक चेंजेस है उससे बचने के के लिए क्या है है भाई। के बाद लिखा है ट्रैक चेंजेस एच बाद लिखा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा एच टू टू क्या है सबस्क्रिप्ट है है भाई क्या है? टू आपका सबस्क्रिप्ट है बेस लाइन से टेक्स्ट का नीचे लिखा जाना सबस्क्रिप्ट होता है बेस लाइन से टेक्स्ट का ऊपर लिखा जाना सुपर स्क्रिप्ट होता है सुपर मतलब ऊपर होता है सुपर मतलब क्या होता है ऊपर होता है इसलिए भाई कीबोर्ड शॉर्टकट इटैलिक करने के लिए कौन सी होती है इटैलिक करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्यों कौन सी है भाई ये तो आसानी है वो तो चला गया मोलड जी चला गया वो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेना जब दोबारा देखोगे रिपीटेड में तब देख लेना ना समझ में आए तो फिर से पूछ लेना ठीक है ना कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई यू फॉर अंडरलाइन यू फॉर अंडरलाइन अच्छा शिफ्ट प्लस ये यू दबाने से क्या होगा बताओ जरा शिफ्ट प्लस ये यू कैपिटल यू दबाने से क्या होगा किस चीज की शॉर्टकट की है देखता हूं ये किस किस का सही मिलेगा शिफ्ट प्लस यू दबाने की शॉर्टकट की किस लिए प्रयोग की जाती है शाबाश मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी शाबाश वेरी गुड बहुत अच्छे है चलिए शिफ्ट <laughs> के साथ कोई भी चीज दबाओगे कैपिटल दबाई है तो वो छोटी हो जाएगी छोटी दबाई है तो वो कैपिटल हो जाएगी ध्यान रखना ठीक है ना क्लियर ओके चलिए भाई इज ए जनरल पर्पज एप्लीकेशन एक जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको क्रिएट और स्टोर करने में डेटा टेबुलर फॉर्म में डेटा को सेव करने में काम आता है

स्प्रेडशीट पैकेज होता है जो टेबुलर फॉर्म में डेटा को सेव करता है टेबुलर फॉर्म के अंतर डेटा बेस में तो टेबल की फॉर्मेट में जो सेल होती है सेव करना अदर नाम सेव एज ऑप्शन के साथ क्या कर देता है करंट डॉक्यूमेंट को रिप्लेस कर देता है करंट डॉक्यूमेंट को यू क्यों छोड़ देता है ये संभव ही नहीं है यह डॉक्यूमेंट को बंद कर देता है क्या होगा भाई बताइए भाई देखो इनफ नहीं होता कुछ भी यार इनफ मत बोला करो एक बार ये तो पढ़ो अच्छे से आ गया तो फिर आगे बढ़ो इनफ नहीं होता कुछ भी जितने एमसीक्यू क्यू करोगे उतना कम है जितना पढ़ोगे उतना कम है आज कह दो इनफ है कल को क्वेश्चन ऐसे आ जाए आप बोलोगे सर आपकी क्लास में तो एक भी नहीं है और ये बोलने के तो लिए जरूर आओगे ये बोलने के लिए भले ही ना हो भले ही क्वेश्चन अपने क्लास से आ जाए ये बोलने के लिए फिर नहीं आओगे कि आपकी क्लास से क्वेश्चन आया अगर नहीं आए ना फिर बोलने के लिए जरूर आओगे तीन घंटे वेस्ट कर दिए हमारे तो ये नहीं सोचते कि मतलब पहले आपका बेस होना जरूरी है एमसी फिर लगते हैं और फिर आपका सारी चीजें क्लियर होती हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मामला क्लियर है ठीक है ना नहीं लीव द करंट डॉक्यूमेंट इनएक्ट करंट डॉक्यूमेंट को तो यूं का यूं छोड़ देता है और रिप्लेस नहीं करता वो, वो रिप्लेस नहीं करता कभी भी ध्यान रखना ठीक है ना चलिए भाई आगे बढ़ते हैं से में कौन सी चीज शामिल नहीं है भाई पेज फॉर्मेटिंग में कौन सी चीज शामिल नहीं है बताओ भाई बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर पेज फॉरमेटिंग अपनी एक क्लास से ही पांच पांच क्वेश्चन लगातार हुए मैराथन क्लास से एक क्लास से ही पांच पांच क्वेश्चन एस आई वालों को पूछ करके देख लेना सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम देकर गए थे उनसे पूछ लेना एक बार ठीक है ना क्लियर है बात सुख को जी हाँ चलिए तो कह रहे कि पेज फॉर्मेटिंग में इनमें से कौन सा नहीं आता सेटिंग मार्जिन फाइंड एंड फाइंड एंड रिप्लेस नहीं होता पेज फॉर्मेटिंग में फाइंड एंड रिप्लेस का क्या काम है भाई फाइंड एंड रिप्लेस का पेज फॉर्मेटिंग का काम नहीं होता भाई ठीक है ना <laughs> चलिए भाई आज वो आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड टाइप ऑफ डेटा सोर्स इन मेल मर्ज डेटा सोर्स मेल मर्ज में डेटा सोर्स का वैलिड टाइप कौन सा नहीं है भाई बताओ भाई डेटा सोर्स का वैलिड इनमें से कौन सा टाइप नहीं है यानी कि मेल मर्ज जो होता है मेल मर्ज मेल मर्ज क्या होता है दो डॉक्यूमेंटों का मिलन होता है एक तो आपका लेटर होता है और एक आपका डेटा सोर्स होता है एक आपका क्या होता है डेटा सोर्स होता है भाई, क्या होता है डेटा सोर्स होता है क्या होता है डेटा सोर्स होता है. जो डेटा सोर्स होगा ना उसकी फाइल जो है वो कौन सी कौन सी होगी भाई बताओ भाई उसकी फाइल कौन सी कौन सी हो सकती है स्प्रेडशीट की हो सकती है टैक्स ओ माय एसक्यूएल की हो सकती है सीएसवी CS, की फुल फॉर्म बताओ इसका राइट right आंसर तो टैक्स फाइल हो गया सीएसवी की फुल फॉर्म बताओ और बताया भी था मैंने एक्सेल की अलग से जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है अपनी उसमें एक्सेल की क्लास मैं ले चुका हूं और सीएसवी का मीनिंग भी बताया था मैंने सीएसपी होता क्या है तो क्या होता है बताओ सीएसवी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है सीएसवी क्या होता है आपका कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है भाई ठीक है ना कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सीएसवी होता है भाई ठीक चलिए भाई आगे बढ़ते हैं द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ ए पेज इज राइट इन राइटर इज डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन जो पेज का है वो क्या कहलाता है भाई बताओ भाई

कॉन्सेप्ट भी पढ़ने की जरूरत तो नहीं फिर तो रट्टा ही लगा लेंगे अपन चलिए व्हाट इज द शेप ऑफ द माउस पॉइंटर व्हेन ड्राइंग अ टेबल अच्छा क्वेश्चन है भाई माउस का पॉइंटर क्या होगा जब हम टेबल बना रहे होते हैं तब माउस का पॉइंटर क्या होगा भाई बताओ भाई हाँ, पावर पॉइंट में पेज का ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप होता है पावर पॉइंट के अंदर पेज का जो ओरिएंटेशन होता है बाय डिफॉल्ट वो लैंडस्केप होता है भाई बिल्कुल सही बात है चलिए बताओ जो जब भी हम टेबल बना रहे होते हैं तो माउस का पॉइंटर टेबल में ड्रॉ करते समय जब हम ड्रॉ करते हैं टेबल को तो पेंसिल होता है यू पेंसिल और ये पेंसिल सी टेबल बनाती है कैसे बनाती है कि यू 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 यू, यू। पेंसिल होती है क्या होती है पेंसिल होती है जो टेबल बनाती है ड्रो टेबल में ड्रो टेबल ऑप्शन के अंदर ड्रो टेबल ऑप्शन के अंदर जब हम बनाते हैं तो पेंसिल बनाती है क्या बनाती है पेंसिल जो है वो टेबल बनाती है वो बनाती क्लियर से ऑफिस शूट का कॉम्पोनेट कौन सा नहीं है भाई ऑफिस शूट का कॉम्पोनेंट नहीं है इनमें से कौन सा नहीं है बताओ इनमें से ऑफिस शूट का कॉम्पोनेंट कौन सा नहीं है भाई? हाँ ड्रो टेबल क्विक टेबल इंसर्ट टेबल बिल्कुल सही टेक्स्ट टू टेबल इंटरनेट एक्सप्लोर जो है ये ऑफिस का शूट नहीं है राइटर होता है इंप्रेस होता है बेस होता है बेस डेटा बेस जो शुरू में बताया था मैंने बेस मतलब डेटा बेस जो मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था भाई ठीक है ना चलिए भाई टू फाइंड ए वर्ड इन ए डॉक्यूमेंट वी कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की हम फंक्शन की कौन सी यूज करते हैं भाई फाइंड वर्ड इन द डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड ढूंढने के लिए हम कौन सी की यूज करते हैं तो कौन सी की यूज करेंगे भाई एफ फाइव जो है ये किसी पेज पर जाने के लिए होती है किसी पेज पर जाने के लिए किसी लाइन पर जाने के लिए किसी पैराग्राफ पर जाने के लिए इत्यादि के लिए होती है एफ फाइव की तो इनमें से होगा नन ऑफ द अबो इनमें से क्या होगा नन ऑफ द अबो होगा भाई नन ऑफ द अबो राइट आंसर होगा F1 जो होती है वो हेल्प के लिए होती है F1 किस लिए होती है वो हेल्प के लिए होती हैं मेरे भाई ठीक है ना यहाँ भी हेल्प लोगे क्या कहीं तो रुक जाओ हेल्प लेने से ना चलिए भाई टू क्लोज एंड ओपन डॉक्यूमेंट वी शुड गो टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेनू ओपन किए गए डॉक्यूमेंट को हमें बंद करना है तो हम कौन से उस पर जाएं भाई ओपन किए गए डॉक्यूमेंट को हमने क्या करना है बंद करना है तो कौन सी की पर जाएं भाई तो कौन से की पर जाओ, कौन से मेन्यू पर जाओगे ओपन किए गए डॉक्यूमेंट को हमने बंद करना है तो फाइल मेन्यू में जाएंगे सबसे नीचे कमांड मिलेगी क्लोज की क्या मिलेगी क्लोज सेव एंड क्लोज कंट्रोल डब्ल्यू जिसकी शॉर्टकट की है शॉर्टकट की क्या है जिसकी कंट्रोल प्लस डब्लू जो है जिसकी शॉर्टकट की है मेरे भाई कंट्रोल प्लस डब्लू जिसकी शॉर्टकट की है चलिए भाई फॉलिंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ राइटर फाइल राइटर की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होगा राइटर की ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ये वर्ड की फाइल की एक्सटेंशन है पहले होती थी और ये आजकल होती है वर्ड की फाइल की एक्सटेंशन ठीक है ना और इसी की डोट ओडीएस होगी स्प्रेडशीट की और .odp होगी प्रेजेंटेशन की ओपन वाले की ओपन वाले की ये वाली तो होगी स्प्रेडशीट के लिए ये वाली होगी प्रेजेंटेशन के लिए समझ आ रही बात सभी को चलिए भाई क्लियर है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सेलेक्ट से सेंटेंस इन राइटर कौन सी टेक्निक जो है एक सेंटेंस को ये तो करवा चुका मैं ये तो तीनों एक्सप्लेनेशन में हो गया कौन सी टेक्निक सेलेक्ट कर लेगी सेंटेंस को भाई बताओ सिलक स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है भाई सिंगल क्लिक डबल क्लिक ट्रिपल क्लिक या नन ऑफ दीज भाई सेंटेंस सेलेक्ट करना है क्या सेलेक्ट करना है सेंटेंस सेलेक्ट करना है भाई नन ऑफ दीज कंट्रोल प्लस क्लिक क्या होगा कंट्रोल प्लस क्लिक होगा भाई क्या होगा कंट्रोल के साथ साथ क्लिक होगा भाई सेंटेंस सेलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ क्या होगा कंट्रोल के साथ साथ हम क्लिक करेंगे भाई

हाँ भाई मोटिवेशन स्टेटस आप एक बार उनके हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर नंबर दिया व्हाट्सअप वगैरह कर देना तो ऑटो करेक्ट जो है स्पेलिंग को करेक्ट कर देगा ऑटो करेक्ट भाई ऑटोमेटिकली जो है स्पेलिंग क्या हो जाएगी करेक्ट हो जाएगी क्लियर है ऑटोमेटिकली स्पेलिंग क्या हो जाएगी करेक्ट हो जाएगी डिफॉल्ट टेबल साइज डिफॉल्ट जो टेबल का साइज है वो कितना होता है भाई डिफॉल्ट टेबल का साइज वन रो वन कॉलम होता है मिनिमम होता है ये डिफॉल्ट नहीं होता डिफॉल्ट होता है पाँच दो पाँच कॉलम होते हैं दो पाँच कॉलम होते हैं दो रो होते हैं डिफॉल्ट के अंदर ठीक है ना डिफॉल्ट के अंदर पाँच कॉलम दो रो होते हैं इसमें ऑप्शन नहीं है तो वन वन रो वन कॉलम वन रो वन कॉलम हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं डिफॉल्ट में पांच कॉलम दो रो होती है ठीक है ना मैक्सिमम कॉलम कितने हो सकते हैं इसके अंदर मैक्सिमम कॉलम हो सकते हैं 63 भाई मैक्सिमम कॉलम कितने हो सकते हैं मैक्सिमम कॉलम इसके अंदर हो सकते हैं क्लियर बच्ची तिरसठ कॉलम हो सकते चलिए भाई हाइड्रोफूटर अवेलेबल होते हैं इनमें से कौन से मेन्यू के अंदर होते हैं हाइड्रोफूटर अगर हमने लगाना हो तो कौन से ऑप्शन से हम हैड्रोफूटर लगाएंगे भाई क्या बात है आप तीन से भी ऊपर घंटे हो चुके हैं और तीन सौ लाइक से कुछ पीछे रहते हो आप लोग तो कहाँ अटक गए भाई अभी भी तीन लाइक होने में तेरह लोगों की कसर है बताओ क्या होगा भाई इंसर्ट में इंसर्ट करेंगे हेडर फुटर इंसर्ट में ही इंसर्ट करेंगे हेडर और फुटर को इंसर्ट मेनू के अंदर ही इंसर्ट चलिए भाई मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन लेट 1970 1970 के लगभग सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है बताओ भाई हां प्रिंट आउट निकालने के लिए हैंड हैंड आउट के अंदर होते हैं हेडर और फुटर भाई बिल्कुल तो क्या होता है वर्ड स्टार भाई कौन सा था वर्ड स्टार था भाई वर्ड स्टार था फेमस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या था वर्ड स्टार ठीक है ना वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वर्ड स्टार सबसे फेमस था भाई ठीक है ना उन्नीस सौ सत्तर के दशक के अंदर चेंज द मिस्टेक नोटिस फॉलोइंग करा कि हम चेंज कर सकते हैं मिस्टेक को इनमें से किस में चेंज कर सकते हैं भाई तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हम चेंज कर सकते हैं भाई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या कर सकते हैं मिस्टेक को चेंज कर सकते हैं भाई क्लियर है बात सभी को हाँ जी इलेक्ट्रिक पेंसिल सबसे पहले आया था भाई अगला क्वेश्चन है भाई वट इज द इज नोट और एनोटेशन दैट एन ऑथर और रिव्यू एड टू ए डॉक्यूमेंट ये अच्छा क्वेश्चन है देखते हैं आप में से कौन कौन बता पाते हैं भाई सौ लोग से भी ऊपर जुड़े हुए हैं सो से ऊपर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं देखता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कौन बता पाते हैं भाई बताओ भाई देखता हूं कौन कौन इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाते हैं वट इज ए नोट और एनोटेशन एनोटेशन क्या होता है ध्यान रखिए, नोट और एनोटेशन अलग से देना होता है जैसे मान लीजिए ये सेल है इसका नोट और एनोटेशन देना है तो यहाँ से इस तरीके से इस सेल पे कमेंट लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा कमेंट लिखा जाएगा ये होता है सेल ये होता है नोट और एनोटेशन क्या होता है नोट या एनोटेशन होता है ए इज राइट आंसर क्या है ए इज राइट आंसर भाई नहीं भाई पब्लिक ही रहेगी ठीक है ना क्लियर बात सभी को चलिए भाई 134वां क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कुल मिलाकर के हम वन थर्टी फोर्थ स्लाइड पे आए हुए हैं क्वेश्चन तो तो शायद हुए क्योंकि चार पांच स्लाइड वो बुक वाली भी थी तो लगभग इतने क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं एक सौ चौतीसवीं स्लाइड पर हम आए हुए हैं टोटल टू हंड्रेड के लगभग आपको स्लाइड मिलेंगे भाई ठीक है देखो भाई क्या होगा कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर जब हम क्रिएट करते हैं आप एंटर प्रेस करते हो स्पेस बार दबाते हो करने के बाद और एड्रेस जो, होता है, जो लिखा होता है एग्जिस्टिंग तो हो और उसके बाद एंटर या स्पेस दबाते हो तो बन जाता है हाइपर uh, लिंक बन जाता है भाई ठीक है क्या बन जाता है हाइपर लिंक बन जाता है क्लियर बात सभी चलिए अगला क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमम अप डॉक्यूमेंट मैक्सिमम कितना जूम हो सकता है 500 परसेंट मैक्सिमम जूम हो सकता है कितना 500 परसेंट ज्यादा है ज्यादा जूम कर सकते हैं भाई ठीक है ना क्लियर है बात सभी को चलिए भाई इंसर्ट करो टू इलिस्ट्रेट एंड कंपेयर डेटा डेटा को वर्णन करने के लिए और कंपैरिजन करने के लिए क्या चीज इंसर्ट करोगे चार्ट इंसर्ट करेंगे भाई क्या इंसर्ट करोगे डेटा को इलुस्ट्रेट करने के लिए और कंपैरिजन करने के लिए हम चार्ट इंसर्ट करेंगे भाई क्या इंसर्ट करेंगे चार्ट इंसर्ट करेंगे भाई क्लियर है बात सभी को ठीक है ना चलिए भाई आगे बढ़ते हैं टू ड्रॉप कैप ये अच्छा क्वेश्चन है देखता हूँ किस किस का सही मिलेगा भाई देखता हूँ ये भी क्वेश्चन किस किस का सही मिलने वाला है भाई सर जी मेमोरी वाला टॉपिक करवा दो जी मेमोरी <laughs> वाला टॉपिक ऐसे ना तो समझ में आने का आप लोगों को क्योंकि जब मेमोरी का टॉपिक आपने नहीं पढ़ा तो मेरे ख्याल से आपने फिर कंप्यूटर में पढ़ा क्या है अगर नहीं पढ़ा तो शुरू से पढ़ने की जरूरत है मेरे भाई शुरू से सारा पढ़ लोगे तो अच्छी बात है ठीक है ना देखो भाई ड्रॉप कैप क्या होता है ड्रॉप कैप होता है इस तरीके से ए फॉर एप्पल यहाँ लाइने लिखी होती हैं इस तरीके से ऐसे होता है न्यूज़पेपर के अंदर पहला जो अक्सर होता है इसको ड्रॉप कैप कहा जाता है और बाय डिफॉल्ट ये तीन लाइंस तक होता है बाय डिफॉल्ट कितने लाइंस तक होता है तीन लाइंस तक होता है बाय डिफॉल्ट भाई

ठीक है ना अच्छा अजीत की भी सुनियो भाई कोई ना भाई कोई ना अजीत कर लेंपा सामने भी तना जरूरी है तो और देख ले भाई कि स्क्रीन साफ नहीं है स्क्रीन तो साफ है यार <laughs> चलिए भाई एम एस वर्ड में वी कैन इंसर्ट क्या पेज नंबर टेक्स्ट बुक टेबल सारी चीजें इंसर्ट कर सकते हैं क्या चीज इंसर्ट कर सकते हैं सारी चीजें इंसर्ट कर सकते हैं भाई क्लियर बात सभी को चलिए भाई आज फॉर पेस्ट स्पेशल कीबोर्ड शॉर्टकट की इज कीबोर्ड शॉर्टकट की पे स्पेशल के लिए कौन सी है भाई बताओ भाई कीबोर्ड के लिए शॉर्टकट की पे स्पेशल के लिए कौन सी है नीरज यादव आपका भी स्वागत है भाई नीरज यादव आपका स्वागत है भाई. नीरज यादव शिप ली है नीरज यादव ने तो स्वागत है भाई में आपका नीरज पेस्ट स्पेशल के लिए बड़ी जबरदस्त शॉर्टकट की है ध्यान रखना बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट की है पेस्ट स्पेशल और इसको इम्पोर्टेंट समझ करके स्टार लगा लेना क्या लगा लेना इसको स्टार लगा लेना इम्पोर्टेंट समझ करके मेरे भाई ठीक है ना तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी जो है इसकी शॉर्टकट की होती है क्या होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी जो है पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है पेस्ट स्पेशल होता क्या है जो कॉपी किया मैटर है उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में पेस्ट करना चाहते हैं यानी कि जैसा कॉपी किया है वैसा नहीं पेस्ट करना चाहते उसके अलावा कोई पेंट के फॉर्मेट में कुछ ऐसा पेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे भाई ठीक है ना चलिए भाई यू यूज सॉरी यूज डैश टू फॉलो हाइपर लिंक हाइपर लिंक के लिए हम शॉर्टकट की क्या होगी यानी कि उसको फॉलो करने के लिए हाइपर लिंक पे क्लिक करके आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट की क्या हो बताओ भाई हाइपर लिंक पे क्लिक करके करके आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट की क्या होने वाली है बताओ भाई अब तीन सौ में भी कुछ रहता है भाई तीन लाइक में सिर्फ एक ही लाइक रहता है मेरे ख्याल से किसका रहता है वो बताओ कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे हाइपर लिंक पे क्लिक करने के लिए हाइपर लिंक को मतलब एक्टिवेट करने के लिए हाइपर लिंक पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे भाई क्या फ्रॉम पैनल यू कैन इंसर्ट इन एमएस एमएस वर्ड वर्ड 2007 2007 में हेडर फूटर कहां से ऐड कर सकते हो अभी तो बताया था इंसर्ट पैनल के अंदर से ऐड कर सकते हो तो अभी बताया था अभी किया था ये क्वेश्चन तो भाई ठीक है ना चलिए भाई टू मूव डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू अनदर

फोन वगैरह में भी आप यूज ही करते हो इसको तो चलिए भाई डैश कैन यूज टू नेविगेट अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट थ्रो स्मॉल पिक्चर पिक्चर ऑफ ईच पेज छोटी छोटी होती है हर पेज की यहाँ पर साइड में कह रहा है कि आप आसानी से नेविगेट कर सकते हो और इधर होता है आपका डॉक्यूमेंट इधर क्या होता है आपका डॉक्यूमेंट होता है तो ये क्या होते हैं ये क्या होते हैं डॉक्यूमेंट मैप होते हैं ग्रिड लाइन होती है रूलर होते हैं थंबनेल होती है क्या होते हैं ये आपके थंबनेल होते हैं बिल्कुल सही बात है क्या होते हैं ये आपके थंबनेल होते हैं भाई ठीक है बात समझ में इस भी को थंबनेल होते हैं चलिए भाई आफ्टर टाइपिंग हेडर टेक्स्ट हाउ कैन यू क्विकली एंटर फुटर टेक्स्ट बताओ भाई अभी बताया था थोड़ी देर पहले शायद ये तो, थोड़ी देर पहले ही बताया था थोड़ी देर पहले तो बताया था ये ए पेज डाउन की टाइप द फॉर हेडर हेडर से फूटर में आ जाएंगे हेडर से किस में आ जाएंगे footer में आ जाएंगे भाई ठीक है ना क्लियर है बात सभी को इज राइट आंसर चलिए बेस्ट अल्टरनेटिव टू यूज टू एमएस एक्सेल ऑफर्ड बाय गूगल आईएनसी गूगल कंपनी के द्वारा एक्सेल का रिप्लेसमेंट करने के लिए बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर उतारा गया मार्केट में वो क्या है बताओ भाई क्या है गूगल सीट क्या है वो गूगल सीट है डॉक्यूमेंट के लिए क्या है गूगल डॉक्स गूगल डॉक्स है डॉक्यूमेंट के लिए क्या है गूगल डॉक्स है और गूगल स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए गूगल स्लाइड किस लिए प्रेजेंटेशन के लिए है ठीक है ना चलिए भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 हैज कॉलम लिमिट ऑफ कॉलम लिमिट कितनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कॉलम लिमिट कितनी है 2013 के अंदर 2019 के अंदर सॉरी सात के बाद कोई भी हो जाए सोलह तीन सो चौरासी राइट आंसर सोलह तीन सौ चौरासी भाई बिल्कुल सही उत्तर है सोलह तीन सौ चौरासी राइट आंसर है एग्जैक्टली exactly. सर कितने क्वेश्चन रहते हैं अब क्वेश्चन हो गए जी एक सौ अड़तालीसवीं स्लाइड है ये दो सौ क्वेश्चन तो मैं कन्फर्म हूँ टू हंड्रेड क्वेश्चन तो आज की क्लास में है ही है टू हंड्रेड तो है ऊपर हो सकते हैं लेकिन हम टू हंड्रेड ही डिस्कस करेंगे हम 200 ही डिस्कस करेंगे आज एम एस एक्सएल दो के अंदर मैक्सिमम कॉलम विड्थ लिमिट जो है वो कितनी है Character में कितनी होती है 255 होती है जीरो से दो सौ छप्पन जीरो से लेकर दो सौ पचपन दो सौ छप्पन होती है अच्छा लिमिट भी पूछिए लास्ट में दो सौ पचपन होती है भाँ. लास्ट में क्या होती है दो सौ पचपन कैरेक्टर डाल सकते हो आप क्या डाल सकते हो दो सौ पचपन जीरो से लेकर के दो सौ पचपन तक होती है जीरो से लेकर के दो सौ पचपन तक होती है भाई यानी कि लिमिट कहा हो, क्या होती है लास्ट में दो सौ पचपन होती है लिमिट क्या होती है लास्ट में दो होती है भाई ठीक है चलिए भाई फाइल दैट कंटेन वन और मोर वर्कशीट टू ऑर्गेनाइज डेटा इज नोन एज एक ऐसी फाइल जिसमें वर्कशीट एक या एक से ज्यादा ऑर्गेनाइज कर सके हम वो क्या कहलाते हैं तो वो क्या कहलाती है वर्क कहलाती है क्या कहलाती है वर्क कहलाती है भाई एक वर्कशीट एक से ज्यादा वर्कशीट जिसके अंदर हम अरेंज कर सके। वर्क बुक क्या होती है कलेक्शन ऑफ़ वर्कशीट क्लियर फंक्शन एमएसएल के अंदर ये एक सौ पचासवा क्वेश्चन है भाई फंक्शन जो है एमएसएक्सल के अंदर इनमें से कौन सा टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज को काउंट करता है टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज को बताता है भाई कौन सा कौन सा इनमें टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज को बताता है भाई हाँ एक घंटे में तो ये चालीस क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे भाई अगले चालीस क्वेश्चन तो एक घंटे में तो करेंगे ही करेंगे कौन सा एवरेज तो होता नहीं काउंट बताता है क्या होता है काउंट टोटल भी फंक्शन नहीं होता एवरेज भी नहीं होता सम टोटल करता है सम क्या करता है टोटल करता है संख्याओं का लेकिन यह तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी एंट्री की है वो कौन बताएगा वो काउंट बताएगा टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी की है वो काउंट बताएगा ठीक है ना और काउंट ए बताएगा खाली सेल कितनी है काउंट इफ बताएगा कि जो आपने कंडीशन लगाई है उतनी सेल कितनी है जो आपने लिख रखा उतनी सेल जो है वो कितनी है भाई ठीक है क्लियर चलिए भाई डैश इज नॉट ए फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट इनमें से कौन सा एक फंक्शन ही नहीं है एक्सेल की स्प्रेडशीट के अंदर भाई बताइए जरा कौन सा एक फंक्शन ही नहीं है कौन सा नहीं है फंक्शन हाइपरलिंक काउंट इफ मिनिमम एवरेज एवीजी नहीं है एवीजी की जगह एवरेज लिखा जाता है

क्लियर नहीं होता प्रॉपर क्या काम करता है प्रॉपर जो है आपके चेंज केस कर देता है केस को चेंज कर देता है क्या कर देता है चेंज केस करता है भाई प्रॉपर प्रॉपर आपका क्या करता है चेंज केस करता है केस को चेंज कर देता है भाई ठीक चलिए भाई 153rd स्लाइड भाई 153 ये सेम क्वेश्चन एमएस वर्ड में रहता है सेम क्वेश्चन एमएस पावर पॉइंट के अंदर रहता है इसका राइट आंसर क्या होगा भाई बताएं भाई। शिफ्ट प्लस एफ थ्री बिल्कुल गनीश शिफ्ट प्लस एफ थ्री चेंज केस के इसके लिए होता है बिल्कुल राइट आंसर क्लोज करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होगी क्लोज करने के लिए क्लोज करने के लिए होगी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू सेव एंड क्लोज क्या होगी ये सेव एंड क्लोज भाई सेव एंड क्लोज के लिए होती है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कंट्रोल प्लस डब्ल्यू ध्यान रखना ठीक है ना

नेम बॉक्स बार के लेफ्ट साइड में नेम बॉक्स होता है फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में नेम बॉक्स होता है नीचे नीचे होते हैं नीचे वर्कशीट होती है शीट 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 ये के टैब होते हैं नीचे वर्कशीट के टैब होते हैं नीचे वर्कशीट के टैब होते हैं नीचे वाली साइड भाई सी इज राइट आंसर अनदर नेम ऑफ प्री प्रोग्रामड फॉर्मूला इन फंक्शन इन एक्सेल इज एक्सेल के अंदर दूसरा नाम है प्री प्रोग्राम फॉर्मूला का पहले से बनाए गए फॉर्मूला का दूसरा नाम क्या है भाई बताओ पहले से बनाए गए फॉर्मूला का दूसरा नाम क्या है ये तो आसान क्वेश्चन है ये तो बता दो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना तो सी फंक्शन राइट आंसर भाई क्या राइट आंसर होगा इसका फंक्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा भाई पहले से बनाए गए फॉर्मूला का जो नाम है वो फंक्शन होता है क्या होता है फंक्शन होता है चलिए भाई कौन सा टैब जो है रैप टेक्स्ट फीचर लेकर आता है एम एस एक्सएल के अंदर एम एस एक्सएल में जो रैप टेक्स्ट होता है वो कौन से टैब में होता है एम एस एक्सएल के अंदर रैप टेक्स्ट यानी कि एक ही सेल में रैप टेक्स्ट हो जाना ये सेल में लिखा था यहाँ लिखा था एल ए बी एच एस आई एन जी एच ऐसे आगे चला गया लेकिन हमने अब ऐसे लिखना है इसको एल ए बी एच एस आई एन जी एच एक ही सेल में टेक्स्ट को रैप करना है एक ही सेल में टेक्स्ट को रैप करना है तो क्या करना पड़ेगा होम के अंदर रैप टेक्स्ट करना पड़ेगा होम के अंदर रैप टेक्स्ट करना पड़ेगा भाई और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है यानी कि एक ही सेल में लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट की क्या होती है एक ही सेल में लाइन ब्रेक के लिए अल्ट प्लस एंटर होती है क्या होती है अल्ट प्लस एंटर होती है एक ही सेल में लाइन ब्रेक करने के लिए अल्ट प्लस एंटर होती है

एक सीरीज होती है दो या दो से ज्यादा अड़सेंट सेल की और कॉलम की और रो की और रेक्टेंगुलर ग्रुप ऑफ सेल की वो क्या होती है भाई उसे क्या कहा जाता है है बताओ उसे क्या कहा जाता भाई सीरीज ऑफ रो कॉलम और आपका रेक्टेंगुलर ग्रुप रेंज कहलाता है क्या कहलाता रेंज और रेंज को कॉलन से लिखा जाता है जैसे ए वन से लेकर के और अगर D5 तक का सेलेक्ट कर लिया मैटर तो ऐसे लिखा जाएगा इसको A1 से D5 ऐसे लिखा जाएगा भाई रेंज को हमेशा इस तरीके से लिखा आता है लगातार यानी कि लगातार सेल सेलेक्ट की हैं ये क्या की हैं लगातार सेल सेलेक्ट की हैं भाई लगातार सेल क्या की हैं सेलेक्ट की हैं इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है भाई लगातार सेलों को सिलेक्ट करना है सेलों को कॉन्टिग्यूस मैनर में सिलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या है बताओ शॉर्टकट की क्या है सेलों को कॉन्टिन्यूसली सिलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या रहेगी शॉर्टकट की रहेगी भाई क्या रहेगी सिफ्ट सिफ्ट प्लस क्लिक करते रहो या सिफ्ट प्लस एरो का निशान दबाते रहो जिस भी वे में सिलेक्ट करनी है उसी वे में ठीक है ना और अगर नॉन कॉन्टिग्यूस मैनर में सेलेक्ट करनी है किस चीज में अभी नहीं बीते चाहे अभी तो क्लास खत्म होने के बाद ही अगर नॉन कॉन्टिग्यूस मैनर में करनी है तो क्या करना पड़ेगा यानी कि एक सेल तो ए वन सेलेक्ट कर ली एन एक सेल हमने यहां पर थी बी वन थी लेकिन हमने बी वन की बजाय हमने बी टू सेलेक्ट कर ली क्या सेलेक्ट कर ली बी टू तो इसके लिए क्या दबाएंगे हम इसके लिए हम कंट्रोल दबाएंगे भाई कंट्रोल किस लिए दबाएंगे नॉन कॉन्टिग्यूस मैनर में सेलेक्ट करने के लिए किस लिए दबाएंगे नॉन कॉन्टिन्यूस मैनर में सेलेक्ट करने के लिए सेलों को कंट्रोल दबाएंगे कॉन्टिन्यूस मैनर में सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबाएंगे ठीक है बात समझ में आई सभी को क्लियर है बात सभी को यहाँ राइट आंसर रेंज हो जाएगा ठीक चलिए भाई हाँ जी चाय के लिए दोबारा बुलावा आ चुका लेकिन हम तो क्लास खत्म होने के बाद ही पियेंगे भाई अब तो क्लास खत्म होने के बाद ही चाय पियेंगे भाई चलो भाई वट इज द डिफ़ॉल्ट रो हाइट ऑफ एम एस एक्सएल एम एस एक्सएल के अंदर रो की जो हाइट होती है बाई डिफॉल्ट वो कितनी होती है ये जो रो की हाइट होती है बाई डिफ़ॉल्ट पंद्रह की होती है पहले बारह पॉइंट पचहत्तर की होती थी पहले बारह पॉइंट पचहत्तर की होती थी आजकल जो ये होती है पंद्रह की होती है और टोटल कितनी हो सकती है जीरो से लेकर के चार सौ नौ तक की हो सकती है जीरो से लेकर चार सौ नौ पॉइंट तक की इसकी टोटल हाइट हो सकती है रो की हाइट की बात कर रहे हैं हम किस चीज की बात कर की की बात कर कर रहे रहे हैं हैं हम रो की की हाइट ठीक है ना चलिए भाई रेफर्स टू सेल विच कैन कंटेन इंफॉर्मेशन होरिजोंटल जो सेल होती है जिसमें जानकारी होती है ये क्या कहलाती है भाई बताओ ये क्या कहलाती है भाई बताओ है भाई, बताओ भाई। क्या कहलाती है सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई वेरी गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग भाई रो कहलाती है बिल्कुल सही बात है क्या कहलाती है ये रो कहलाती है जिसके अंदर जानकारी होती है और डेटाबेस के अंदर रो को टपल भी कहा जाता है रो को क्या कहा जाता है टपल भी कहा जाता है रो को ठीक है ना ध्यान रखना इस बात की क्लियर है मामला चलिए भाई आगे बढ़ते हैं द रिजल्ट इज डैश ए वैल्यू इधर ट्रू और फॉल्स कह रहा है रिजल्ट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है तो वो कौन सा होता है भाई बताओ भाई बताओ भाई, बताओ भाई। बताइए भाई रिजल्ट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है तो वो कौन से में होता है आर्थमेटिक में होता है लोगोरिदम में, में होता है या लॉजिकल में होता है रिजल्ट जो ट्रू होता है या फॉल्स होता है वो आपका लॉजिकल में होता है किस में होता है लॉजिकल के अंदर होता है या तो रिजल्ट ट्रू आएगा या तो रिजल्ट फॉल्स आएगा इनके अलावा कोई रिजल्ट आ ही नहीं सकता ठीक है ना या तो ट्रू या तो फॉल्स आएगा भाई क्लियर बात स्वीक चलिए भाई एक सौ बासठवा क्वेश्चन है ये ये क्या है एक सौ बासठवा क्वेश्चन है भाई वन सिक्सटी टू क्वेश्चन है भाई ठीक है चलिए भाई बताओ भाई क्या राइट आंसर होगा भाई कह रहा कि कंपैरिजन ऑपरेटर कौन सा है तो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है डबल इक्वल ये वाला कौन सा होता है ये वाला अकेला ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है भाई ये इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर होता है असाइनमेंट का मतलब क्या होता है ए की बीस वैल्यू असाइन कर दी बीस वैल्यू किसकी असाइन कर दी ए की और कंपेरिजन कौन सा होता है डबल इक्वल होता है भाई कंपेरिजन कौन सा होता है डबल इक्वल होता है भाई. ठीक है ना चलिए भाई आ गया ट टू मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन के लिए कौन सा निशान प्रयोग होता है एक्सेल के अंदर भाई? Excel के अंदर मल्टीप्लीकेशन के लिए कौन सा निशान उपयोग होता है भाई एक सौ तिरसठवा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यानी कि एक सौ तिरसठवी स्लाइड हम डिस्कस कर रहे हैं मुझे लगता है लगभग हम दो घंटे कुछ मिनट में इस मामले को निपटा देंगे तीन घंटे कुछ मिनट में सॉरी तीन घंटे कुछ मिनट में हम क्लास को निपटा देंगे एक बज के पच्चीस मिनट के लगभग क्लास शुरू हुई थी और चार बज के पच्चीस मिनट होने को है ठीक है ना देखो भाई कैरेट होता है ये वाला जो पावर के लिए यूज किया जाता है ये किस लिए यूज किया जाता है ये पावर के लिए यूज किया जाता है भाई यानी कि दो की पावर आठ लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं एस्ट्रिक्स होता है ये वाला स्टार वाला ये गुना के लिए प्रयोग किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए यही प्रयोग किया जाता है परसेंटेज साइन ये होता है फॉरवर्ड स्लैश ये होता है बैकवर्ड स्लैश ये होता है ये क्या होता है आपका बैकवर्ड स्लैश होता है भाई ये आपका बैकवर्ड स्लैश है और ये आपका फॉरवर्ड स्लैश है ठीक है ना फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश यहाँ पर ये दो होते हैं भाई ठीक है ना क्लियर है बात सभी को ओके मामला चलिए भाई इन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एम एस एक्सएल के अंदर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कौन सा है भाई एम एस एक्सल के अंदर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो है वो कौन सा होता है भाई बताइए जरा कौन सा होता है एमएस एक्सेल के अंदर सेल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस ये तो आसान क्वेश्चन है बताएं भाई एमएस एक्सेल के अंदर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कौन सा होता है तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए डॉलर साइन का प्रयोग क्या आता है बी इज द राइट आंसर भाई बी इज द राइट आंसर भाई डॉलर साइन का प्रयोग किस लिए क्या आता है सेल कॉलम तो से पहले लगा देंगे। अगर हमने को करना है, तो से पहले लगा देंगे। और अगर हमने को भी, को भी करना है तो कॉलम से पहले भी डॉलर साइन रो से पहले भी डॉलर साइन लगा देंगे भाई क्लियर है बात सभी को चलिए भाई कह रहे कि कौन सा चार्ट है जो वैल्यू को कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है भाई? वैल्यू को कंपैरिजन करने के लिए कौन सा चार्ट प्रयोग किया जाता है राम राम भाई सभी को वैल्यू के कंपैरिजन के लिए कौन सा चार्ट प्रयोग किया जाता है बताओ कॉलम चार्ट है कौन सा चार्ट यूज किया जाता है वैल्यूओं के लिए वैल्यूज को बहुत सारे वैल्यूज को कंपैरिजन करने के लिए कौन सा चार्ट यूज किया जाता है कॉलम चार्ट जो इस प्रकार का होता है आपका इस प्रकार का क्या होता है आपका कॉलम चार्ट होता है मेरे भाई क्या होता है इस प्रकार का आपका कॉलम चार्ट होता है भाई ठीक है ना क्लियर है बात सभी को चलिए भाई पाई चार्ट कौन सा होता है जो एज ए होल परसेंटेज में वैल्यूज को दिखाता है परसेंटेज में वैल्यू को दिखाता है वो होता है आपका पाई चार्ट भाई कौन सा होता है पाई चार्ट होता है डोट चार्ट होता है आपका अच्छा। डोट चार्ट डोट डोट ठीक है ना चलिए भाई लाइन चार्ट होता है जो आगे क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन आ ही आएगा बस इसका आंसर लाइन चार्ट होगा भाई ठीक है ना इसका आंसर क्या होगा लाइन चार्ट होगा बहुत सारी वैल्यू का कंपैरिजन करने के लिए लाइन चार्ट का प्रयोग नहीं कर सकते दो लाइनों के बीच में यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में दो कंपनियों के बीच में कंपैरिजन के लिए हम लाइन चार्ट का प्रयोग है? करेंगे भाई ठीक है ना लाइन चार्ट का ओके चलिए भाई फंक्शन इन चार्टर कंडीशन इज नॉट कौन सा फंक्शन एक्सेल में चेक करता है कि कंडीशन सही है या गलत है सही है या सही नहीं है गलत नहीं सही नहीं या तो सही है या तो सही नहीं कौन सा फंक्शन है ऐसा जो चेक करता है भाई ऐसा फंक्शन कौन सा जो चेक करता है ऐसा फंक्शन है इफ भाई ऐसा फंक्शन कौन सा है मेरे भाई इफ फंक्शन है ऐसा भाई ठीक है क्लियर हुई बात सभी को इफ फंक्शन ऐसा काम करता है भाई राइट आंसर चलिए भाई एक्सेल के जो कॉलम होते हैं उनका लेबल जो लगा होता है कॉलम के अंदर वो क्या लगा होता है भाई एक्सेल के अंदर कॉलम का जो लेबल लगा होता है वो क्या होता है भाई बताओ कॉलम का लेबल होता है ए बी सी डी क्या होता है ए बी सी डी होता है भाई ए से लेकर होता है ए से लेकर के कहाँ तक होता है a से के. ना क्लियर है e, लेकर के ई फाइव तक की रेंज को दर्शाने वाला इनमें से कौन सा ऑप्शन है बी वन से लेकर के ई फाइव तक दर्शाता है जो इनमें से कौन सा ऑप्शन है भाई तो कौन सा ऑप्शन बताओगे मेरे भाई बता दीजिए भाई कौन सा ऑप्शन बताओगे हाँ रेंज को दर्शाने वाला क्या होता है कोलन होता है रेंज को दर्शाने वाला क्या होता है मेरे भाई कोलन होता है क्लियर है ना बात सभी को चलिए भाई आगे बढ़ते हैं द बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ एन एक्सेल वर्क बुक इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट करे कि एक को छोड़ करके बाकी सारे एक्सेल के कंपोनेंट है वो क्या है भाई बताओ तो बता दो क्या है भाई तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन है है भाई 170 वाँ है, टोटल हम दो सौ क्वेश्चन करेंगे आज ठीक है ना एक सौ सत्तरवा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने भी ये क्लास अटेंड की है या जो भी ये क्लास अटेंड करेंगे भगवान उनको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर कर दे और एग्जाम में उनको जो है इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए उनके क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट हो जाए और आप जल्द से जो जल्द जो है जॉब लगाओ भाई ठीक है ना तो वर्क बुक के अंदर सर्च बार नहीं होता भाई क्या नहीं होता वर्क बुक के अंदर सर्च बार जो है वो नहीं होता वर्क बुक होता, होता है रो होता है नेम बॉक्स होता है सर्च बार इसका एलिमेंट नहीं है भाई ठीक है ना चलिए भाई फिर से बुक आ गई जो लेट जुड़े हैं लास्ट में जुड़े हैं उनको बता देते हैं बुक जो है टीसीएसएसएल ग्रुप सी डी मेन्स के लिए इत्यादि सभी सेंटर और स्टेट एग्जाम के लिए उपलब्ध होती है भाई ठीक है ना ये बुधवार को बुक मार्केट में आ जाएगी चलिए भाई अगला क्वेश्चन ले लेते हैं चलो भाई आ जाओ भाई हाँ भाई बिल्कुल ब्रेक नहीं अब ब्रेक नहीं लेंगे अब ब्रेक नहीं लेंगे बिल्कुल भी अब तो खत्म ही करेंगे कहानी को तो निपटाएंगे इसको बिल्कुल ही एक सौ बहत्तर तो क्वेश्चन हो गए यार दो सो तो क्वेश्चन है सारे पच्चीस क्वेश्चन रहते हैं जरूरत ही नहीं है ब्रेक की करंट डेट करंट डेट कौन से से शो होती है टुडे से शो होती है किससे शुरू शो होती है टुडे से अकेला नाउ से क्या होता है नाउ से डेट एंड टाइम होता है नाउ से क्या होता है डेट एंड टाइम होता है भाई डेट एंड टाइम होता है नाओ से नाव से डेट एंड टाइम शो होता है भाई ठीक है ना क्लियर है बात सभी को चलिए भाई विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर मेकिंग ए रिज्यूमे बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है भाई जो डेव सी होता है डैवसी ये सी लैंग्वेज के लिए है भाई सी लैंग्वेज के लिए प्लेटफॉर्म है ये किस लिए है सी लैंग्वेज के लिए प्लेटफॉर्म है डैवसी भाई जावा आपको बताइए जावा मर जावा मिट जावा जावा जो है एक भाषा है जो वेब बेस्ड भाषा है यानी कि इंटरनेट की भाषा है एमएस वर्ड यूज किया जाता है जो आपका किस लिए यूज किया जाता है बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है भाई बनाने के लिए वर्ड प्रयोग होता है भाई चलिए हाउ डू यू रैप द टेक्स्ट इन ए सेल एक सेल के अंदर टेक्स्ट को रैप करना है तो कौन सा फीचर अपनाओगे भाई कौन सा फीचर अपनाओगे सेल के अंदर टेक्स्ट को हमने रैप करना है यानी कि आगे लेकर के आना है तो कौन सा फीचर अपनाओगे भाई बताइए भाई कौन सा फीचर अपनाओगे टेक्स्ट के अंदर हमने सेल के अंदर टेक्स्ट को क्या करना है रैप करना है मेरे भाई बताइए हाँ बिल्कुल सही इसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ गया फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट सेल अलाइनमेंट भाई सेल क्या होगा अलाइनमेंट के अंदर होगा रैप टेक्स्ट यानी कि पहले आपने ये क्लास देख रखी है इसका मतलब इस कल, जिस क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था फॉर्मेट सेल के अंदर रैप टेक्स्ट आप यहाँ से करोगे तो सेल के अंदर ही टैक्स जो है नेक्स्ट सेल में आ जाएगा भाई क्लियर है बात सभी को okay ओके है मामला चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वर्ड प्रोसेसर जो आपका ज़्यादातर यूज होता है वो किस लिए होता है भाई वर्ड प्रोसेसर जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो किस लिए यूज़ होता है भाई तो यहाँ तो आंसर दे ही रखा आई थिंक ये बोल्ड कर रखा है टाइप ऑफ बायोग्राफी ये गलती से बोल्ड किया हुआ है बायोग्राफी टाइप करने के लिए एम एस वर्ड का यूज़ किया जाता है किस चीज़ का यूज़ किया जाता है एम एस वर्ड का बायोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है भाई ठीक है ना काउंट ए फंक्शन जो होता है वो क्या काम करता है भाई काउंट ए फंक्शन क्या काम करता है बताओ भाई तीन घंटे की लिमिट पार हो चुकी है भाई अपने चलिए बताइए फंक्शन अपना क्या काम करता है नॉन एम्पटी शेल को बताता है यानी कि जो शेल खाली नहीं है उनको बताता है उनमें चाहे टेक्स्ट लिखा हो चाहे नंबर लिखा हो लिखा होना चाहिए कुछ ना कुछ उनको काउंट नहीं करता जो, जो खाली है नॉन उनको काउंट करके बताता है कि ये कितनी है यानी कि खाली नहीं होनी चाहिए बस सीधी सी बात है सेल खाली नहीं होनी चाहिए शॉर्टकट की टू हाईलाइट एंटायर कॉलम ये तो दूसरी बार आया है पूरे एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम कौन सी की यूज करते हैं एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम कौन सी की यूज करते हैं भाई बताओ भाई कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस पेज अब आगे बढ़ने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार कॉलम को सेलेक्ट करने, करने के लिए वो पहले वाला रो को सेलेक्ट करने के लिए था कॉलम के लिए नहीं था रो को सेलेक्ट करने के लिए था ठीक है ना चलिए भाई फॉर्मूला है जो कौन से सिंबल से फिक्स कॉलम और रो कर देगा ये तो दूसरी बार आया क्वेश्चन फिक्स कॉलम और रो करेगा डॉलर साइन कौन सा डॉलर साइन भाई ये एक सौ क्वेश्चन आ चुका है भाई वन क्वेश्चन आ चुका है सिर्फ बीस क्वेश्चन रहते हैं आप स्पीड अपनी कमेंट्स की बढ़ा दीजिए तो मैं जो है आपके क्वेश्चंस की स्पीड जो है मैं बढ़ा दूंगा भाई वैसे क्वेश्चन तो ज्यादा हैं लेकिन हम डिस्कस दो ही करेंगे क्वेश्चन है भाई आज दो डिस्कस तो करेंगे चलो तो देखिए कौन, में में कौन सा नहीं होता मैजिक टूल नहीं होता भाई क्या नहीं होता इनमें से मैजिक टूल एम एस वर्ड के अंदर नहीं होता ठीक है ना मैजिक टूल नहीं होता एम एस वर्ड के अंदर कौन सा एडिशन जो है एम एस वर्ड का इनमें से नहीं है नहीं है पूछा नहीं है तो ये भी एडिशन होता है ये भी होता है ये भी होता है ये एडिशन नहीं है वर्ड वर्ड का का ऐसा एडिशन नहीं ठीक है ना क्लियर सभी को हाँ जी सारे करवा देंगे चिंता ना करो चलिए मुझे सोना भी है भाई डैश वर्क विद स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड कॉपी एंड पेस्ट कमांड के साथ कौन सा स्टैंडर्ड जो है वर्क करता है, है? अच्छा कॉपी एंड पेस्ट के साथ कौन सा वर्क्स जो कौन सा काम जो, कौन सी चीज है जो काम करते हैं ऑफिस क्लिपबोर्ड काम करता है कॉपी करो पेस्ट करो कॉपी करो और पेस्ट करो भाई कॉपी करो और पेस्ट करो व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया प्रिंटिंग एरिया से बाहर का जो स्पेस छोड़ा है वो क्या कहलाता है भाई मार्जिन कहलाता है क्या कहलाता है मार्जिन जो ये प्रिंट ये तो प्रिंट होगा और ये बाहर का जो स्पेस छोड़ रखा है ये क्या कहलाता है आपका मार्जिन कौन सा कौन सा मार्जिन टॉप मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन बॉटम मार्जिन और आपका बाइंडिंग मार्जिन जिसे गटर मार्जिन कहा जाता है ठीक है ना एक मिरर मार्जिन होता है जो पेज को यूं करके दिखाने के लिए होता है है जैसे वो नहीं करती नई नई नहीं, नहीं, दुल्हन हाथों हत, में मेहंदी लगा करके यूं फोटो वगैरह उतरवाती है वो मिरर मार्जिन होता है क्या होता है वो मिरर मार्जिन होता है वो चलिए एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड नेम और एड्रेस को मिलाना स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में क्या कहलाता है भाई नेम और एड्रेस को मिलाना मेल मर्ज कहलाता है भाई क्या कहलाता है मेल मर्ज नेम को और एड्रेस को दोनों को मिला दिया तो हम क्या कहेंगे मेल मर्ज कहेंगे भाई भाई क्या कहेंगे कहेंगे मेल मर्ज ठीक है ना एक ने कमेंट कर रखा था कह रहा है कि सर सारे के सारे एग्जांपल आप शादी के लेते हो याद <laughs> ही ऐसे ऐसे एग्जांपल आते हैं फिर करें क्या करे सर सारे ए टू जेड एग्जांपल आपके शादी के होते हैं

prepare send publish ये तीनों तो होते हैं देख लेते हैं एक बार prepare send और publish तीनों होंगे भाई prepare भी है send भी है publish भी है ठीक है बात new open save save as print prepare send publish close ये सारे होते हैं भाई ठीक है ना सारे के सारे होते हैं चलिए भाई क्विक एक्सेस टूल बार कहां होता है क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है आप होता है डाउन होता है लेफ्ट होता है राइट होता है कहाँ होता है भाई क्विक एक्सेस टूल बार क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है अप होता है भाई ठीक है ना अप ऑफ द ऑफिस अपन सॉरी 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 ये कह रहा कि ऑफिस बटन के कहां होता है तो ऑफिस बटन जो होता है क्विक एक्सेस टूल बार इसके जस्ट राइट right में होता है यहां पर होता है राइट राइट आंसर आएगा भाई वैसे तो विंडो में तो अप होता है लेकिन ऑफिस बटन से पूछा है ऑफिस बटन से राइट में होता है ऑफिस बटन कहा होता है बिल्कुल लेफ्ट में होता है समझ रहे हो बात को ठीक है ना ऑफिस बटन के राइट साइड होता है चलिए भाई एक सौ नब्बे कमांड जो है प्रेजेंट नहीं होती रिव्यू टैब में रिव्यू टैब में कौन सी कमांड प्रेजेंट नहीं होती प्रूफिंग कमेंट ट्रैकिंग रिव्यू टैब के अंदर भाई कौन सी कमांड है जो नहीं होती शायद नन ऑफ दीज भाई प्रूफिंग भी होता है कमेंट भी होता है ट्रैकिंग भी होता है ऐसी तो कोई कमांड इसमें नहीं है जो रिव्यू टैब में नहीं होनी चाहिए तो भी है भाई बिल्कुल सही बात है प्रूफिंग भी है कमेंट भी है ट्रैकिंग भी है ये रिव्यू टैब के अंदर है ये तीनों वही ट्रैकिंग है भाई ठीक है ना चलिए भाई वन नाइनटी टू क्वेश्चन भाई दूसरा सेकेंड क्वेश्चन है लाइक कितना हो गया लाइक आप लोग देखो बताओ कितना हो गए बताओ भाई कितने पहुंचा दिए आप लोगों ने श्यावास। <laughs> देखो भाई कह रहे कि रूलर जो प्रेजेंट होता है रूलर कहाँ होता है भाई रिबन के कहाँ होता है रिबन से नीचे होता है रिबन से क्या होता है नीचे होता है भाई रूलर जो होता है रिबन रिबन जो होता है रिबन रिबन से बिल्कुल नीचे होता है रूलर क्या होता है रिबन से नीचे रूलर होता है भाई ठीक है ना क्लियर हुई बात सभी को चलिए भाई आगे बढ़ते हैं ये देखिए ये रिबन है ये क्या है ये रिबन है रिबन ये वाला, ये वाला से लेकर के यहाँ तक तो ये सारा क्या होता है रिबन होता है जिसके अंदर टैब होते हैं बहुत सारे और ये रूलर होता है ये क्या होता है आपका रूलर होता है ठीक है ना ओके चलिए फॉर्मूला जो एक्सेल में होता है वो कौन से सिंबल से स्टार्ट होता है ये तो दूसरी बार क्वेश्चन आया शायद इक्वल के निशान से स्टार्ट होता है शायद दूसरी बार क्वेश्चन है ये चलिए भाई रो के नंबर जो होते हैं रो जो लेबल होती है वो कौन से उससे लेबल होती है बताओ भाई क्या करे भाई शायद आप पहले मिल जाते <laughs> शादी के बाद पछतावा होता है ऐसा ना कि शायद आप पहले मिल जाते हैं अब जो कि देखिए भाई स्प्रेडशीट जो, जो होता है रो के नंबर जो होते हैं दस अड़तालीस पांच सौ छिहत्तर होता है दस अड़तालीस पांच सौ छिहत्तर होता है भाई भाई चलिए ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट फाउंड इन में इनमें से कौन सा फीचर जो है वो नहीं मिलता भाई एम एस एक्सएल के अंदर कौन सा फीचर नहीं मिलता हाँ ये तो मैं करवा चुका हूँ ये तो बता ही सकते हो एमएस एक्सल के अंदर इनमें से कौन सा फीचर जो है नहीं मिलता भाई इतना ढूंढा अच्छा कंप्यूटर टीचर अच्छा जी तो ये तो आप लोगों की मेहनत है भाई ये तो आप लोगों की जो है मेहनत है बहुत मेहनत करते हो आप लोग तो स्प्लिट सेल नहीं हो सकता एक सेल को आप स्प्लिट नहीं कर सकते एम एस एक्सेल के अंदर एक सेल को आप स्प्लिट नहीं कर सकते ठीक है ना सेल को स्प्लिट चलिए भाई आपके वैल्यू को एक सेल में जाने से एक सेल में जाने से आपकी वैल्यू कोई तो डेटा वैलिडेशन करेगा भाई कौन करेगा डेटा वेलिडेशन करेगा मेरे भाई भाई डेटा वैलिडेशन कौन करेगा डेटा वैलिडेशन डेटा वैलिडेट कर देंगे हम किस सेल के अंदर ये डेटा आ सकता है उसको रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे उसके ऊपर क्या लगा देंगे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे भाई उसके अंदर ठीक है ना फ्रीज पेन तो फ्रीज करता है मेरे भाई फ्रीज करता तो है वो तो फ्रीज कर दे रोक देगा जमा देगा डेटा को यानी कि वो सेल हिलेगी नहीं वो सेल आगे पीछे नहीं जाएगी जिसको आप फ्रीज करोगे ठीक है ना वो रो वो कॉलम जिसको आप फ्रीज करोगे आगे पीछे नहीं होंगी 10? 10 तो उसको हाईलाइट करना है तो कौन सा ऑप्शन यूज करोगे मेरे भाई तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे कंडीशन के तहत फॉर्मेटिंग लगा देंगे कंडीशन क्या है कंडीशन ये है कि उसके 10 से नीचे नंबर आए तो लाल हो जाए मामला रेड हो जाए और अगर उसके 100 से ऊपर नंबर आए तो ग्रीन हो जाए है ना ऐसा ऐसा तो कंडीशन के तहत फॉर्मेटिंग लगा देंगे नोट ए वैलिड सेल एड्रेस इनमें एक वैलिड सेल एड्रेस नहीं है नोट ए वैलिड सेल एड्रेस भाई तो वैलिड एड्रेस कौन सा नहीं है सेल का एड्रेस ये हो सकता है डॉलर साइन के साथ ये हो सकता है ये हो सकता है ये रेंज होती है A1 से लेकर के कुछ रेंज को दिखाता है कोलन तो ये नहीं हो सकता भाई ठीक है ना जी चलिए भाई ये दो क्वेश्चन है भाई दो क्वेश्चन है ये टू क्वेश्चन है और आज जो है हम 200 क्वेश्चन पार कर चुके हैं भाई चार बज के चालीस मिनट हुई है भाई 140 पे है चौलीस पे स्पीड है एक 144 चौवालीस पे देखो कह रहा कि एक टूल है जो कैलकुलेट करता, करता, करता है समराइज करता है एनालाइज करता है पैटर्न को ट्रेंड्स को वो सारी चीज होता है पाइवट टेबल क्या होती है वो सारी चीज पाइवट टेबल होती है एक्सेल के अंदर क्या होती है पाइवट टेबल होती है वो एक्सेल के अंदर भाई क्लियर है बात सभी को पाइवट टेबल चलिए भाई आज तो सारे कर ही देते हैं 220 के 220 क्वेश्चन कर ही देते हैं निपटा ही देते हैं भाई ठीक है ना 220 के 220 क्वेश्चन निपटा देते हैं भाई हां जी निपटा देते हैं चलिए भाई

ए दस है ए दस से लेकर के बी सी डी डी तीस तक डी कहाँ तक तीस तक ग्यारह से लेकर के तीस तक तीस तो ये हो गए सॉरी ग्यारह से लेकर के तीस तक बीस तो ये हो गए एक इक्कीस ये हो गया और एक दो तीन चार चार, चार ये हो गए इक्कीसों का चौरासी सेल हो जाएंगी कितनी सेल हो जाएंगी चौरासी सेल हो जाएंगी पहले वाला क्वेश्चन याद होगा आपको इसलिए इतना जल्दी आंसर दे दिया किसी को नहीं पता हो तो ये काउंट करनी पड़ेगी फिर आपको नहीं पता तो यहाँ ए दस से शुरू कर लेना ग्यारह से लेकर के मतलब ए तीस तक ले जाना और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सारी सेल सेलेक्ट सेल कर ली तो पूछा है कितनी सेल बनी भाई टोटल सेल कितनी बनी तो देख लो काउंट करके कितनी बनी यहाँ से तो एक दो तीन चार बनी और यहाँ से एक से लेकर के तीस तक बीस ये बनी और एक एक इक्कीस ये इक्कीस ये है तो इक्कीस चौका चौरासी इक्कीस चौका चौरासी शायद ऐसे ही हुआ ना है ना चलिए भाई दो सौ छप्पन डिवाइड बाई आठ डिवाइड बाई चार डिवाइड बाई दो ये डाउट भी था किस भाई का डाउट था अब समझ लेना भाई डाउट था ये किसका डाउट था दो सौ छप्पन को आठ से भाग करो आठ या चौबीस आठ दूनी सोलह बत्तीस डिवाइड बाई चार डिवाइड बाई दो बज गया चार को बत्तीस बत्तीस को चार से भाग करो आठ को बत्तीस आठ बज गया आठ को दो से भाग करो दो चौको आठ चार बज गया तो राइट आंसर चार कह रहे सर इसका कम मैथ में और कंप्यूटर में अलग अलग कैसे हो सकता है तो मैं कब कह रहा हूं भाई अलग अलग हो सकता है मैथ में और कंप्यूटर में सेम ही होगा तो चार ही तो आंसर आएगा मैथ में भी तो चार ही आएगा देख लेना एक बार भाई ठीक है ना चलिए भाई फॉर्मूला है दो की पावर तीन एक माइनस दो डिवाइड बाई दो राइट आंसर क्या होगा भाई तो दो की पावर तीन होता है आठ पहले तो पावर वाला सोल्व होता है इसके अंदर फिर डिवाइड वाला सोल्व होता है एक माइनस एक एक माइनस एक जीरो आठ कोमा जीरो आठ कोमा जीरो का सम कितना होगा आठ होगा आठ कोमा जीरो का सम कितना होगा आठ होगा भाई आठ कोमा जीरो का सम जो है वो कितना होगा आठ होगा फ्लोर पांच तीन यानी कि फ्लोर होता है नीचे वाली वैल्यू सीलिंग होता है ऊपर वाली वैल्यू पांच से नीचे वाली वैल्यू जो तीन से प्रॉपर भाग हो जाए तीन से प्रॉपर भाग हो तीन होगी पांच से नीचे की वैल्यू क्या होगी तीन होगी जो तीन से पूर्णतया भाग हो जाए ठीक है ना पूर्णतया भाग हो जाए जो तीन से भाई ठीक सीलिंग यानी कि सात से ऊपर की वैल्यू जो पांच से पूर्णता भाग हो जाए सात से ऊपर की वैल्यू जो पांच से पूर्णतः हो जाए वो दस होगी क्या होगी दस होगी भाई एक्सेल जो है वो क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन है वर्कबुक सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है कैसा सॉफ्टवेयर है भाई एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है भाई कुलदीप नैन थैंक यू सो मच सर जी कुलदीप नैन अपने पतंजलि विद्यापीठ के डायरेक्टर भी हमारे साथ जुड़े हैं सर आपका स्वागत है सभी सर का स्वागत ज़रूर करें भाई तो कुलदीप जी एक अच्छे मोटिवेटर और काफ़ी सालों से इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर का एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या सभी पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने तो भाई हैं ये कह है सकते हैं अपने तो भाई अपने तो फैमिली मेम्बर ही हैं तो थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच तो देखो भाई एम एस एक्सल जो है एमएस एक्सल एम एस एक्सल क्या आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर तो नहीं है डेटाबेस तो नहीं है वर्क बुक सॉफ्टवेयर है कैसा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है कैसा सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वर्क बुक तो एक वर्क बुक तो एक फाइल है वर्क बुक क्या है एक फाइल है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है भाई कैसा सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है भाई ठीक है ना क्लियर है बात सभी को चलिए भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वॉज फर्स्ट टाइम लॉन्च इन बाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है पहली बार लॉन्च की गई थी कब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है पहली बार जो लॉन्च की गई थी वो कब लॉन्च की गई थी भाई तो कब लॉन्च की गई थी 1985 के अंदर की गई थी. कब की गई थी? 1985 के के अंदर अंदर लॉन्च 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 की 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 गई 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 थी थी कब कैसे दिया जाता है बात सभी को भाई नाम कैसे दिया जाता है सेल को नाम कैसे दिया जाता है एमएस एक्सएल के अंदर भाई. बताओ भाई. डबल क्लिक करके शीट में या सिंपली डबल क्लिक करके सेल में और नाम दे दे करके नेम बॉक्स से नाम नाम है सेल को नाम देने का एक ही तरीका नेम बॉक्स क्या तरीका है कि नेम बॉक्स तरीका सेल को अगर नाम देना है तो नेम बॉक्स की सहायता से देंगे भाई ठीक है ना चलिए भाई एम एस एक्सएल की बोर्ड शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू वर्क बुक नई वर्क बुक के लिए शॉर्टकट की क्या है भाई नई वर्क बुक लेनी है उसके लिए शॉर्टकट की क्या है नई वर्क बुक के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन भाई क्या है कंट्रोल प्लस एन नई वर्क बुक के लिए शॉर्टकट की है सीट लेने के लिए शॉर्टकट की क्या है नई सीट इंसर्ट करने के लिए वर्क बुक के अंदर शॉर्टकट की क्या है सिफ्ट प्लस सिफ्ट प्लस एफ ग्यारह भाई एफ ग्यारह किस लिए है एफ ग्यारह चार्ट इंसर्ट करने के लिए एफ ग्यारह किस लिए है चार्ट इंसर्ट करने के लिए ठीक है ना क्लियर हुई बात सभी चलिए भाई एम एस में कीबोर्ड शॉर्टकट की टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है भाई सेव एज डायलॉग बॉक्स अगर आप ओपन करोगे तो क्या हुआ लास्ट में बातें करने लग गए क्या सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है मेरे भाई बताओ भाई सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो शॉर्टकट की कौन सी होगी भाई ये तो सभी को पता है सेव एज एफ

दो सौ तेरवा क्वेश्चन है भाई दो सौ तेरवा क्वेश्चन है इसके बाद कुल सात क्वेश्चन रह गए निपटाओ फटाफट इसके बाद सात भी नहीं रहे दो अठारह क्वेश्चन है पांच ही रह गए ओपन वर्कबुक कैन इजीली बी स्विच्ड यूजिंग ओपन वर्कबुक को आसानी से स्विच किया जा सकता है स्विच का मतलब है एक से दूसरे पर जंप करके दूसरे से तीसरे पे तो से कर सकते हैं कंट्रोल प्रोग्राम और अगर हमने अगर ओपन प्रोग्राम में स्विच करना हो तो जितने भी खुले हुए प्रोग्राम है उनको स्विच करना हो तो अल्ट प्लस टैब से स्विच कर सकते हैं भाई ठीक है ना स्वागत है मैडम जी आपका भी मोस्ट वैल्यूएबल स्टूडेंट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मैडम जी कंट्रोल प्लस टैब वर्कबुक को स्विच करने के लिए और अल्ट प्लस टैब अपना प्रोग्राम को स्विच करने के लिए भाई ठीक है ना चलिए भाई अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ एक्सेल विंडो एक्सेल विंडो में बॉटम में ये तो सेकंड टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है वर्कशीट के टैब भाई रिपीटेड hmm. क्वेश्चन है भाई चलिए एरे फोर्मूला जो होता है ये ये बड़ा खास क्वेश्चन है ये बड़ा खास क्वेश्चन है इसका आंसर देखूंगा मैं आप में से कौन कौन कर पाते हैं इसका आंसर देखूंगा कौन कौन कर पाते हैं देख रहा हूं मैं अब शुरू हो जाओ इसका आंसर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई अच्छा सी कह रहे हैं क्या सी होगा जी

वी मतलब वर्टिकल लुकअप फंक्शन वी मतलब वर्टिकल लुकअप लुकअप फंक्शन होता है भाई लुकअप फंक्शन जो है इस तरीके की चीजें रिटर्न करता है भाई ठीक है ना ये दो सौ अठारवा क्वेश्चन है भाई कह रहा है कि डायलॉग बॉक्स फॉर्मेट सेल के अंदर सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हमें क्या चीज दबानी होगी तो कंट्रोल प्लस वन दबाना होगा कंट्रोल प्लस टू से बोल्ड होता है कंट्रोल प्लस थ्री से इटैलिक होता है और कंट्रोल प्लस फोर से अंडरलाइन होता है कंट्रोल प्लस वन जो है इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस वन जो है राइट आंसर किस लिए होगा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स एम एस एक्सएल के अंदर ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस वन जो है वो राइट आंसर होगा भाई क्लियर है राहुल कौन सा समझ में आया वीलुक डायलॉग बॉक्स वाला तो ये था आज का सेशन भाई ये था आज का सेशन भाई वो वील कप व्हील कॉप एक फंक्शन होता है जो आपका क्या करता है किसी पर्टिकुलर कॉलम में कोई चीज आपने डाली उसके अगेंस्ट सिमिलर यानी कि उसी रो के अंदर यानी कि जैसे आपने पूछा कि लैपटॉप में सेन जो डेल का लैपटॉप होता है उसका कितना कितना चार्ज लगाया हुआ है तो एक बार काउंट करेगा उसके सामने वाली वैल्यू को फिर दूसरी बार फिर से कहीं लैपटॉप आया तो फिर से उसके सामने वाली वैल्यू को फिर से तीसरे वाली वो वी व्हीलूकोप फंक्शन होता है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई तह दिल से थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल कमेंट यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता देना थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू सो मच